ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी क्लास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। आज की क्लास में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करेंगे, बहुत सारे लॉजिक्स की बात करेंगे। एक बार अगर ये वाले कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए ना, तो आगे पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी रहेगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये वाला जो चैप्टर है, ये सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेस है। मतलब ये वाला चैप्टर अगर आप लोगों का एकदम स्ट्रांग है, तो कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऑलमोस्ट किसी भी चैप्टर की बात कीजिए, तो ये चैप्टर उसका बेस बनता है। ठीक है, चलिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी पूरा का पूरा हम लोग इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह दिए गए हैं आपके नोट्स में। आपके नोट्स में अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो पहली बेसिक बात बोली कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट होता है, और वहीं दूसरी एंटिटी के लिए या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी है। यानी एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होना ज़रूरी है, दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी होना जरूरी है। समझ में आया? ये बेसिक डेफिनेशन है, ये अभी सिर्फ बेसिक बात की गई है। अब हम लोग मेन बात शुरू करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं। चलिए, फाइनेंशियल एसेट आप लोग क्या याद रखेंगे, आप लोग अपने नोट्स के अंदर में भी लिख देना कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं अधिकार, राइट टू रिसीव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। तो और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, मुझे ऐसे अधिकार दे रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। आप समझिए, मैं कुछ नहीं करूंगा फिर भी मुझे कैश मिलता रहेगा या कैश इक्विवेलेंट मिलती रहेगी। मतलब आप घर पे सोए हैं, आपने कोई एक्टिविटी नहीं कैरी आउट की, फिर भी उस एसेट के कारण आपके बैंक अकाउंट के अंदर में पैसे आ रहे हैं। समझ रहे हैं? या कैश जैसी कोई चीज आ रही है, कैश इक्विवेलेंट आपके अकाउंट में आते जा रहा है। तो इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। मतलब जहां पे राइट होता है, और ये राइट मतलब कोई विदाउट एनी कंडीशन है, अनकंडीशनल राइट है, विदाउट एनी कंडीशन राइट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ एसेट्स लिखूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। मतलब ये नहीं कि, मतलब आप लोग स्टैंडर्ड के पॉइंट से नहीं बोलेंगे, ये डेफिनेशन के पॉइंट से बोलेंगे कि आपको क्या लगता है ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। पहले तो बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। बैलेंस शीट के अंदर में एसेट साइड पे चलते हैं। पीपी, फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या लगता है आप लोगों को ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। इसी के जैसे होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए चलिए आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आप में से कई लोगों का कहना है नहीं। तो देखिए, रियाज जी का कहना है इंडिया 16 के अंदर में आएगा। देखो, पीपी क्या कर रहा है, मेरे को डायरेक्ट कैश जनरेट करने की ताकत नहीं दे रहा है, वो मुझे राइट दे रहा है टू यूज। यहां पे क्या है, राइट टू यूज द एसेट। इसीलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन फाइनेंशियल एसेट नहीं बोल सकते। फाइनेंशियल एसेट मैंने क्या बोला, आप घर पे सोए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी आपके बैंक अकाउंट में कैश ला दिया जा रहा है या आपको घर पे कैश दे दिया जा रहा है, तो ऐसी चीज को हम लोग फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे। पीपी को तो यूज करना पड़ेगा ना, यूज करने के बाद वो पैसा देगा, कंडीशनल है। इसके लिए आप लोगों का स्टैंडर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और मैंने जो इंटेंजिबल एसेट लिखा उसके लिए स्टैंडर्ड है 38। करेक्ट, तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड एकदम सही बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अपने बुक्स के अंदर में आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब ये इन्वेस्टमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में करके रखा है, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट आपने इक्विटी में करके रखा है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बताइए। बताइए बताइए। विजय जी का कहना है कि हाँ ये है, अरुणा जी का भी यही कहना है, तो अब सब लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये है। तो बहुत बेसिक बातें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड के अंदर में तो मुझे पता है कि मैं घर पे बैठा हूँ, फिर भी मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे प्रिंसिपल आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको तो हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे।
पर इक्विटी में घर बैठे बैठे पैसे कैसे आ रहे हैं, जरा इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब इक्विटी मैंने खरीदा, बॉन्ड के अगेंस्ट तो मुझे पता है मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, प्रिंसिपल मिलने वाला है। इक्विटी तो मैं बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। इक्विटी आप लोगों को क्यों लग रहा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बायोलॉजिकल एसेट सेम कंसेप्ट पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 में चला जाता है एग्रीकल्चर के अंदर में, तो उसकी बात यहाँ पे करके कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री जब तक बेचेंगे नहीं तब तक के जनरेट होता नहीं कोई कैश, है ना। इन्वेंट्री जब तक बेचोगी नहीं तब तक के कैश जनरेट नहीं होता, इसीलिए वो कहाँ चला जाता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में चला जाता है। वो भी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में नहीं आता। फिर आती है बात डेटर्स की। डेटर्स मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लोन्स एंड एडवांसेस, एम्प्लॉई एडवांस, ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस 2, 3, 9, ठीक है। डिविडेंड मिलेगा, एप्रिसिएशन, ठीक है हर्षित जी, डिविडेंड उठा लेता हूँ मैं, एप्रिसिएशन की बात नहीं करेंगे। डिविडेंड, करेक्ट करेक्ट, डिविडेंड तो डिस्क्रिशनरी है, सामने वाला डिक्लेयर कर देगा तो आपको मिल जाएगा, इसीलिए ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप मुझे बताएंगे डेटर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्या, आप लोन्स एंड एडवांसेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्या, एम्प्लॉई को आपने एडवांस देकर रखा है क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं 9th, एडवांस टू सप्लायर होता है। आंसर करते जाइए नंबर के साथ, आंसर करते जाइए 5, 6, 7, 8, उसके सामने यस नो यस नो, उस तरह से आंसर करते जाइए। मेरे को जिस जिसके आंसर में कुछ गड़बड़ लगी मैं बताऊंगा। डेटर्स हाँ, 5 हाँ, चलो बढ़िया। लोन्स एंड एडवांसेस यस, 6 यस, 7 यस, क्या बात है क्या बात है। हाँ, एम्प्लॉई एडवांस नो, अमित जी ने लिखा है, चलो बढ़िया। सर सारे लेक्चर्स फ्री है क्या? नहीं मोहित जी, सारे के सारे लेक्चर्स फ्री नहीं है, बस आज का आखिरी लेक्चर फ्री है, आज आखिरी डेमो है। तो डेटर्स की बात करते हैं, हाँ क्योंकि यहाँ पे राइट है टू रिसीव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लोन्स एंड एडवांसेस हाँ राइट राइट है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, एम्प्लॉई एडवांस भी हाँ। अब आप में से कई लोग बोलते हैं सर वो तो सैलरी से एडजस्ट हो जाता है, वो इंड एस 19 के अंदर में जाना चाहिए। अरे क्यों जाना चाहिए इंड एस 19 के अंदर में, एम्प्लॉई को मैंने एडवांस दिया है वो मुझे कैश में लौटाएगा, वो कैश में नहीं लौटा रहा है, मैं सैलरी से काट रहा हूँ तो भी तो कैश से ही लौटा रहा है, एडजस्टमेंट हो जा रहा है ना। वो आपको पैसे देता फिर आप उसको सैलरी देते, आपने सैलरी में से डिडक्ट कर दिया, ये भी यहीं जाता है। ये मत बोलना कि नहीं ये तो इंड एस 19 के अंदर में जाता है, इंड एस 19 से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसी स्टैंडर्ड से लेना देना है, समझ रहे हैं। लोन्स एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉइज भी इसी स्टैंडर्ड के अंदर में जाता है। हाँ, वो प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंस का इंड एस 19 से लेना देना है, वो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। 8, प्रीपेड एक्सपेंस के लिए कई लोगों ने बोला है नो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके अगेंस्ट कैश मिलेगा नहीं ना, इसके अगेंस्ट कैश मिलेगा नहीं, तो ये यहाँ नहीं आता। ये कहाँ आता है, ये कभी कभी इंड एस 38 में आ जाता है, कभी कभी इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाता है। एडवांस टू सप्लायर के लिए सृष्टि जी ने कहा नहीं। चिराग जी का कहना है सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स इफ द कंसिडरेशन कैश रिसीव्ड और कैश पेड देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाँ चिराग जी, देखिए चिराग जी, अभी अपन से फाइनेंशियल एसेट के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या तो फाइनेंशियल एसेट है या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इक्विटी है, वहां से भी इतना ही लिखा है, ये तीन में से कुछ एक होना चाहिए। अब मैं आपको फाइनेंशियल एसेट बता रहा हूँ क्या है, अधिकार है, अनकंडीशनल अधिकार है कि आपको पैसा मिलना चाहिए, कुछ भी हो अनकंडीशनल, आप बैठे हो घर पे फिर भी पैसा मिलना चाहिए, इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे अपन, ठीक है। हर्षित जी ने कहा इंटरेस्ट तो लेंगे ही, चाहे सैलरी से हो चाहे कैश से हो, तो यस। नहीं, हर्षित जी ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट मत लो आप एम्प्लॉई से, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो। HDFC बैंक अपने एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट फ्री होम लोन देता है, हाउसिंग लोन देता है, तो क्या बोलेंगे आप ये बोलेंगे कि नहीं सर ये तो लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं आता, ऐसा नहीं है, इसी स्टैंडर्ड में आता है, इसी स्टैंडर्ड को कवर करता है वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनंत जी का कहना है 8 और 9 दोनों यस। अनंत जी मैंने 8 आपको बताया, 8 नहीं हो सकता। सृष्टि जी ने कहा 9 इफ रिफंडेबल देन यस, ठीक है। एडवांस टू सप्लायर नो, प्रीपेड एक्सपेंस का रीजन देखिए राजपूताना जी क्या हो रहा है, मैंने इंश्योरेंस लिया प्रीपेड, है ना, रेंट प्रीपेड हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीपेड हो सकता है, तो वो जो इंश्योरेंस है उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा, सर्विस, पैसा तो मिलेगा नहीं। आप बोलोगे सर आग लग गई तो कंडीशनल, आग लगी तो पैसा मिलेगा कंडीशनल, समझ रहे हैं। एडवांस टू सप्लायर, अब एडवांस टू सप्लायर आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं सर रिफंडेबल हुआ तो फिर फाइनेंशियल एसेट है, अरे मैंने उसको एडवांस क्यों दिया, गुड्स के लिए, वो गुड्स नहीं देगा तो रिफंड करेगा ना कंडीशनल, वो गुड्स नहीं देगा तो रिफंड करेगा, कंडीशनल चीजें यहां आती नहीं है, स्टैंडर्ड में ही कवर नहीं होती, कवर ही नहीं होती स्टैंडर्ड के अंदर में, ठीक है। ये भी यहां पे नहीं आएगा, एडवांस टू सप्लायर इज नॉट कवर्ड ओवर हियर, समझ में आया सब लोगों को। बट सर एम्प्लॉई एडवांस के बदले सर्विस नहीं देता,
नहीं अमित, कोई एम्प्लॉई एडवांस के बदले सर्विस नहीं देता, वो सैलरी के बदले सर्विस देता है, वो लोन के अगेंस्ट सर्विस नहीं देता आपको। ठीक है चलो, रियाज जी का कहना है बैलेंस शीट उठा दो, क्लासिफाई करेंगे फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी इजी होगा। वही तो कर रहा हूँ रियाज जी, बैलेंस शीट की एक एक आइटम ही तो लिखा रहा हूँ आपको, और क्या करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है चलो, इसके अलावा कुछ डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर सेम एज प्रीपेड एक्सपेंस, इसलिए अब मैं उनको अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको यहाँ गवर्न नहीं करेंगे, उसके लिए आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 दिया गया है, इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज जनरली नॉट गवर्न्ड हुई है। ठीक है, जनरली नॉट गवर्न्ड हुई है। चलिए इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। 9 नो। चलो, और किसी को यहाँ तक के कोई भी डाउट है तो बताइए। यहाँ तक के हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स पूरे के पूरे कवर किए ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे बेसिकली बैलेंस शीट के हेड्स होते हैं, जिनको हम लोग एक 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 करके डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट होगा एसेट साइड में, या आपको लगता है और भी कोई पॉइंट है जो हमें एसेट साइड के अंदर में डिस्कस करना चाहिए, तो वो भी आप लोग लिखिएगा, मुझे बताइएगा। फिर हम जाते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे। देखिए यहाँ फाइनेंशियल एसेट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको सिंपली बोला आप यहाँ पे क्या लिखो, राइट टू रिसीव कैश और कैश इक्विवेलेंट। इनफैक्ट यहां अनकंडीशनल राइट लिख दीजिए, अनकंडीशनल राइट लिख दीजिए। अब इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछता है, एक काम करते हैं पहले लाइबिलिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में वो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये वाला पार्ट हम लोग इक्विटी के साथ पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी बहुत कहानी डेरिवेटिव्स के बारे में लिखी गई है, ये बात इक्विटी के साथ पढ़ लेंगे हम लोग। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको मिली है तो क्या वो गवर्नमेंट ग्रांट, तो लाइबिलिटी साइड पे आएगा, एसेट साइड पे आ ही नहीं सकता। नॉट गवर्न मीन्स इट इज नॉट फाइनेंशियल एसेट, नॉट गवर्न। अनंत जी मुझे समझा नहीं, गवर्न मतलब क्या, गवर्न का मतलब थोड़ा सा बताइएगा मुझे, आप क्या बोल रहे हैं। अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड पे, तो लाइबिलिटी साइड आपको क्या बोलता है, लाइबिलिटी साइड बोलता है कि अगर किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अनदर फाइनेंशियल एसेट, यानी आपके जेब से कोई और फाइनेंशियल एसेट भी जा सकता है, तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलेंगे। चलो फटाफट लाइबिलिटी साइड नीचे से ऊपर चलेंगे इस बार। एक तो होता है क्रेडिटर्स, ठीक है, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि ये यहां पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दूसरा होता है बैंक ओडी, ठीक है, तीसरा होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, चौथा होता है डेफर्ड इनकम, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिए आपको क्या लगता है ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी के, अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब मेरे को तो पे करना ही है कुछ भी हो, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे पे करना ही पड़ेगा, अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, ठीक है, तो क्रेडिटर्स के लिए आपने बोला हाँ यस डेफिनेटली कवर्ड है, बैंक ओडी भी यहाँ कवर होना चाहिए, बट बैंक ओडी इज कवर्ड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, वो उसे कैश एंड कैश इक्वालेंट ही बोलता है, कैश एंड कैश इक्वालेंट ही बोलता है बैंक ओडी को एक तरह से, तो इसका मेजरमेंट एज सच हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते, तो कोई खास मेजरमेंट इसका यहाँ पे है नहीं, दिस इज ऑन डिमांड, बट स्टिल थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। तीन के लिए नो, क्या बात है, जबरदस्त, फाइनली तीन के लिए नो। डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम चौथा वाला किसी ने आंसर किया क्या, चौथा वाला, चौथा वाला नो, ओके चौथा वाला नो, क्या बात है, वेरी गुड, चौथा वाला भी यहां पे गवर्न नहीं होता है, चौथा वाला आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 में देखने मिलेगा। पांचवा यस, बहुत बढ़िया। सिक्स्थ डिबेंचर्स, अब मैं क्या 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 लिख रहा हूं इसके अंदर में देखिए, डिबेंचर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक डिबेंचर होता है नॉर्मल वाला, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चीजें पे की जाती है। फिर दूसरा होता है जिसमें डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट होता है, ठीक है, फिर तीसरा होता है जिसमें परपेचुअल होता है, यानी कि परपेचुअल समझता होगा आप लोगों को, रीपेमेंट होगा ही नहीं प्रिंसिपल का, परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है, रीपेमेंट होगा ही नहीं प्रिंसिपल का। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना कि सर लॉ के अंदर में तो अलाउड ही नहीं है ऐसा डिबेंचर इशू करना, रोल ओवर अलाउड है लॉ के अंदर में, ठीक है, तो वो बातें नहीं करेंगे। डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट प्लस परपेचुअल, दोनों के दोनों कंडीशंस है इसके अंदर में। अब आता है कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा।
तो मुझे बताइएगा सिक्स्थ वाले के अंदर में मैंने आपके सामने चार कंडीशन रखी है, एक नॉर्मल इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों पे होता है, दूसरा डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट है, तीसरा परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है यानी कि प्रिंसिपल रीपे नहीं होगा, हाँ इंटरेस्ट हर साल देना है, चौथा वाला इंटरेस्ट भी डिस्क्रिशनरी और इंस्ट्रूमेंट परपेचुअल भी है। तो अलग 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 केसेस देख रहे हैं अपन, यहाँ पे कोशिश कीजिए आंसर करने की, बताइए मुझे। तो कुछ लोगों ने यस तो लिख दिया है, सारी के सारी यस, फ्लैटली सबको यस बोल दूँ मैं, पहला वाला तो हाँ क्योंकि देखो अनकंडीशनल है, मुझे ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर, मुझे इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल पे करना है, ऑब्वियस सी बात है। पर बी क्यों, इंटरेस्ट मेरी इच्छा हुई तो मैं पे करूंगा, नहीं हुई तो नहीं करूंगा, अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इच्छा हुई तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। तो सिक्स्थ वाले बी वाले के लिए क्यों बोल रहे हो, बी वाले के लिए क्यों बोल रहे हो बताओ। मले जी का कहना है सर डी तो नहीं है, चलो ठीक है मैं यहां पे आ जाता हूं, ये तो नहीं है, ठीक है ए यस बी नो, बी के लिए आंसर आया, सागर जी ने बोला है कि नो सर बी नहीं है, पर अभिषेक जी बोलते हैं सर हाँ है, क्यों अभिषेक जी आप बी को यस बोल रहे हो, ऐसा क्यों। अरुणा जी का भी कहना है बी तो नहीं है सर, लाइबिलिटी होता ही नहीं है, अभी जी का भी ये कहना है नहीं सर बी लाइबिलिटी नहीं है, बोलो ना आप लोगों को बी यस, जिसने बोला यस क्यों नहीं होना चाहिए ना यार, इंटरेस्ट इच्छा है दूंगा नहीं, इच्छा है नहीं दूंगा। हाँ अमित जी ने बोला अरे सर प्रिंसिपल तो पे करना पड़ेगा ना, अरे मुद्दा सब हम लोग ध्यान में रखो ना, प्रिंसिपल का क्या, एक ऑब्लिगेशन तो है, चलो इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रिंसिपल तो लौटाना पड़ेगा ना बॉस है, ठीक है। चलो सी के लिए कई लोगों ने यस बोला था, सेम रीजन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सी में प्रिंसिपल नहीं देना है, चलो ठीक है अरे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, डी में ना इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन है ना प्रिंसिपल का ऑब्लिगेशन, ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आता ही नहीं है, ये चला जाएगा इक्विटी में, हमने इक्विटी का डेफिनेशन पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ लिखवा दे रहा हूं आपको, ये चला जाएगा इक्विटी के अंदर में, हमारा सबसे मेन डिस्कशन रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स पे जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आ रहा हूं प्रेफरेंस शेयर्स पे, सेवेंथ वाला। प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है क्यूमुलेटिव, एक मिनट, बिकॉज वो मार्केट रेट से कम पर इशू होगा, वैभव जी ठीक है बोल सकते हैं, बी दोनों हैं, यू डोंट हैव ऑब्लिगेशन टू पे बट प्रिंसिपल नीड्स टू बी पेड, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आ जाइए। प्रेफरेंस शेयर्स एक होते हैं क्यूमुलेटिव, एक होते हैं नॉन क्यूम्युलेटिव, ठीक है नॉन क्यूम्युलेटिव के अंदर में होते हैं, अरे यार ये मैंने 1 2 लिख दिया, रुको इसे चेंज करता हूं मैं, ए नॉन क्यूम्युलेटिव के अंदर में होते हैं रिडीमेबल और फिर इररिडीमेबल, ठीक है फिर आते हैं पार्टिसिपेटिव, फिर आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव, परपेचुअल नॉन पार्टिसिपेटिव परपेचुअल, ठीक है इतने ध्यान में रखना है, क्या लगता है ए के लिए क्या होना चाहिए फटाफट, अरे आंसर करते रहो ना मैं लिखते जा रहा हूं तो आप लोग आंसर करते चले जाइए, देखो टाइम बचता है इन सब चीजों से, फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्यूमुलेटिव क्या लगता है आप लोगों को, प्रेफरेंस शेयर है क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, यानी कि डिविडेंड लॉस वाले साल में नहीं देंगे, नहीं देंगे लॉस वाले साल में नहीं देंगे, पर प्रॉफिट वाले साल में वो लॉस वाले साल का भी डिविडेंड देना पड़ेगा, लॉस वाले साल का भी डिविडेंड देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्या बोलोगे ए बी सी यस डी नो, चलो बढ़िया। पहला वाला आपने बोला हाँ सर ये तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव डिविडेंड तो देना पड़ेगा, देयर इज एन ऑब्लिगेशन, ओके बी के लिए यस क्यों बोल रहे हो यार, बी में तो डिविडेंड नहीं देना है, बी में तो डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है, मलय जी ने भी बी को यस बोल दिया, सागर जी ने भी यस बोल दिया, चलो ठीक है एक रफ आइडिया मैं ले लेता हूँ आप लोगों को, यहाँ तक के समझ गया कि सर देखो ना रिडीमेबल है, प्रिंसिपल तो लौटाना पड़ेगा, डिबेंचर में अपन ने इसके बारे में बात की है, सेम सवाल वापस नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। सी आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं सी लाइबिलिटी है, एक तो डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है, ऊपर से इररिडीमेबल यानी प्रिंसिपल लौटाने का भी ऑब्लिगेशन नहीं है, डिविडेंड का भी ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर आर नो ऑब्लिगेशंस एट ऑल, समझ रहे हैं आप, ये यहां पे नहीं आता, ये कहां जाएगा, अगेन दिस इज समथिंग जो इक्विटी में चला जाएगा, ठीक है अगेन देयर इज समथिंग जो इक्विटी में चला जाएगा। चलो डी के बारे में क्या बोलना है, डी और ई के बारे में क्या बोलना है, डी और ई के बारे में क्या बोलना है, डी और ई के ऊपर किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक, हाँ डी और ई के ऊपर अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया, चलो ठीक है ध्यान रखो डी और ई क्या होता है, पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव, इंडिया 33 के अंदर इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस डाल के रखे हैं,
पार्टिसिपेटिव मतलब कल जाके कंपनी लिक्विडेट होगी, तो लिक्विडेट होने के बाद में जो भी बचेगा, सारे लायबिलिटी होल्डर्स को पे करने के बाद जो भी बचेगा, वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फेस वैल्यू पे होगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका फेस वैल्यू पे होगा, उसके बाद आता है सरप्लस, एक्स्ट्रा बच गया, सबको पे करने के बाद एक्स्ट्रा बच गया, इसका क्या करें? तो ये जनरली इक्विटी शेयर होल्डर अपने साथ लेके चला जाता है सरप्लस। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं हम भी लेंगे इसमें हिस्सा, समझ रहे हैं? उनको सरप्लस में अधिकार मिल रहा है, वो होते हैं पार्टिसिपेटिव। ठीक है, ये लिक्विडेशन से रिलेटेड मैटर है, तो नथिंग टू डू विथ एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी। आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होती तब तक के इन लोगों की कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है। बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी इक्विटी। समझ में आया सब लोगों को? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये सब लोगों को ध्यान में रहेगा। बढ़े आगे, तो यहां तक के हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात किया। अब इंस्टीट्यूट आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, देखो एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की तरफ से, यहां पे सब जगह पे अनकंडीशनल लिखा गया है। इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कि आपने किया प्रेफरेंस शेयर इशू जो कि रिडीमेबल है। ठीक है, रिडीमेबल है ये क्वेश्चन। अभी क्या पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही पूछ ले रहा हूं। ये 10 लाख रुपए का है, इसकी लाइफ 5 साल है, 5 साल के बाद या तो आप 5 लाख रुपए लौटा दो, या आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी है वो बिल्डिंग दे देना। ये बिल्डिंग की कीमत 100 लाख रुपीज है, ये बिल्डिंग की कीमत 100 लाख रुपीज है। उन्होंने बोला कि क्या ये लाइबिलिटी है या नहीं है, कि बिकॉज देर इज नो, यहाँ पे ये लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है? व्हेन देर इज एन ऑब्लिगेशन, अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे मैं कैश भी दे सकता हूँ, यहाँ मैं बिल्डिंग भी दे सकता हूँ। बिल्डिंग इज नॉट कैश, बिल्डिंग इज नॉट अनदर फाइनेंशियल एसेट। आप समझ रहे हैं? बिल्डिंग ना तो कैश है ना कोई और फाइनेंशियल एसेट, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं है, उन्होंने आपको ये सवाल पूछ लिया। कि मैं चाहूँ तो कैश भी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो, यानी इशुअर, इशुअर चाहे तो कैश भी दे सकता है, चाहे तो बिल्डिंग भी दे सकता है। व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और नो? हाँ विजय जी सर, आपने डी के बारे में कोई, आपको डाउट है तो बोलो, बोलो डी के बारे में आपको कोई डाउट है तो। सृष्टि जी का कहना है इक्विटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है नहीं, आप ये बताओ। इक्विटी है नहीं, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है नहीं, आप लोग ये बताओ मुझे बस। जय शंकर जी का कहना है नहीं सर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। अदिति जी का भी कहना है नहीं ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। हेमंदर जी का कहना है कि हाँ ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, नो नॉट फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नो। तो आप में से कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। आप बोलोगे सर कंडीशन, अरे मैं चाहूँ तो बिल्डिंग दे सकता हूँ ना सर। बिल्डिंग दोगे क्या? सोचो सोचो, बिल्डिंग दोगे क्या? अरे एक वो होता है ना, ऑप्शंस के लिए वर्ड यूज होता है, डीपली इन द मनी, डीपली आउट ऑफ द मनी, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, दिस इज डीपली आउट ऑफ द मनी। दोगे क्या बिल्डिंग? सोच के देखो, 10 लाख की लाइबिलिटी के बदले 100 लाख रुपए की बिल्डिंग दे दे रहे हो, इलॉजिकल बात है। ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं, हमको पता है दिस इज डीपली डीपली आउट ऑफ द मनी। तो भले ही नाम के लिए ये अनकंडीशनल है, पर हमको दिख रहा है तो, सॉरी नाम के लिए कंडीशनल है, नाम के लिए कंडीशनल है, पर एक्चुअल में आप देखो ये अनकंडीशनल ही है। आप पैसे ही लौटाओगे, आप कुछ भी हो आप बिल्डिंग नहीं दोगे, कुछ भी हो आप बिल्डिंग नहीं दोगे, तो इसको हम लोग फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं, वेंकटेश जी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक्सचेंज, मैंने मैंने तो लोन लिया, मैंने सामने वाले को बोला मैं चाहूँ तो 10 लाख रुपये लौटाऊंगा या फिर मैं बिल्डिंग दे दूंगा, मैंने बिल्डिंग बेचा थोड़ी है, सो दिस नॉट एन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यहाँ एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है। डी एक और बार एक्सप्लेन करना है, चलो ठीक है। डी इज पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंसेस। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंसेस मतलब क्या? कल जाके कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, सारी लाइबिलिटीज को पे कर दिया, प्रेफरेंस होल्डर को फेस वैल्यू दे दिया, इक्विटी होल्डर को फेस वैल्यू दे दिया, सरप्लस बताया ना, नेट एसेट्स होते हैं ना कंपनी के, पॉजिटिव नेट एसेट्स है, सब कुछ बेचने के बाद भी पॉजिटिव है, पैसे बच रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इक्विटी होल्डर्स को प्रो रेटा बांट देते हैं ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं हमारे भी अधिकार है उस सरप्लस पे, अगर सरप्लस पे उनके अधिकार है तो उनको पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है, मतलब वो था। ठीक है चलो, नहीं देते डीपली आउट ऑफ द मनी, बराबर, बस यही बात बोली मैंने, इन सब्सटेंस आउट ऑफ द मनी है, बस अभिषेक जी यही बात है। तो देखो जहां पे कंडीशनल है बट कंडीशन इज डीपली आउट ऑफ द मनी, डीपली आउट ऑफ द मनी नॉट इन द मनी, ठीक है, तो फिर भी हम उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही बोलेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, अभी क्या ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा, इसीलिए ढूंढने के पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। कुछ दो तीन इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए देखिए, ए लिमिटेड इशूज बॉन्ड्स, 1,000 के बॉन्ड है, टर्म्स रिक्वायर एनुअल पेमेंट इन परपेचुइटी एट अ स्टेटेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी इंस्ट्रूमेंट परपेचुअल है जिसके ऊपर इंटरेस्ट 8% पर एनम है। ठीक है, बता दीजिएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी है, फटाफट बोल दीजिएगा, तब तक के मैं आगे बढ़ता हूं इसे।
इलस्ट्रेशन 3 का आंसर दीजिए, तब तक के मैं अगला वाला पढ़ रहा हूँ। ए लिमिटेड मेक्स परचेस ऑफ स्टील, आप स्टील खरीद रहे हैं कंजम्पशन के लिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने खरीदा, सामने वाले ने आपको 30 दिन का क्रेडिट दिया कि हाँ पेमेंट आप 30 दिन के अंदर दे देना, क्या ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है? क्या ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है? ये वाला एक क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, आप में से कई लोगों का कहना है फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। हर्षित जी ने बोला सर बिल्डिंग अगर 10 लाख की होती, चलो ये भी एक बार का कवर कर लेते हैं, अगर बिल्डिंग 10 लाख रुपए की होती तो क्या होता? तो फिर ये कंडीशनल हो जाता ना हर्षित जी, तो फिर तो कंडीशनल हो जाता है ना, दिख रहा है 10 लाख रुपए की बिल्डिंग होती तो कंडीशनल हो जाता, ठीक है। ऐसे में ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं रहेगा, बाहर हो गया फाइनेंशियल लाइबिलिटी से, मैं चाहूँ तो बिल्डिंग में भी सेटल कर सकता हूँ, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया, तो चौथा वाला भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी आप लोग समझ गए। पांचवा वाला क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, पांचवा वाला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जहाँ एक एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहां पे। अब हम आते हैं इक्विटी के डेफिनेशन पे, ठीक है। इक्विटी क्या होता है? व्हेन देयर इज नो ऑब्लिगेशन, अरे कोई ऑब्लिगेशन नहीं आपके ऊपर, अनलेस सिर्फ एक ऑब्लिगेशन होता है आपके ऊपर। ऑब्लिगेशन क्या होता है कि भैया कल कंपनी लिक्विडेट हो गई और कुछ बच जाता है एंड में, तो इनको देना है प्रोरेटा देना है, कंपनी लिक्विडेट हो गई और कुछ बच गया तो इन लोगों को प्रोरेटा बांट देना, इज नोन एज इक्विटी, ठीक है। चलो तो अब देखो यहां पे ये कहानी तो सिंपल है, ये कहानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है ये डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। डेरिवेटिव नॉन डेरिवेटिव, इसे फिक्स टू फिक्स टेस्ट बोलते हैं, फिक्स टू फिक्स टेस्ट। मैंने क्या किया, मैंने आज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कंपल्सरी कन्वर्ट होंगे, ये कंपलसरी कन्वर्ट होंगे, इन पे इंटरेस्ट डिस्क्रिशनरी है। मैंने इसके बदले आज 10 लाख रुपए ले लिया और सामने वाले को बोला भैया मैं तेरे को 10,000 शेयर दे दूंगा, आज से 5 साल के बाद में मैं तेरे को 10,000 शेयर दे दूंगा, आपको क्या लगता है ये लाइबिलिटी है क्या? यस और नो, लाइबिलिटी है क्या? सिर्फ लाइबिलिटी के पॉइंट से बोलिए, इक्विटी है नहीं है वो सब बातें मत बोलो। आपको क्या लगता है ये लाइबिलिटी है कि नहीं है? कंपलसरी कन्वर्टेबल है, कंपलसरी है, कन्वर्ट होंगी, इस पर इंटरेस्ट डिस्क्रिशनरी है, देना है तो दूंगा, नहीं देना है तो नहीं दूंगा, समझ गए आप। डिबेंचर के बदले प्रेफरेंस शेयर वर्ड भी मैं यूज कर सकता हूं, पर मैं आपको हैबिट डलवा रहा हूं, बेसिकली ऑब्लिगेशन कंसेप्ट के हैबिट डलवा रहा हूं, इसीलिए मैंने वहां पे डिबेंचर वर्ड यूज किया, क्योंकि हमारे दिमाग में डिबेंचर वर्ड आते से एकदम वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का ट्रिगर करता है बीप, इसीलिए मैं बार बार वो वाले वर्ड यूज कर रहा हूँ। मतलब मैंने बोला मैं तेरे को 10,000 शेयर दे दूंगा आज से 5 साल के बाद में, तो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, यस और नो? तो आप में से कई लोग बोल रहे हैं नहीं सर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, एक मैं देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश, ठीक है, इंटरेस्ट तो नहीं देना है, प्रिंसिपल के बदले मुझे मेरी खुद के करेंसी देना है, मेरी खुद की करेंसी होती है मेरे खुद के शेयर्स, आप समझ रहे हैं, दिस इज नॉट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो एक फिक्स टू फिक्स टेस्ट डाला गया जहां बोला गया कि अगर आप किसी भी लाइबिलिटी को फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट सेटल करने वाले हैं, फिक्स नंबर यानी पहला दिन जिस दिन इशू किया उस दिन से मुझे पता है मुझे सामने वाले को कितने शेयर देना है पहले दिन से, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इक्विटी बोलते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। आकाश जी क्लियर? आपने बोला ऑब्लिगेशन है पर ये बात समझ में आई, जहां मैंने पहले ही दिन बोल दिया अरे मैं पहले ही दिन इसको इक्विटी लिख देता हूं, सोचिए देखो मैंने यहां पे लिखा इक्विटी शेयर्स तो भी तो इक्विटी है, अरे मैं आज दे दूं 10,000 शेयर क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, मैं बोल रहा हूं 5 साल बाद इक्विटी शेयर दे दूं, अरे आज दे दूं ना यार कुछ बदल जाएगा क्या? फ्यूचर में देने से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, फ्यूचर से कोई कम पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इसको आज ही इक्विटी लिख देने से क्या फर्क पड़ता है, यहां मैं कुछ भी लिखूं, यहां मैं नाम कुछ भी लिखूं, यहां मैं आपका नाम लिख दूं, अरे क्या फर्क पड़ता है तो इक्विटी। लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेम डजेंट मैटर, नेचर मैटर करता है, क्लियर है? हाँ ये बात सब लोगों को समझ में आई, पर वहीं पे ये पहला था, तो मैंने पहला क्या लिखा, पहला वाला मैंने एग्जांपल लिखा कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिसके ऊपर डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट है ना। मैं फिक्स टू फिक्स टेस्ट के बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स दूंगा, ये लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट होता क्या है। कन्वर्टेबल है इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये इक्विटी है। पर वहीं पे ये सेम कहानी अगर मैं बोलता हूं कि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है तो क्या ये लाइबिलिटी है, यस और नो? तो आप में से कई लोगों ने फिक्स टू फिक्स टेस्ट को याद करके रखा है, तो आप में से कई लोग बोलेंगे हाँ वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर सर ये अब इक्विटी नहीं है, तो मेरा सवाल आप लोगों से क्यों? अरे मैं कैश तो नहीं दे रहा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे कैश और कैश इक्विवेलेंट,
मैं कैश तो नहीं दे रहा, तो मैंने यहाँ वेरिएबल वर्ड यूज कर दिया, तो फर्क क्या पड़ता है? देना तो मुझे इक्विटी, इक्विटी तो मेरी करेंसी है, मेरे को जितना छापना है मैं छाप लूंगा, सामने वाले को जितना देना दे दूंगा। वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे? आज से 5 साल बाद जो बाजार भाव होगा, लेट से बाजार भाव 100 रुपये होगा, तो 10 लाख रुपये डिवाइडेड बाय 100 में उतने शेयर दे दूंगा। बाजार भाव 200 होगा तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 200 में उतने शेयर दे दूंगा। वेरिएबल, मैंने आज नहीं बताया कि मैं कितने शेयर दूंगा, उस दिन के बाजार भाव के बेसिस पे मैं आपको शेयर दूंगा। तो व्हाट डू यू थिंक, ये इक्विटी होना चाहिए लायबिलिटी? तो आशीष जी ने बोला सर ये लायबिलिटी है। हाँ तो क्या होना चाहिए यहाँ पे बता दीजिए सर, एक मिनट जरा वक्त दे दीजिए समझने के लिए। अरे हर्षित जी रुको तो सही, मैं सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा, मेरे पॉइंट्स लिख लेने दो मेरे को एक बार, 4 पॉइंट सामने रहेंगे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे ना तो फटाफट समझ में आएगी चीज़ें। हाँ कितने शेयर देना है ये पता नहीं है, तो ठीक है सिर्फ पता नहीं है इसीलिए लाइबिलिटी है, सिर्फ पता नहीं है इसलिए लाइबिलिटी है, डजेंट पास फिक्स टू फिक्स टेस्ट इसलिए लाइबिलिटी है सर, फेयर वैल्यू पे शेयर इशू कर रहे हैं आप तो लाइबिलिटी। हाँ हिमांशु जी की बात से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे इक्विटी शेयर्स का कुछ बाजार भाव है, कुछ फेयर वैल्यू है, मतलब मेरे इक्विटी शेयर एक तरह से देखा जाए तो एक फाइनेंशियल एसेट है। देखा जाए तो सोच के देखो एक फाइनेंशियल एसेट है जिसका कुछ तो बाजार भाव है, ऑब्वियस ही बात है। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का डेफिनेशन बोलता है कैश और कैश इक्विवेलेंट और अनदर फाइनेंशियल एसेट। देखा जाए तो इक्विटी इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, पर उसका एक बाजार भाव है, यानी मैं बाजार में अगर किसी को मेरा इक्विटी शेयर देता हूँ तो मुझे एक अमाउंट मिलता है, मुझे कैश मिलता है। तो सोच के देखो सेकंड वाले केस में मैं इनको बोलता हूँ कि हाँ मैं तुमको पैसे दूंगा, सोच के देखो 5 साल के बाद में मैं क्या करता हूँ। ये वाले क्वेश्चन आपने सीए इंटर में सॉल्व किए हैं। मैं बाजार में 10 लाख रुपये की इक्विटी शेयर इशू करता हूँ, 10 लाख रुपये आते हैं और इनको पैसे लौटा देता हूँ। बाजार में 10 लाख रुपये की इक्विटी शेयर इशू करता हूँ, पैसे आते हैं और डिबेंचर्स को लौटा देता हूँ। सी एंटर में पढ़े थे ना ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने, शायद रीस्ट्रक्चरिंग में पढ़े थे आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं बाजार से पैसे लेता हूँ या इन्हीं को बोल देता हूँ एक काम करो तुम ही इक्विटी शेयर ले लो, क्या फर्क है इन दोनों स्टेटमेंट्स में? सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है लॉजिक? मैं बाजार में इक्विटी शेयर इशू करता हूँ, 10 लाख रुपये आते हैं और इन डिबेंचर होल्डर्स को रिपे कर देता हूँ या इन्हीं डिबेंचर होल्डर्स को बोल देता हूँ ये इक्विटी शेयर तुम ही रखो ना यार, तुम बाजार में बेच दो। बात तो एक ही है ना दोनों में। सो बेसिकली दिस इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी दैट इज बीइंग सेटल्ड इन कैश और कैश इक्विवेलेंट ओनली। लॉजिकली सही बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को ये बात नहीं समझ में आई होगी तो बोलना दिस इज लाइबिलिटी। बताइए किसी को नहीं समझ में आया होगा तो बोलना। मैं बोलता हूँ मैं फिक्स नंबर ऑफ शेयर दूंगा, तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर दूंगा मतलब पहले दिन से मुझे पता है सामने वाले को कितने शेयर देना, तो पहले दिन मैं पैसे ले चुका हूँ, उसके बदले में मैं शेयर दे दूंगा, खत्म कहानी। ये तो इक्विटी है, मैंने नाम डिबेंचर दे दिया। अगर आज ही मैं बोल देता आज ही इसको शेयर दे देता 10 लाख रुपये तो मिल चुके थे, तो पहले वाले केस में तो आज ही नाम इक्विटी हो जाता, जस्ट बिकॉज मैंने उसको बोल दिया नहीं नहीं मैं तेरे को शेयर 5 साल के बाद दूंगा, इसीलिए आप इसे लायबिलिटी बोलोगे, ये तो इलॉजिकल बात होगी। पर वहीं पर सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर में डिफरेंस क्या है, मैंने उनको वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर दे दिए, मैंने बोला कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपये वर्थ के शेयर दे दूंगा, तो मैं बाजार में इशू करके इनको दे दूँ पैसे या इन्हीं को शेयर दे दूँ और इनको बोल दूँ तुम बाजार में बेच दो, दोनों कहानियाँ सेम है, इसीलिए इसको लायबिलिटी बोलते हैं। ये सब लोगों को समझ में आया? इक्विटी इज ट्रीटेड एज मॉनेटरी आइटम, करेक्ट अभिषेक जी, मैंने रिपीट किया एक बार, समझ में आया होगा, इक्विटी इज करेंसी सो लायबिलिटी, वेरी गुड विजय जी, बस यही वाला पॉइंट है। आपको ये बात समझना जरूरी है कि यहाँ इक्विटी को आप करेंसी के तौर पर यूज कर रहे हैं तो ये लायबिलिटी हो जाती है। तो ये दोनों केस क्या है? नॉन डेरिवेटिव, जहां कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, आपके ऊपर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने का ऑब्लिगेशन नहीं है, इसीलिए इक्विटी है, इसीलिए इक्विटी है। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने का ऑब्लिगेशन होता तो लायबिलिटी होता, लायबिलिटी के डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज ऑब्लिगेशन टू सेटल इन वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, वहां पे ये वाले वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। चलो सबसे मेन मुद्दा डेरिवेटिव्स, देखो मैंने कॉल ऑप्शन दिया, कॉल ऑप्शन समझता है आप लोगों को? कॉल नहीं ऑप्शन, हाँ कॉल ऑप्शन दिया, कॉल ऑप्शन दिया, कॉल ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू बाय, है ना, मैंने आपको कॉल ऑप्शन दिया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन टू बाय यानी आपके पास ऑप्शन टू बाय, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन टू सेल है। तो मैं सुमित, है ना, मैं सुमित लिमिटेड, आप यू लिमिटेड, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको कॉल ऑप्शन दिया, ठीक है, कॉल ऑप्शन है 20 रुपये पर शेयर का, किसका शेयर? सुमित लिमिटेड का शेयर, ध्यान दीजिए सुमित लिमिटेड का शेयर। हर्षित जी आपका एक डाउट है, हर्षित जी थोड़ी देर बाद एक बार वापस से पूछ लेना, ठीक है,
वो मोस्टली शायद डाउट ही है, पर रुक जाओ थोड़ी सी देर, रुक जाओ मैं ये बीच में कंसेप्ट छोड़ना पड़ेगा नहीं तो मुझे। तो आपके पास क्या है, आपके पास कॉल ऑप्शन है, यानी आपके पास है ऑप्शन टू बाय और मेरे ऊपर है ऑब्लिगेशन टू सेल, कि आप आज से 1 साल बाद, ये यहां नहीं लिखता, ये यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर लेटर, आज से 1 साल के बाद आप मुझसे 20 रुपए में मेरी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। इसके लिए आपने मुझे प्रीमियम दिया, आपने मुझे 10,000 रुपए का। आज आपने मुझे प्रीमियम दे दिया 10,000 रुपए, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मुझे 20 रुपए में आपको लेट से 1,000 शेयर्स प्रोवाइड करने हैं, 1,000 शेयर्स प्रोवाइड करने हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस। यानी उस दिन बाजार भाव 100 रुपए था, 1 साल के बाद बाजार भाव 100 रुपए था। बताओ आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे, बताओ आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे, फटाफट आंसर करने की कोशिश करो इसको, आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे। अर्शी जी ने लिखा था सेकंड में, सर कैश या नॉन कैश रिडीम सकता है इसीलिए लाइबिलिटी। नहीं हर्षित जी, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं इसलिए लाइबिलिटी, और मैंने वेरिएबल शेयर्स का आपको लॉजिक समझाया। वेरिएबल शेयर्स का लॉजिक क्या है कि भाई मैं ये शेयर्स बाजार में किसी और को बेच के आपको पैसे दे दूं, या मैं आपको डायरेक्टली शेयर दे दूं मेरे, समझ रहे हैं, दोनों कहानी एक ही है, सामने वाले को पैसा उतना ही मिलना है, 10 लाख रुपए, कुछ भी करो 10 लाख रुपए ही मिलना है। हाँ हो सकता है प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं तो प्रीमियम के साथ उतना पैसा मिलना है, उसको अमाउंट फिक्स हो गया है, उसको जो पैसा मिलने वाला है वो फिक्स हो गया, इसीलिए हम उसको लाइबिलिटी बोल रहे हैं, जबकि पहले केस में उसको शेयर्स मिलेंगे उसका बाजार भाव क्या है कोई नहीं जानता, समझ गए। चलो, तो आप में से कुछ लोगों ने कहा है यस, किरण जी ने कहा है यस, अरुणा जी ने कहा है नो, डेफिनेटली डिपेंड करता है फेयर वैल्यू पे। अरे हिमांशु जी, मैंने फेयर वैल्यू बोला ना, 100 रुपये बाजार भाव है मेरे शेयर का यार, है ना यार, 100 रुपये की वैल्यू है ना, मानो ना आप थोड़ा सा। यस सर विल एक्सरसाइज, यस डीपली इन द मनी, यस। तो आप में से कई लोगों का कहना है यस, अरुणा जी ने कहा है नो, अरुणा जी करेंगे ना, अच्छा अरुणा जी ने भी बाद में यस लिख दिया था, ठीक है हाँ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप इशू करोगे और मुझे आपको शेयर देना है, आप मुझे कितने पैसे दोगे चलो बताओ, आप मुझे कितने पैसे दोगे, क्या वादा किया है आपने, मैंने वादा किया मैं 1,000 शेयर दूंगा, आपका आप अपना वादा बताओ, कितने शेयर दोगे, कितने पैसे दोगे, कितने पैसे दोगे। वानी जी ने आंसर दे दिया सर, एक्साइज भी करेंगे और इक्विटी ट्रीट करेंगे, बोले सर खत्म। मेरे आंसर, मेरे एक्सप्लेनेशन का तो वेट कीजिए वानी जी, पैसे मेरे को दिए हो, मुझे समझाने दो ना। चलो 20 रुपए, शिशि जी ने कहा 20 रुपए फिक्स अमाउंट, 20 रुपए 1,000 शेयर, 20,000 रुपए फिक्स अमाउंट, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, पैसे आज नहीं दोगे फ्यूचर में दोगे, पर फिक्स अमाउंट है, उसके बदले फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दोगे, इक्विटी, समझ में आ रहा है, फिक्स टू फिक्स डेरिवेटिव्स दैट विल बी सेटल्ड फॉर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपने 10,000 रुपए का प्रीमियम लिया, बताओ हमें इस 10,000 रुपए के प्रीमियम को क्या ट्रीट करना है, हमें इसको क्या ट्रीट करना है, इक्विटी, इक्विटी, हम इक्विटी शेयर इशू करने के बदले में बात कर रहे हैं इसको, समझ रहे हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये भी आपका इक्विटी क्लासिफाई होगा, समझ गया सब लोगों को, बताओ। चलिए एक एक करके देखते हैं। हिमांशु जी ने बोला है बट सर अगर 1 साल बाद 20 रुपए कम हुए से कम हुए तो फेयर वैल्यू, हाँ ठीक है चलिए हिमांशु जी वो भी डिस्कस करेंगे, आप जो बोल रहे हैं वो मुझे डिस्कस करना ही है। सागर जी ने बोला है सर प्रीमियम का क्या होगा, प्रीमियम ही तो इक्विटी है, प्रीमियम भी इक्विटी, इक्विटी ना इक्विटी, इक्विटी प्रॉब्लम क्या है, इक्विटी है। अब आपका कहना है सर अगर बाजार भाव 1 साल के बाद में 20 रुपए से कम हो गया तो 10 रुपए हो गया, तो अभी से पता आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो इट डजेंट मैटर, 10,000 रुपए को इक्विटी क्लासिफाई कर दिया, बाद में जब 20 रुपए मिलेंगे ऑब्वियस सी बात है वो भी इक्विटी में जाएंगे, वो भी इक्विटी में जाएंगे। आप समझिए 10 रुपए जो मिले हैं वो तो इक्विटी है ही, बाद में जब और पैसे मिलेंगे वो भी इक्विटी ही क्लासिफाई होंगे। मेरा ये कहना है कि
आज आपको कैश मिला 10,000, ये इक्विटी में गया, इक्विटी यानी अदर इक्विटी में दिखता रहेगा, ये अदर इक्विटी में दिखता रहेगा। जब बाद में आपको वो 20,000 रुपये मिलेंगे, तब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में चला जाएगा अमाउंट। समझ में आया? इस तरह से जर्नल एंट्री होगी। और अगर बाद में पैसे नहीं मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिले पैसे, नहीं हुआ एक्सरसाइज, ये तो इक्विटी में ही जाएगा। बिकॉज द ऑब्लिगेशन इज टू बी सेटल्ड इन टू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। आप क्या बोल रहे हो? ऑब्लिगेशन है, मानता हूं मैं ऑब्लिगेशन है, बट इट इज टू बी सेटल्ड इन फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। मैं आज दे दूं उसको शेयर, फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क क्या है? दोनों एग्जाम्पल में फर्क कुछ भी नहीं है। आप समझिए, 20,000 रुपये मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो शेयर देना है, नहीं मिलेंगे तो नहीं देना है, पर मुझे आज ही पता है मुझे कितने शेयर देना है, तो मैं आज ही उसको इक्विटी बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है? भैया तू आज ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले, दे दे आज ही 20 रुपये, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20 रुपये आज दे दे, दे देता हूँ मैं शेयर आज ही। आप समझ रहे हैं? फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी यहाँ पे। चलिए, कुछ और चीज़ें थी। इफ फेयर वैल्यू इज लेस देन 20, देन वी विल वॉन्ट ऑप्शन एक्सरसाइज द ऑप्शन। करेक्ट हर्षित जी। सर, प्रीमियम की बात हो रही है, वो इक्विटी या जो 20,000 इक्विटी? हर्षित जी, नहीं समझा मुझे आपका सवाल, थोड़ा और वापस से पूछिए। सर, अगर हम लोग शेयर ना देते हुए कैश में सेटल करते तो 80,000 देते तो ठीक है। आशीष जी, देखिए, अगर आप कैश में भी सेटल कर रहे हैं तो भी मैं बोलूंगा कि ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। मतलब मैं, हाँ, आपने अगर यहाँ लिख के ही रखा है कि नेट सेटल कर रहे हैं तो कहानी अलग है, तो ऑब्वियसली बात है मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करूंगा, क्योंकि वहां पे फिर वेरिएबल अमाउंट जाने की बात आ रही है। जहां पे आप बोल रहे हो नहीं सर, इसको नेट सेटल करना है, नेट सेटल करना है, जहां नेट सेटल करना है वहां तो कैश जाने वाला है ना, तो वहां तो सीधी बात है वहां फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया। वहां पे ये सब बातें फिक्स टू फिक्स टेस्ट की कहानी नहीं आएगी। वहां पे दो टुकड़े होंगे, ठीक है? जहां नेट सेटलमेंट की बात होगी वहां पे दो टुकड़े होंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों को स्प्लिट करेंगे, एक तरह से कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया वो। तो वो कहानी को थोड़ी देर होल्ड करते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ ले लेंगे, ठीक है? पर बेसिक कंसेप्ट यही है, प्रीमियम विल ऑल्सो बी इक्विटी, ओके, बट ही विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, हाउ विल इट बी इक्विटी? हाँ रियाज जी, आपको सामने वाले से क्या लेना देना? सामने वाला क्या कर रहा है आप उसका क्यों सोच रहे हो? आप तो अपना सोचो। सुमित लिमिटेड का सोचना है, यू लिमिटेड का नहीं सोचने का है। इक्विटी किसके लिए है? सुमित लिमिटेड के लिए। यू लिमिटेड के लिए तो फाइनेंशियल एसेट है ना, उसके लिए तो फाइनेंशियल एसेट है। सुमित लिमिटेड के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है? उसको आज 10,000 मिल गए और सुमित लिमिटेड ने क्या बोला, अच्छा एक काम करना, एक साल बाद आना, 20,000 देना और शेयर ले लेना, या 20,000 नहीं दोगे तो शेयर नहीं दूंगा। तो ये तो वो हो गया ना, वो कॉल की तरह हो गया। आज अलॉटमेंट मनी देके चला गया, एप्लीकेशन मनी देके चला गया, बाद में अलॉटमेंट का पैसा देना है। अलॉटमेंट का पैसा दिया तो शेयर दे दूंगा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो शेयर फॉरफिट कर लूंगा। क्या बोलते हैं रियाज जी, जमती के बात? और लैप्स होने पर प्रीमियम वापस लौटानी भी नहीं है तो प्रीमियम इज इक्विटी? हाँ देखो, विजय जी ने और एक बात बोली, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द प्रीमियम ना, तो वो तो इक्विटी है ही। एकदम सही बात बोल रहे हो आप। सर, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड बट अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड इन केस शेयर प्राइस फॉल्स बिलो 20। नहीं आनंद जी, आप अभी भी लॉजिक नहीं समझे। 20 के नीचे गया और उसको फिर भी शेयर खरीदना है तो उसको तो 20 ही रुपये देना पड़ेगा ना, अमाउंट तो फिक्स्ड है। आपको क्या मिलेगा? आपको तो 20 रुपये के हिसाब से ही अमाउंट मिलेगा। आप समझो ना, आपको तो 20 रुपये के हिसाब से ही अमाउंट मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से कर लो, क्योंकि मैं जैसे ही पुट ऑप्शन पे जाऊंगा ना, आप लोगों के दिमाग में इतने सवाल आएंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अभी तो कॉल पे हो, मैं पुट पे लेके जाऊंगा अभी, इसके बाद, उसके बाद तो सवालों की भरमार लग जाएगी। पर देखो मजा आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो हम लोग करेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन इन चीजों को अच्छे से समझ लो। सुमित लिमिटेड के पॉइंट से सोचो ना आप यू लिमिटेड के पॉइंट से क्यों सोच रहे हो? आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप सोच रहे हो यू लिमिटेड के पॉइंट से, अरे यार फायदा हो गया, अरे यार नुकसान हो गया। अरे सुमित लिमिटेड को तो फिक्स पैसा मिलना है 20 रुपये, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बाजार भाव कम हो ज्यादा हो सुमित लिमिटेड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसीलिए तो इक्विटी है। उसको फर्क क्या पड़ रहा है? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो आप? सामने वाले के लिए डेरिवेटिव है, हाँ करेक्ट, सामने वाले के लिए डेरिवेटिव है। सर, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स बट अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, अनंत जी वो भी क्लियर होगा। गुड मॉर्निंग सर, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के केस में प्रीमियम कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी के केस में अगर प्रीमियम मिलता है तो प्रीमियम तो शेयर प्रीमियम में ही जाएगा ना। फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब या तो सेटलिंग इन वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, प्रीमियम आएगा क्यों? डिबेंचर्स के केस में प्रीमियम आएगा तो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा पाशवा जी। ऑप्शंस में एक्साइज प्राइस फिक्स होता है, हाँ करेक्ट करेक्ट आकाश जी। हाँ किसी और को और कोई सवाल लेके बोलो 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 पूछो, और क्या क्या सवाल है आप लोगों के?
देखो सोचो, सुमित लिमिटेड के पॉइंट से एक तो उसको प्रीमियम मिल गया, उसको लौटाना नहीं है, ये अनंत जी ने भी बोला, पैसे मिल गए ठीक है ना, अब अपने को कोई टेंशन ही नहीं है, 10,000 रुपये तो अपने को लौटाना नहीं है, तो वो तो इक्विटी है, उसको लेके तो कोई भी डाउट ही नहीं है कि वो तो इक्विटी है क्योंकि ओन शेयर्स पे। दूसरा, आगे जाके तुमको कितने पैसे देना है, 20,000, उसके बदले कितने शेयर देना है, 1,000। वो शेयर का उस समय बाजार भाव कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं, आ गया तो पैसे दे देंगे, नहीं आया, आ गया तो शेयर दे देंगे, नहीं आया तो शेयर नहीं देंगे, फॉरफिट कर लिया आप तो यही समझ लो। तो मार्केट प्राइस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस, सुमित लिमिटेड का अमाउंट फिक्स है, सुमित लिमिटेड को किसी चीज़ का टेंशन नहीं है ठीक है। कंसिडरेशन गिवन वेरिएबल, तो फिर लाइबिलिटी हो जाएगी, करेक्ट प्रथमेश जी। अगर मैं कंसिडरेशन या वेरिएबल कर दूँ, शेयर का प्राइस 20 रुपये की जगह मार्केट प्राइस कर दूँ, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो मुझसे 1,000 शेयर मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हैं, मार्केट प्राइस पर, फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। यहाँ पे इस वर्ड को काट के हम इसे मार्केट प्राइस लिख देते हैं, देन इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, देन इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ऐसे केस में प्रीमियम का क्या होगा, प्रीमियम की अकाउंटिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, वो 10,000 रुपये को फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा बिकॉज उसके अगेंस्ट हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है ठीक है, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग बाद में देखेंगे। और क्या क्या है, कुछ छूटा क्या मेरी तरफ से, प्रथमेश जी कंसिडरेशन गिवन वेरिएबल, इफ ऑप्शन लैप्सेस, लैप्स कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमको, मले जी ऑप्शन लैप्स हो जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10,000 रुपये तो हम इक्विटी में डाल चुके हैं, खत्म हो चुकी है कहानी, जो इक्विटी में डाल दिया आप उसका, अब उसके आगे क्या होगा, वो तो पड़ा है इक्विटी में, लैप्स हो गया तो लैप्स हो गया, खत्म कहानी, हमको कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। ओके सर, इफ नॉट एक्सरसाइज देन प्रीमियम विल ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, अरे नहीं ना जयशंकर जी, इक्विटी से कोई चीज पीएल में जाती क्या, कैसा नहीं हो सकता, ये इक्विटी में गया। एक रूल याद रखो सब लोग, अपने दिमाग में एक बात फिक्स रखो, जो कंपनी होती है, कंपनी वो दो लोगों से डील करती है, एक होता है ओनर यानी शेयर होल्डर, एक होता है अदर्स ठीक है। ओनर के साथ जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, शेयर होल्डर के साथ मतलब इक्विटी, इनके साथ होने वाले ट्रीटमेंट का कोई भी अमाउंट पीएल में नहीं जाता, कुछ भी करो इनके साथ ट्रीट होने वाला कोई भी अमाउंट पीएल में नहीं जाता, इनके साथ हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन पीएल में नहीं जाता, ये सिर्फ अदर इक्विटी एडजस्टमेंट है। ओनर ओनर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक ओनर दूसरे ओनर को बोल रहा है देख मेरे को फायदा हो गया, बोल रहा है देख मेरे को नुकसान हो गया, पीएल में जाता ही नहीं है। शेयर फॉरफीचर याद है, पीएल में डालते थे क्या शेयर फॉरफीचर को, कैपिटल रिजर्व याद आ रहा है, सी इंटर में पढ़े थे आप लोग, जाता ही नहीं, पीएल से कोई लेना देना नहीं है, इनके साथ सारे ट्रांजेक्शन पीएल में जाते हैं फिक्स ठीक है, ये रूल याद रखो आप लोग। चलो अरे सॉरी वॉरी मत बोलो, सुमित लिमिटेड को क्लासिफिकेशन की टेंशन नहीं है, हाँ बस बस यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, इवन इफ ऑप्शन लैप सुमित लिमिटेड के लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मार्केट प्राइस कर दिया तो डेरिवेटिव की असेंस खत्म हो गई, हाँ बस 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 अभी समझ गए ना सब लोग, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर एमपी मार्केट प्राइस लेंगे तो फिर कॉल ऑप्शन ही खत्म हो गया ना, देखिए सागर जी कॉल ऑप्शन खत्म हो गया सामने वाले, देखिए आप लोग क्या होता है, आप लोग कभी भी कॉल ऑप्शन को यही पॉइंट से सोचते हैं कि मेरे को बेनिफिट नहीं हो रहा तो वो ऑप्शन किस बात का है, ऐसा नहीं होता, कभी कभी किसी कंपनी के शेयर इजीली नहीं मिलते, या कभी कभी वो ओनरशिप ट्रांजैक्शन होते हैं कि भाई वो एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएंगे तो मेरा परसेंटेज होल्डिंग बढ़ जाएगा पोटेंशियल शेयर्स, वो भी कॉल ऑप्शन ही होते हैं, उनको भी कॉल ऑप्शन ही बोला जाता है ठीक है, बस वो फिक्स अमाउंट के ऊपर नहीं है, मतलब अमाउंट आपने फिक्स नहीं किया, नेचर से वो कॉल ऑप्शन ही होते हैं ठीक है, पर वो फिर लाइबिलिटी हो जाएंगे, वो जाने दीजिए, अभी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसके ऊपर अभी अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, जाने दो उनको। अब देखो अब समझो, अभी ना कहानी एकदम जबरदस्त ट्विस्ट लेगी, सुमित लिमिटेड, अब ध्यान दो सुमित लिमिटेड, और सामने में है आप, सुमित लिमिटेड ने आपको पुट ऑप्शन दिया ठीक है, यानी आपके पास है ऑप्शन टू सेल और सुमित लिमिटेड के पास है ऑब्लिगेशन टू बाय, ये सुमित लिमिटेड की शेयर है एट 20 पर शेयर, 20 पर शेयर कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स, इसके लिए आपने मुझे प्रीमियम दे दिया 10,000 रुपये, पूरा सेम एग्जांपल, कॉल को मैंने पुट कर दिया, सोच समझ के बोलिए लायबिलिटी या इक्विटी, सोच समझ के बोलिए लायबिलिटी या इक्विटी, सोच समझ के आंसर दो। आपका असली टेस्ट यहां से शुरू हुआ ठीक है,
अरुणा जी का कहना है लाइबिलिटी, सागर जी का कहना है इक्विटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इक्विटी लाइबिलिटी, एकदम मिक्स आंसर्स। सर ऑब्लिगेशन है, कैश देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास हो रहा है इक्विटी, तो बड़े असमंजस में फंस गए। एक तरफ फिक्स टू फिक्स टेस्ट भी पास होता हुआ दिख रहा है, एक तरफ ऑब्लिगेशन टू पे भी दिख रहा है, तो इक्विटी भी दिख रहा है, लाइबिलिटी भी दिख रहा है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो ये इक्विटी भी है और ये लाइबिलिटी भी है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ। देखो फिक्स टू फिक्स टेस्ट तो पास हो गया, ये बात तो एक्सेप्टेड है कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट तो पास हो गया, फिक्स अमाउंट पर। यहाँ उल्टा फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास हुआ कि मुझे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे और मैं फिक्स अमाउंट दूंगा। तो जो फिक्स टू फिक्स टेस्ट होता है ना वो दो तरफा होता है, पैसे मिल रहे हैं और मैं फिक्स नंबर ऑफ शेयर दे रहा हूँ, और वाइस वर्सा दोनों इक्विटी होते हैं। पैसे मिल रहे हैं और मैं फिक्स नंबर ऑफ शेयर दे रहा हूँ, ये इक्विटी है, वाइस वर्सा भी इक्विटी है। अरे बायबैक ऑफ शेयर्स क्या इक्विटी नहीं होता क्या? बायबैक ऑफ शेयर्स को आप लाइबिलिटी बोलते हो क्या? बायबैक ऑफ शेयर्स को भी इक्विटी बोलते हो? लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है चलो, तो दोनों में से दो तरफा, दोनों तरफा कहानी को हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों तरफा कहानी एक तरह से हम लोग इक्विटी ही बोलते हैं। तो पहली बात, जो प्रीमियम मिला है भैया वो इक्विटी है, ये समझ लो, जो प्रीमियम मिला है वो तो इक्विटी है, ये समझा। बताओ ऑब्लिगेशन टू बाय मीन्स एसेट जैसा हुआ ना, शेयर बायबैक हो रहे हैं। हाँ बस अनंत जी वही बोला मैंने, शेयर बायबैक हो रहे हैं, ठीक है ना। और क्या क्या है सर? अगर एक्सरसाइज हुआ तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नहीं तो इक्विटी। अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, इनिशियल रिकग्निशन कैसे करोगे? चलो मुझे जो कैश मिला 10,000 रुपये वो तो इक्विटी है, ये तो आप समझ लो। ओन शेयर्स फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स के बदले में 10,000 रुपए का प्रीमियम मिला, ये इक्विटी है, इसका कोई दूसरा क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, ये पहले फिक्स है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है इसकी कि इसका क्या करना है, फिर बाद में जब हम लोग फाइनली शेयर दे देंगे तो क्या होगा? तो भी एक तरह से इक्विटी होगा फ्यूचर में, पर अगर आज ही लग रहा है कि हाँ यार ये तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, लेट्स से 1 ईयर लेटर, 1 ईयर लेटर, पहली बात आज ही अगर लग रहा है कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 20 रुपये, और हमारे शेयर का बाजार भाव 2 रुपये है, समझ रहे हो, हमारे शेयर का बाजार भाव 2 रुपए, मैंने ऑप्शन दिया उसको, तो 20 रुपए में मेरे को शेयर बेच देना, 20 रुपए, 1 साल बाद। आप सोच के देखो आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा? आज बाजार भाव 2 रुपए, आज का बता रहा हूं, 1 साल बाद का नहीं बता रहा, आज बाजार भाव 2 रुपए है शेयर का, उसको अपन 20 रुपए का ऑप्शन दे चुके हैं, तो 20 रुपए में बेच देना मेरे को, क्या लग रहा है आपको ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा? सोच समझ के बताओ। वानी जी वेरिएबल क्या लिखा आपने, मेरे को वो नहीं समझा। हर्षित जी ने कहा सर इस केस में प्रीमियम सुमित लिमिटेड नहीं देगी क्या? चलो हर्षित जी आपके डेरिवेटिव वीक है, मैं समझाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं, थोड़ी देर रुक जाओ, वो दिमाग से निकाल दो कि प्रीमियम सुमित लिमिटेड नहीं देगा क्या, वो दिमाग से निकाल दो सवाल। बस आप सबको लग रहा होगा, मतलब मेरे को पता है कि मेरे जेब से ना 10,000 शेयर × 20 रुपए 2 लाख रुपए तो जाने ही वाले हैं, पता है मेरे को पता है मेरे जेब से 2 लाख रुपए जाने वाले हैं, 2 लाख रुपए ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्वालेंट है, 2 लाख रुपए ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्वालेंट है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसा राइट होता है वही प्रीमियम देता है, जिसका राइट होता है वही प्रीमियम देता है, हाँ बस करेक्ट, मैं समझाऊंगा आगे। तो ये 2 लाख रुपए मेरे को पता है ना मुझे 1 साल बाद देना है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्वालेंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्वालेंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। आप पहली बात समझो, कुछ भी हो प्रीमियम तो इक्विटी है, प्रीमियम क्यों मिला? प्रीमियम के बदले में मुझे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे और मैं फिक्स अमाउंट दे दूंगा, तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट सेटिस्फाई हो चुका है। ये बायबैक ऑफ शेयर्स के जैसा सोचना कि मैं किसी को ऑफर कर रहा हूं, ले भाई इतने पैसे ले और मेरी कंपनी के शेयर मुझे वापस कर, तो उसमें अगर आप प्रीमियम देते हो तो प्रीमियम भी इक्विटी में जाता है, याद करो ना, बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। मैं अगर आपसे 100 रुपये फेस वैल्यू का शेयर 200 रुपये में खरीद रहा हूँ, 250 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो 100 रुपये शेयर कैपिटल से कम हुआ और 150 रुपये प्रीमियम में से कम हुआ ना, नहीं तो रिटेन अर्निंग में से कम हुआ, पीएल में नहीं गया ना, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन विद द शेयर होल्डर, है ना, तो वो इक्विटी में ही जाता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 20 रुपये दूंगा, आप मुझे मेरा शेयर दे देना, आप मुझे फिक्स नंबर ऑफ शेयर दे रहे हो, मैं आपको फिक्स अमाउंट दे रहा हूँ, फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज स्टिल सैटिस्फाइड, ये तो इक्विटी है, इसीलिए जो प्रीमियम मिला वो इक्विटी में ही जाएगा, ये फिक्स है, आप इसको नहीं बदल सकते।
अब बात आती है देर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश, जो आप लोगों ने बोला 2 रुपए का, अपने को तो पता है यार 2 लाख रुपए अपने जेब से जाने वाले हैं, बट दिस इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, इसीलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं कि अब तो मेरे को पता ही है फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, मेरे को तो पे करना ही है ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हेंस फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग हो जानी चाहिए यहां पे। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, शेयर कैपिटल डेबिट, ऑब्वियसली बात है शेयर कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि मेरे मुझे शेयर्स वापस मिलने वाले हैं, शेयर कैपिटल डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैं यहां सिर्फ लिख रहा हूं, ये कंसेप्ट हम बाद में पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज। आप समझे मैंने आपको क्या कहा था, ये दोनों है, ये इक्विटी भी है लाइबिलिटी भी है, डेबिट क्या किया मैंने इक्विटी, क्रेडिट क्या कर रहा हूं लाइबिलिटी। जितने सवाल पूछना है पूछ लो, जितने सवाल पूछ सकते हो पूछ लो, ये मत पूछो अच्छा सर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर होता तो, मैं समझाऊंगा उसका टेंशन मत लो अभी, अच्छा सर 2 रुपए की जगह कोई और भाव होता तो वो भी मैं समझाऊंगा, वो नहीं, जितना लिखा है वो समझा कि नहीं समझा पहले मेरे को ये बताओ फटाफट। आशीष जी ने कहा है यू लिमिटेड हैज राइट टू सेल सो यू लिमिटेड विल पे प्रीमियम टू एस लिमिटेड। आशीष जी सिर्फ एस लिमिटेड के पॉइंट से सोचो आप, ठीक है आप सिर्फ एस लिमिटेड के पॉइंट से सोचो अभी। हाँ मुझे ये समझ गया कि आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, अभी वो जाने दीजिए। ऑब्लिगेशन टू इशू ओन शेयर्स and fixed number of shares and fixed liability is equity। वानी जी यहाँ उल्टा केस है ना, यहाँ obligation to issue नहीं है, obligation to buy own shares है, obligation to buy own shares है, सुमित लिमिटेड खुद के शेयर खरीद रहा है, ध्यान दीजिए आपने वहाँ गड़बड़ की है। सॉरी सर पुट ऑप्शन सो प्रीमियम यू देगा, ओके क्लियर, अच्छा ठीक है हर्षित जी मतलब मेरे को अब समझाना नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट क्लियर सर प्लीज रिपीट, उल्टा हो गया। हाँ देखो जयशंकर जी क्या हो रहा है, पुट ऑप्शन में मैं सुमित लिमिटेड आप यू लिमिटेड, मैंने आपको बोला मेरी कंपनी के शेयर आपके पास है, हाँ पुट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन टू सेल है, आप मेरे को बेच रहे हो मेरे शेयर्स, आप मुझे बेच रहे हो मेरे शेयर्स, मैंने आपको बोला मैं एक शेयर का 20 रुपये दूंगा, आप मुझे मेरा शेयर वापस कर दो एक साल बाद, आप मुझे वापस कर दो, मुझे मेरा शेयर वापस मिल रहा है तो शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा ना, सोचिए देखो ना, मुझे मेरा शेयर मिल रहा है तो मैं तो शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा ना, और मुझे आपको पैसा देना है ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो दूसरी कहानी थी ना, ये तो दूसरी कहानी ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए अभी, बोलो जयशंकर जी। और किसी को और कोई डाउट है, जो डाउट है पूछो अभी, अभी डाउट पूछ लो, क्योंकि इसके आगे मैं आपको बोलूंगा अच्छा चलो 20 रुपए का मतलब वो 2 रुपए की जगह पे कोई और प्राइस होता, हम लोग कहानियों को ट्विस्ट एंड टर्न कर करके जर्नल एंट्री ही समझेंगे और कुछ नहीं। यहाँ फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों हुआ, क्योंकि आज मुझे पता है कि यार ये पैसे तो देना है, इसीलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, तो इसमें इक्विटी भी है इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है, पर ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट सेटिस्फाई किया है। हमारा मेन एंट्री इस पूरी कहानी में ये था, ये जो मैंने क्रेडिट लिखा ये मेन एंट्री कभी थी ही नहीं आपकी, इसका कोई लेना देना था ही नहीं, ये तो बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बाद में जब फ्यूचर में ये एक्सरसाइज होगा, फ्यूचर में जब ये एक्सरसाइज होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू कैश, फ्यूचर में जब ये एक्साइज होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू कैश, अब शेयर कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, अदर इक्विटी में कुछ नहीं जाएगा, जिस दिन एक्साइज होगा उस दिन कुछ नहीं जाएगा शेयर कैपिटल इक्विटी में, सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू कैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी पूरे तरीके से, ठीक है। हाँ जयशंकर जी बोल सकते हैं, हाइब्रिड कंसेप्ट है। हिमांशु जी ने कहा एंटायर अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बट आई बिलीव ओनली फेस वैल्यू, हाँ हाँ हिमांशु जी वो आप सही बोल रहे हैं, मैंने उतना एक्चुअली किया नहीं, शेयर कैपिटल डेबिट शेयर प्रीमियम डेबिट, वो आप सही बोल रहे हैं, मैंने बस लिख दिया, ठीक है आप सही बोल रहे हैं, आपने बराबर बताया है, डेबिट तो जब बायबैक होगा तब करना चाहिए ना, अच्छा शशांक जी ने बोला सर डेबिट तो बाद में करो, आज क्यों कर रहे हो, जस्ट बिकॉज मैं आपसे शेयर एक साल बाद ले रहा हूं, मुझे तो पता है कि मेरे को लेना ही है। शशांक जी यही तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट है डेरिवेटिव की, यही तो स्पेशल कहानी है, मैंने ऊपर भी आपको यही बात बोली थी, ऊपर मैंने आपको क्या बोला, आप आज ही नाम लिख दो ना शेयर कैपिटल, क्या फर्क पड़ रहा है, एक कागज ही तो है, सामने वाला एक साल बाद लौटा है, आपको तो पता है लौटाना है, आपको तो आज ही पता है कि लौटाना है, वो एक साल बाद दे या मैं आज ही लिख दूं, फर्क क्या पड़ रहा है, आप एक साल बाद 2 लाख रुपए डेबिट करोगे, मैंने आज डेबिट कर दिया, मैं आज क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आज अपने ऊपर ऑब्लिगेशन ले लिया, मैंने आज सामने वाले को बोल दिया कि नहीं मेरे को तो अब ये मतलब ये शेयर चाहिए तुमसे, तो उसने बोला हाँ चल ठीक है एक साल बाद दे दूंगा, अरे पर उसने ऑब्लिगेशन तो ले लिया अपने ऊपर, उसको शेयर देना ही है, समझ गए, मेरे पास भी अब ऑब्लिगेशन आ ही गया कि मेरे को उसको पैसा देना ही है, आप समझ रहे हैं, इसीलिए इसीलिए आप बोलोगे सर उसकी इच्छा है,
तो आपने ही तो मेरे को बोला 2 रुपए सर डीपली इन द मनी, वो तो देगा ही देगा, तो उसकी इच्छा वाली बात ही खत्म हो गई। अब तो पूरे तरीके से इच्छा की तो बात ही खत्म हो चुकी है, इच्छा की बात ही मत करो, आप डीपली इन द मनी हो गया अब ये कहानी। ठीक है शशांक जी बोलो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं आज दिखा रहा हूं, मैं तो एप्लीकेशन ले चुका हूं ना, बोलो 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 क्या बोल सकते हो, बोलो पूछो आप। अब मैं ऑप्शन की जगह फॉरवर्ड भी लिख सकता हूँ, फ्यूचर भी लिख सकता हूँ, पर ये बातें मैं थोड़ा सा पता है क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव्स हमने डीप में नहीं पढ़ा अभी तक के, तो बहुत सारे वर्ड्स जैसे जैसे बदलेंगे ना वैसे वैसे और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ ऑप्शन पे स्टिक टू हूँ अभी। ठीक है प्रूडेंस, इफ ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज इन फ्यूचर, हाँ ऑप्शन लैप्स हो गया तो रिवर्स कर दो, खत्म कहानी। कृणाल जी आपने जो पूछा उसका आंसर शशांक जी ने दे दिया, समझ गए, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म कहानी, हो गया ना, कोई लेना देना नहीं अपने को, समझ गए। चलो आगे बढ़े, अब आप लोगों का सवाल है कि सर अगर आज मार्केट प्राइस 18 रुपए है तो क्या लगता है ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, आज आज 18 रुपए, 1 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं, आज 18 रुपए आपको क्या लगता है ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, आज 18 रुपए। हाँ बस अनंत जी आ रहे हैं अपन उसके ऊपर, आ रहे हैं उसी के ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे, रुको बोलो बोलो आज की बात कीजिए। क्या लगता है होगा कि नहीं होगा आज अगर मार्केट प्राइस है तो, लो प्रोबेबिलिटी, नो होगा, तो आप लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, आप लोग समझ रहे हैं, इससे पहले आप सब लोगों ने एक साथ यस बोला था, पर अब आप लोग कुछ यस कुछ नो बोल रहे हैं, हम नहीं बता सकते, नॉट प्रेडिक्टेबल, ये अप्रेडिक्टेबल है ही नहीं कहानी, तो प्रेडिक्टेबल नहीं है तो क्या होगा, ये एंट्री नहीं आएगी, ये एंट्री नहीं आएगी, बस इतना ही डिफरेंस है सर। बाद में एक्साइज हो गया तो शेयर कैपिटल डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी 2 लाख, समझ रहे हैं, अगर एक्सरसाइज हो गया, अगर एक्सरसाइज हो गया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, ठीक है, टू कैश 2 लाख, समझ गए, इफ नॉट एक्सरसाइज हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 10,000 रुपए को हम इक्विटी में डाल चुके हैं, हम तो भूल गए वो 10,000 रुपए के प्रीमियम को, नो एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी सिर्फ एक ही केस में आई थी जहां आपको लगा था कि अरे यार ये तो एक्सरसाइज होगा ही होगा, अदरवाइज फाइनेंशियल लाइबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख दो। तो शशांक जी आपने जो बोला था वो ये वाला केस हो गया, समझ गए, आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहां लग रहा है कि अरे अब तो इशू होगा ही होगा तो आज ही कर लो, नहीं लग रहा है तो फ्यूचर में कर लेना, खत्म कहानी, बस ये फर्क है, कोई फर्क नहीं है, तो आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे यहाँ पे, यस और नो नहीं कर पाओगे, आप आंसर नहीं कर सकते, आज के मार्केट प्राइस अगर डीपली आउट ऑफ द मनी है तब अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाँ यार अब तो होगा ही होगा एक्सरसाइज, क्योंकि 2 रुपए की चीज 20 रुपए नहीं जा सकती 1 साल के अंदर, अब शेयर मार्केट है वैसे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भूल नहीं सकते अपन, बट इन जनरल टर्म्स, इन जनरल टर्म्स, ठीक है, पर यहाँ पे अब अपने को पता है हाँ यार अब तो यहाँ तो पता नहीं है ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, तो फ्यूचर में हो गया एक्सरसाइज तो 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल के अंदर में, नहीं हुआ एक्सरसाइज तो कहानी खत्म हो जाती है पूरे तरीके से। बोलो अभी क्लियर, अभी क्लियर, दो तरह से मैंने आप लोगों को एंट्री समझा दी, मैं आपको बेसिकली फिक्स टू फिक्स टेस्ट समझा रहा हूँ यहाँ तक, क्योंकि फिक्स टू फिक्स टेस्ट क्या होता है, क्या आप लोगों को फिक्स टू फिक्स टेस्ट अब क्लियर है, फिक्स टू फिक्स टेस्ट की एक कहानी ध्यान में रखेंगे, फिक्स टू फिक्स टेस्ट क्या बोलता है, टुडे मनी रिसीव्ड, आज पैसे मिल चुके हैं, फ्यूचर में शेयर्स देंगे, कितने फिक्स्ड तो इक्विटी है, वेरिएबल तो लायबिलिटी है, समझ रहे हैं, फिक्स नंबर ऑफ शेयर देंगे तो इक्विटी है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देंगे तो लायबिलिटी है, ठीक है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, शेयर्स भी फिक्स मिलेंगे तो इक्विटी है, शेयर्स वेरिएबल मिलेंगे तो लायबिलिटी है, ठीक है, फ्यूचर में मिलने वाला अमाउंट वेरिएबल है, शेयर्स फिक्स्ड है तो इक्विटी है,
नहीं सॉरी, शेयर्स फिक्स्ड है तो लाइबिलिटी है, शेयर्स वेरिएबल है तो लाइबिलिटी है, क्योंकि अमाउंट जो मिल रहा है वो वेरिएबल है, अमाउंट फिक्स नहीं है ना। दोनों फिक्स होना चाहिए ना, अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए और शेयर्स भी फिक्स होना चाहिए। यहाँ अमाउंट वेरिएबल हो गया, अमाउंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब ये मनी रिसीव्ड की जगह मैं पेड कर देता हूँ तो भी कहानी सेम, स्टोरी डजेंट चेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे पेड कर देता हूँ कि आज आपने पैसा दिया है, फ्यूचर में आपको शेयर वापस मिलेंगे, ठीक है, तो भी कहानी सेम, कहानी बदलती नहीं है। इतना पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। बोलो बोलो, ये चार्ट से क्लियर है सर? फिनेंशियल लाइबिलिटी की एंट्री एक बार रिपीट कीजिए। देखिए फिनेंशियल लाइबिलिटी की एंट्री आशीष जी कब होती है? फिनेंशियल लाइबिलिटी की एंट्री तब होती है जब आपको लग रहा है कि आपके जेब से पैसा जाने वाला है, तो शेयर कैपिटल डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, तब प्रेजेंट वैल्यू आएगा, तब प्रेजेंट वैल्यू आएगा। बस मैंने वही एंट्री लिखवाई थी आपको, और कुछ नहीं था वहाँ पे आशीष जी, ठीक है। इट मीन्स इनिशियली एंट्री फॉर प्रीमियम ओनली। हाँ वानी जी, इनिशियली एंट्री से प्रीमियम की होती है, ये केस होता है डेरिवेटिव्स का। वानी जी आप जो बोल रहे हो केस किसका होता है? डेरिवेटिव्स का, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बोलो बोलो, यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, इससे रिलेटेड कोई ऐसा एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल जो भी आप बना सकते हो और आपको पूछना है सर ऐसा ऐसा हो गया बताओ अभी क्या होगा, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप लोगों को आंसर समझ में आ जाना चाहिए, आज मुझे फिक्स अमाउंट मिल चुका है या आज मैं फिक्स अमाउंट दे चुका हूँ और मुझे फ्यूचर में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे इक्विटी, फ्यूचर में वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे लाइबिलिटी, सिंपल कहानी है। पर जहां सेटलमेंट फ्यूचर में हो रहा है, जहां सेटलमेंट फ्यूचर में हो रहा है, तो फ्यूचर में पैसे देना है या लेना है? अगर पैसा लेना देना फिक्स है और नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स है तो इक्विटी, पर नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल हो गए तो लाइबिलिटी। अगर पैसा जो आना है या जाना है, पैसा जो आना है या जाना है वो वेरिएबल है, हमको ही नहीं पता कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है, या कितना पैसा देना पड़ेगा, ये हमको नहीं पता। अब शेयर फिक्स्ड हो या शेयर वेरिएबल हो, डजेंट मैटर, दोनों ही केस में लाइबिलिटी रहेगा, ठीक है। चलो, सिर्फ कंपनी इशूज बोनस शेयर्स देन फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नहीं बोनस शेयर्स क्यों फाइनेंशियल लाइबिलिटी? अपने को पता है जीरो पैसा मिलने वाला है, फिक्स अमाउंट, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, बोनस फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, फिक्स अमाउंट जीरो, है ना। इक्विटी क्यों बोनस लाइबिलिटी होना चाहिए? बोलो और क्या क्या पूछना है आप लोगों को? फिक्स टू फिक्स इक्विटी अदर देन ऑल फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बस आशीष जी यही कहना है मुझे, फिक्स टू हुआ तो इक्विटी, अदरवाइज ऑल फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इंस्टीट्यूट ने आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ तो भी यहाँ पे दिया भी है, एक शायद छोटा सा टेबल दिया है जिसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ ये देखो, यही है ना, नहीं ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिक्स टू फिक्स टेस्ट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस एंट्री, विच एंट्री? जयशंकर जी कौन से एंट्री पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मांग रहे हैं आप? क्या जाने दीजिए, देखिए अभी आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, अभी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है वो अपन करेंगे, डेरिवेटिव्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ उन्होंने बोला हाँ ये इक्विटी होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक पोटेंशियल शेयर्स है, कंपनी अपने सब्सिडियरी के पोटेंशियल शेयर्स किसी से खरीदने का ऑप्शन लेके बैठी है, वहाँ पे इक्विटी की अकाउंटिंग हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं उसी से रिलेटेड, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। चलो ये देखो फटाफट, थोड़े बहुत छोटे मोटे एग्जाम्पल्स। एस सर्विस सिल्वर लिमिटेड इशूड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 90, दे कैरी डिविडेंड 8%, हाउएवर डिविडेंड इज पेड ओनली वेन डिक्लेयर फॉर इक्विटी शोल्डर। इक्विटी शोल्डर के लिए डिक्लेयर करोगे तो प्रेफरेंस शोल्डर को डिविडेंड देना है, नहीं तो नहीं देना है, ठीक है। क्या ये इक्विटी है लाइबिलिटी? फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को, क्वेश्चन नंबर सिक्स को आंसर करने की कोशिश कीजिए, और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्या बहुत सारे लोग कम हो गए एकदम से, क्या हो गया? इक्विटी वाली कहानी अभी भी नहीं समझ में आई है किसी को तो बोलो ना बाबा कि नहीं समझ में आया, तो अपन उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। बोलो प्रीमियम कब लायबिलिटी होगा? विजय जी का कहना है कि प्रीमियम कब लायबिलिटी होगा इक्विटी, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स पे सेटलमेंट हो रहा है, ये केस, ये केस, ये केस और ये केस, ये चारों केसेस के अंदर में हम प्रीमियम को लायबिलिटी बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर वो लायबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे करना है, वो हम डेरिवेटिव्स के समय पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई। ऑप्शंस कब लायबिलिटी ट्रीट होते हैं और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये हम लोग डेरिवेटिव्स के समय पढ़ने वाले हैं, इसलिए वो वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, मैंने सिर्फ इक्विटी वाला पार्ट पढ़ाया, ठीक है। चलो बढ़िया, तो सभी लोगों का कहना है कि इक्विटी है। अनंत जी ने बोला लाइबिलिटी क्यों, अनंत जी लाइबिलिटी क्यों है?
देखो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है अनंत जी, ठीक है, यानी प्रिंसिपल नहीं देना है। डिविडेंड भी डिस्क्रिशनरी है, इक्विटी शेयर को दोगे तो देना है उनको, ऑब्लिगेशन है नहीं हर साल देने का इक्विटी, है ना। क्या हुआ अनंत जी, डाउट क्या है? अगला देखो, ए लिमिटेड ने इशू किया कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कंपलसरी कन्वर्टेबल है, इशूड बाई सब्सिडियरी, इन्वेस्ट इन्वेस्ट आपने सब्सिडियरी के कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है। टर्म्स के हिसाब से दे आर कन्वर्टेबल इनटू वन इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद। इसमें डिविडेंड है 12% पेएबल व्हेन डिक्लेयर्ड, सामने वाले ने डिक्लेयर किया तो, नहीं तो डिविडेंड नहीं देना है, सामने वाले ने डिक्लेयर किया तो, नहीं तो नहीं देना है। कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर, वो भी उन्होंने लिखा है, ठीक है, हर एक वन वन इक्विटी शेयर में होगा, और डिविडेंड सामने वाले ने डिक्लेयर किया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये इक्विटी है, लाइबिलिटी है, फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए, बताइए। हाँ विजय जी, आपको समझा ना इक्विटी प्रीमियम, मैंने बताया ना विजय जी, क्लियर हुआ ना? हाँ ठीक है, ओके। हाँ सेवेंथ वाला इक्विटी है, क्या बात है क्या बात है, यस ये इक्विटी है, कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, फिक्स टू फिक्स टेस्ट, पैसे आज दे चुके हैं, फिक्स अमाउंट दे चुके हैं, फ्यूचर में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, इंटरेस्ट डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है, फिक्स टू फिक्स टेस्ट, सेटिस्फाइड। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये डिविडेंड अगर डिस्क्रिशनरी नहीं है, कंपलसरी है तो क्या होगा? अगर ये कंपलसरी है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, चलो समझ गया, बढ़े आगे। टारगेट लिमिटेड बोरोइंग फ्रॉम जेड लिमिटेड 10 लाख, टारगेट लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से 10 लाख रुपए बोरो किए, ठीक है, 10 लाख रुपए बोरो किए। एंटर्स इन एन अरेंजमेंट टू सेटल द लोन अगेंस्ट इशू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ शेयर दे देंगे जिनका बाजार भाव 10 लाख के इक्वल होगा, जिसका बाजार भाव 10 लाख के इक्वल होगा। अब ये बाजार भाव कब डिटरमाइन होगा? द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑन फ्यूचर डेट, फ्यूचर में जब मार्केट प्राइस होगा तब, फ्यूचर में जब मार्केट प्राइस होगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने शेयर देना है। देना शेयर है, लोन लिया है, लोन के बदले में शेयर देंगे, कितने शेयर देंगे डिपेंड करता है मार्केट प्राइस क्या होगा फ्यूचर में जब लोन का सेटलमेंट करना है। इक्विटी या लाइबिलिटी फटाफट बताइए, इक्विटी या लाइबिलिटी फटाफट बताइए। चलिए क्या बात है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। विजय जी फिक्स टू फिक्स टेस्ट कैसे सेटिस्फाई हुआ बताइए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। शेयर्स फिक्स है क्या विजय जी, बताइए शेयर्स फिक्स है क्या? लाइबिलिटी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सभी लोगों का कहना है कि ये लाइबिलिटी है, शाबाश शाबाश, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रहे अपन, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रहे अपन। तो यहाँ पे इन्होंने आपको शॉर्ट में यही सारी की सारी बातें बताई है, वही डेफिनेशन को फर्दर स्प्लिट करके दिया हुआ है, तो ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे के सारे टेबल में जितनी भी बातें बोली गई थी ये सारी की सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये ओन यूज एग्जेम्पशन जो है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ये हमें पढ़ना है, पर ये डेरिवेटिव्स के समय पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तब मैं आपको ये ओन यूज एग्जेम्पशन समझाऊंगा, अभी नहीं समझेंगे हम इसको। अगले पार्ट के ऊपर जाते हैं, अगला पार्ट है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्निशंस, ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड डिबेंचर्स होते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड बॉन्ड्स, परपेचुअल डिबेंचर्स वगैरह, कई हमने सही कई सारे प्रकार देखे फाइनेंशियल एसेट्स के। तो इनकी अकाउंटिंग करने के 3 तरीके हैं, FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। सर वो 7 का आंसर, अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं विजय जी। और एक होता है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड बोलता है कि कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है, ठीक है, ये वाले कंसेप्ट के ऊपर यहाँ से हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स की, तो ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ लेना। इसमें कुछ थियरी वाले क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं, वो थियरी वाले क्वेश्चन मतलब वो थियरी नहीं है, वो कंसेप्ट बिल्डर्स है, तो उनको भी एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग करने के 2 ही तरीके होते हैं, फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट और लॉस या फिर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, ठीक है। एक बेस आइडिया ध्यान में रखिए, कुछ भी हो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को फेयर वैल्यू पे दिखाइए, ये स्टैंडर्ड का बेस है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप फेयर वैल्यू पे दिखाइए। उसके पीछे का लॉजिक समझिए, मेरे पास किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर है, अरे मैं बाजार में आज बेचूं, ऐसा एक सिंगल क्लिक पे आपको उसका पैसा मिल जाता है, एक सिंगल क्लिक पे सेल का एक बटन दबा दीजिए और वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब इट इज एज गुड एज करेंसी, एज गुड एज करेंसी, इजीली कन्वर्टेबल इन टू कैश. मतलब वो इनलिक्विड आइटम नहीं है, बहुत ही लिक्विड आइटम होती है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी लिक्विड आइटम दैट आर इजीली कन्वर्टेबल इन टू कैश. इसीलिए स्टैंडर्ड आपको ये बोलता है कि आप एक काम कीजिए कि आप ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप इनको फेयर वैल्यू पे ही दिखाइए ना, क्योंकि इनका फेयर वैल्यू बहुत ईजिली रिकवर हो जाता है या फेयर वैल्यू ही पेएबल होता है. ये स्टैंडर्ड का बेस आइडिया है कि आप सब कुछ फेयर वैल्यू पे दिखाइए. आज तक आपने ऐसा कभी कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा. हमने जो पढ़ा हम हर एक चीज़ में पढ़ते हैं कि कॉस्ट बेस होता है, पर ये स्टैंडर्ड आपको बोलता है नहीं फेयर वैल्यू बेस होता है. ये उल्टा स्टैंडर्ड बनाया गया है. ये बोलता है कि फेयर वैल्यू के बेसिस पे जीवन में आगे बढ़िए आप लोग. पर कुछ केसेस में, बहुत ही लिमिटेड केसेस में आपको बोलेगा चलो आपने कॉस्ट भी दिखा दिया तो कुछ गलत नहीं है. बहुत लिमिटेड केस में आपको बोलेगा कि कॉस्ट भी दिखा दिया तो कुछ गलत नहीं है. तो इनमें हम लोग कुछ रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और हमें एक फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है. मेरा आज का जो क्लास है ये डेडिकेटेड इन चीज़ों के ऊपर है, और उसके बाद में हम लोगों का टाइम बचता है तो मैं इंपेयरमेंट के ऊपर जाऊँगा. ठीक है, तो अब हम लोग इसके कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे और ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, और जहां भी नहीं समझा मुझे बोलना, सर रिपीट कर दो. ठीक है, ये कंसेप्ट को इन्होंने दो चीजों में बिल्ड किया, बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, जिसे आप लोग सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट भी बोलते हो. सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, और एक होता है बिजनेस मॉडल टेस्ट. मैं इस टेस्ट को आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है, और उस चार्ट के बेसिस पे आप लोग समझेंगे इसको. इसे हम दो टुकड़ों में बांट देंगे, बॉन्ड्स और इक्विटी अलग अलग. ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स. ठीक है, जहां भी नहीं समझ में आया मुझे बोल देना कि नहीं समझ में आया सर, तो मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स की. चलिए ध्यान दीजिए, आपका क्लाइंट उसके पास है सरप्लस फंड्स. ठीक है, वो बिजनेस तो करता ही है, बिजनेस से सरप्लस फंड्स है, या तो बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा. सपोज करो बिजनेस में री इन्वेस्ट करने का स्कोप खत्म हो गया, उसको जितना लगता था वो बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता था वो कर चुका है, और नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी या तो ढूंढ रहा है उसको पता नहीं फिलहाल, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही और ज्यादा एक्सपैंड करना है तो बड़ा अमाउंट लगेगा. तो अभी जो सरप्लस फंड्स है वो छोटा अमाउंट है, उसको धीरे 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 पहले बड़ा करेंगे उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे. तो आपका क्लाइंट आपके पास आया कि सर ये पैसे पड़े हैं क्या करें, आपसे सजेशन मांग रहा है, एडवाइस मांग रहा है. अच्छा, क्या करें वाली एडवाइस के ऊपर कभी क्लाइंट फीस देता है क्या? सोच समझ के बताना. हाँ, क्या करें वाले इस पे क्लाइंट आपको फीस भी देता है क्या कि कहाँ इन्वेस्ट करें? और आप बताइए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्लाइंट के पास सरप्लस फंड्स है, वो बोलता है सर एक काम, मतलब ये अमाउंट थोड़े समय में अपने को थोड़े समय बाद बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो थोड़ा थोड़े टुकड़े टुकड़े में पैसा आ रहा है, ये पैसे अपने को कहीं तो भी बस जमा कर देना है ताकि जब ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा तब अपन एक साथ बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे. तो आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि सर कहाँ इन्वेस्ट करें, तो क्या करेंगे, क्या जवाब दीजिएगा? बोलो बोलो जवाब दो. मैं क्लाइंट हूँ, आप सीए हैं, मैं आपके पास एडवाइस के लिए आया हूँ. बताओ मेरे पास 10 करोड़ पड़े हैं, मैं 100 करोड़ करना चाहता हूँ, इसको कहाँ डालूँ 10 करोड़ रुपए? हाँ वैभव जी ने बोला इसके लिए पैसे नहीं देता, ये दर्द ही अलग है, एडवाइस भी लेते हैं और पैसे भी नहीं देते अपने से. सही बात बोल रहे हो आप जयशंकर जी, आपने भी सही बोला. अरे अरुणा जी, द ग्रास इज लुक्स ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. आपको लगता होगा अरे हाँ इंडिया की एकाध कंसल्टेशन के लिए तो सुमित सर गजब फीस लेते होंगे ना, कोई पैसे नहीं देता इन सब चीज़ों के लिए, कंसल्टेशन का पैसा कोई नहीं देता. हाँ करण जी ने बोला सर शेयर मार्केट में डलवाएंगे, कोरोना टाइम है तो सर्विस की भी फीस नहीं मिलती. ठीक है अच्छा हाँ, अरे तो मेन सवाल का तो जवाब दो, ये तो जवाब दे दिया नहीं पैसे नहीं मिलते, तो वो अपने को पता है, वो वाला दर्द एकदम फील हो गया. बाकी क्लाइंट को कहाँ इन्वेस्ट कराना है वो सब नहीं बता रहे. डिपेंड्स ऑन रिस्क एपेटाइट, विल इन्वेस्ट इन इक्विटी और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. आप लोग अभी तक फंडा ही नहीं समझे. सामने वाला आपको क्या बोला, देखो कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करने का है, कुछ समय बाद में अपने को बिजनेस के अंदर में पैसा डालने का है, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल, है ना, 2 साल बाद भी पैसे लग सकते हैं. मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके बड़ा अमाउंट कर देना है क्लाइंट को. तो आप लोग एक बात समझिए, मेजोरिटी केस आप में से कई लोग तो क्रिप्टो करेंसी भी बोलेंगे मुझे पता है, मेजोरिटी केस डेट में डलवाएंगे. आप समझिए बात रिस्क एपेटाइट की नहीं है, बात रिस्की हो ही नहीं रही है यहाँ पे, बात हो रही है कि अपने को उसके बदले में, जैसे आज अपने पास 10 करोड़ रुपए, तो अपने को कुछ समय बाद 100 करोड़ चाहिए. वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं डाल सकते, रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं डाल सकते, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में ही डालना पड़ेगा. एंड डेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ अपने को पता है कि अपने को कुछ समय के बाद में फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, जहाँ पता होता है कि क्या मिलने वाला है जनरली वहाँ पे इन्वेस्ट कराते हैं. ठीक है, तो इक्विटी फिलहाल आउट ऑफ द पिक्चर है, क्रिप्टो करेंसी आउट ऑफ द पिक्चर है. मुझे पता था आप में से कई लोग इक्विटी बोलेंगे, कई लोग क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे. आप समझिए बात वहाँ पे है ही नहीं, बात उस चीज़ की है ही नहीं. इक्विटी में डालने के लिए कोई सजेस्ट नहीं करेगा अभी इस पॉइंट के ऊपर.
हाँ फिर भी आपने किया, वो हम लोग सेकेंड केस के अंदर में देखेंगे, ठीक है? चलो, तो अपना क्लाइंट का बिजनेस मॉडल मतलब उसका इंटेंशन होता है, एक बात ध्यान रखिए, बिजनेस मॉडल मतलब इंटेंशन, इंटेंशन इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, वो हियर हमने क्लाइंट को बताया ये कंपनी है, इसका डिबेंचर बहुत अच्छा है, ये डिबेंचर के बदले में आपको हर साल एक पर्टिकुलर डेट पे या प्लस माइनस 2-3 डेज आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और कुछ समय बाद लेट से 5 साल बाद ये पूरा प्रिंसिपल विद प्रीमियम और मे बी एट डिस्काउंट जो भी केस होगा आपको वापस आ जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्टेड है, हमें डेट्स पता है कि ये डेट्स के ऊपर हमको हमारा पैसा मिलने वाला है, और हमारे क्लाइंट का इंटेंशन भी यही है कि वो इस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना चाहता है, समझ गए? ये उसका इंटेंट है, ठीक है? हाँ जयशंकर जी, मैं ये आंसर के लिए भी तैयार था, मुझे दे दो, जो आपको पता है नहीं देने वाला, आप सजेस्ट भी नहीं करोगे वहां पे। आपको पता है जब आपका क्लाइंट आता है फालतू ये सवाल सुन के, ये जवाब सुन के क्लाइंट अपना डिसोन नहीं कर दे, किसी और के पास नहीं चले जाए, ये जवाब तो वैसे भी नहीं दोगे आप। चलो मेहता जी के बैंक अकाउंट यहां तक के क्लियर है? पीएम केयर फंड में नालायक बच्चे हैं एकदम। सर बीएमटी एंड सीसीएफटी टेस्ट तो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट के लिए होता है। हाँ अमित जी करेक्ट, अपन पहले मैं बताना भूल गया कि पहले फाइनेंशियल एसेट ही पढ़ रहे हैं अपन, अपन पहले फाइनेंशियल एसेट पढ़ रहे हैं, ठीक है? प्री डिटरमाइंड फिक्स मॉडल, चलो ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए ना कि अपने को ना फिक्स डेट्स पे फिक्स अमाउंट पता है कि मिलने वाला है, ठीक है? तो बिजनेस मॉडल क्या है, ये उसका इंटेंट है, पर आपको उसका इंटेंट हमेशा एज एन ऑडिटर डाउटफुल नजर से देख लेना चाहिए। क्या पास्ट में भी उसने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या पास्ट में भी उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट किया? ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने बोला है नहीं, मैं तो मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा और वो उसके पहले ही बेच देता है। आपको उसके इंटेंशन पे ध्यान रखना पड़ता है, नजर रखना पड़ता है। हम सब हमारे क्लाइंट्स को जानते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है? नया क्लाइंट है तो बात अलग है, नए क्लाइंट के केस में उसके फाइनेंशियल्स देख के हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हमको पता होता है कि वो बंदे का नेचर क्या है, यानी कि उस बंदे का नेचर एक्चुअली वो बोल भी रहा है और एक्चुअल में भी ऐसा ही है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करता है। हम उसके बोलने पे नहीं जा रहे हैं, आप समझिए, हम उसके बोलने पे नहीं जा रहे हैं, हम उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि पास्ट में भी उसने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और वो मैच्योरिटी तक रुका था कि नहीं रुका था। यानी जहां पे उसका इंटेंट दिखता है कि हाँ वो सिर्फ इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, ठीक है, वो प्रिंसिपल कलेक्ट करता है, वहां पे उसका इंटेंट है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। जब मैं ये पूरा चार्ट बना दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्यों इसकी अकाउंटिंग कॉस्ट पे होती है, हम लोग उसके ऊपर भी जाएंगे, ठीक है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। अब यहां पे इसके आगे शुरू होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या बोलता है? पहला वाला टेस्ट तो हम लोगों ने देख लिया, बिजनेस मॉडल है इंटेंट, वो सिर्फ इंटेंट की बात करता है, भैया तेरा इंटेंट क्या है? अब इंटेंट देख लिया, उसने बोला हाँ मैं सिर्फ कैश फ्लो कलेक्ट करना चाहता हूँ। अब हम कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पे जाएंगे जहां 3 टेस्ट है। पहला टेस्ट प्रिंसिपल नोन है, यानी मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा पता है, या तो वो पार वैल्यू ही है या प्रीमियम के साथ है या डिस्काउंट पे या शायद कुछ भी नहीं है, पर मुझे पता है कि प्रीमियम मुझे प्रिंसिपल कितना मिलने वाला है, मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट मुझे पता है। प्रिंसिपल नोन मतलब मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट मुझे पता है। अगर हाँ, ये भी हाँ है, नीचे वाला भी हाँ है, इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो रहा है, समझ रहे हैं? ये इंटरेस्ट फिक्स भी हो सकता है, ये इंटरेस्ट फ्लोटिंग भी हो सकता है। ये बेसिकली आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकवर करने के लिए दिया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वो समय का भी आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, ये जीरो भी हो सकता है, इंटरेस्ट जीरो भी हो सकता है, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है? तो इंटरेस्ट जीरो भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ना प्रिंसिपल अमाउंट पर हो रहा है। मैं ये वाला प्रिंसिपल नहीं बोल रहा हूँ, लीगल लैंग्वेज में मत चलिए, एक पार वैल्यू, एक अमाउंट है जिसके ऊपर बोला जा रहा है, ये अमाउंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी हमको अमाउंट नोन है, ऐसा नहीं कि वो अमाउंट वेरी कर रहा है, गोल्ड का जो भाव होगा ना उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, नहीं गोल्ड का भाव नहीं, अमाउंट फिक्स है, 10 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, ठीक है? ये पता है, ठीक है? और तीसरा, ये जो डेट्स है ये फिक्स्ड है, मतलब इंटरेस्ट मिलने वाली डेट फिक्स है, प्लस माइनस 2-3 डेज चलेगा, प्रिंसिपल मिलने की डेट फिक्स्ड है। अब उसमें भी वो एक आध महीना ऊपर नीचे चलता है, जैसे डेटर्स वेटर्स की कहानी होती है, अब एग्जैक्ट डेट नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, पर डेट्स फिक्स्ड है। जहां ये सारी की सारी कंडीशंस हो गई सेटिस्फाई, वहां पे अकाउंटिंग होगी कॉस्ट पे, वहां पे अकाउंटिंग होगी कॉस्ट पे। यहां तक के सब लोगों को समझ गया? जहां पे क्लाइंट का इंटेंशन है हाँ मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करूंगा,
उसको पता है उसको कितना प्रिंसिपल मिलेगा मेच्योरिटी पे, उसको मिलने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, उसको पता है कब कब क्या क्या तारीख पे इंटरेस्ट मिलता है और कब कब कौन कौन सी डेट्स के ऊपर प्रिंसिपल मिलता है, ये सारी की सारी कंडीशंस पता है, ऑल सेटिस्फाइड, तो हम इसकी अकाउंटिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे करेंगे। तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के लिए चार कंडीशंस, एक बिजनेस मॉडल टेस्ट है और बाकी तीन कंडीशन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट की है। ये तीनों कंडीशंस है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट की, और ये था हमारा बिजनेस मॉडल टेस्ट। बताओ यहां तक के क्लियर है? यहां तक के क्लियर है? अब हमें समझेंगे इसको हम लोग कॉस्ट पे अकाउंट क्यों कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि इसको हम लोग कॉस्ट पे अकाउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड का तो बेस था यार, फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग करना, तो तुम कॉस्ट की बात क्यों कर रहे हो? चल देखो, क्लाइंट एक लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर बैठे हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है? अब सोच के देखो, एक बड़ी सारी यूनिवर्सिटी का आपको ऑडिट मिला है, ठीक है? वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यही नाम है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपको उसका ऑडिट मिला, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उनके पास हर साल फीस आ रही है, करोड़ों रुपए की फीस आ रही है। उन्होंने बोला, सर हमको ना नई कॉलेज खोलना है, अब हम लोग डॉक्टर वाली कॉलेज खोलेंगे, मतलब डॉक्टर लोग MBBS बनाना है हम लोगों को, तो हम लोगों को करीब 100 करोड़ रुपए लगेंगे, अभी 10 करोड़ रुपए की फीस आई हुई है, तो 100 करोड़ रुपए करने तक के टाइम लगेगा, क्या करें? तो आपने बोला, हाँ ठीक है, ये एक डिबेंचर है कोई, तो 8% वाला, 8% वाला डिबेंचर है 5 साल का, 5 साल तक के 8-8% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। उसको आपकी बात पे एकदम ब्लाइंड फेथ है कि हाँ ये डिबेंचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसने बोर्ड मीटिंग बुलाई, देखो आप इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कर सकते, जनरल मीटिंग वगैरह शेयर होल्डर्स से परमिशन लेना पड़ता है, तो आपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, शेयर होल्डर्स को बोला कि देखो हमें ना एक्सपैंड करना है, 100 करोड़ रुपए का हम लोगों को MBBS का कॉलेज शुरू करना है, तो ये 100 करोड़ रुपए का कॉलेज शुरू करने के लिए ना हम लोगों को ना ये डिबेंचर्स वगैरह में हम लोग पैसे इन्वेस्ट करें। ये स्टोरी सुन लो, ये स्टोरी के पीछे मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, ये स्टोरी आपको बहुत जरूरी है इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। तो हमने उनको बोला कि हम 8% के डिबेंचर्स पे 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 साल बाद हमको प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा, स्टोरी अच्छे से समझ लो, और हर साल 8-8% का इंटरेस्ट मिलेगा। शेयरहोल्डर का पहला सवाल, आगे जाके अगर 9% वाला डिबेंचर मिला तो आप क्या करोगे? आगे जाके 9% वाला डिबेंचर मिल रहा है मार्केट में तो आप क्या करोगे, क्या आप री इन्वेस्ट करोगे? सवाल है कि बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डिबेंचर अगर मार्केट में अवेलेबल है तो क्या इसको बेच के आप वो 9% वाले पे इन्वेस्ट करोगे? कुछ तो आंसर करो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब लोग चुपचाप सुनते जा रहे हो, सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ तो यहां पे कंपनी बोलेगी नो, आप में से कई लोग बोलेंगे हाँ सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कंपनी बोलेगी नो, क्यों? कंपनी के पास टाइम ही नहीं है कि मार्केट के ऊपर वॉच रखे कि इससे बेटर इंटरेस्ट, यही क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी बेटर इंटरेस्ट देगी, उसके ऊपर टाइम देखना ही है उनको देखने का। और अगर आपको बोलते हैं, आप सीईओ, आपको बोलते हैं जरा ध्यान रखना 9% वाला मिला तो बता देना, आप भी नहीं करोगे। ये मैंने क्यों बोला था, इसलिए मैंने उस समय आपको फीस का सवाल पूछा था, फीस देंगे क्या? जिसका फीस नहीं मिलेगा उसके पीछे मैं मेहनत करूंगा क्या? पागल समझ के रखे हो क्या? जिसका पैसा नहीं मिलता उसके पीछे कोई मेहनत नहीं करता, समझ रहे हो? तो 8% पे इन्वेस्ट करके हम भूल चुके हैं, 9% मिलेगा, नहीं हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है देखने का कि कोई 9% वाला डिबेंचर अवेलेबल है। शेयरहोल्डर बोलेगा मैं आके बता दूंगा, भैया तुम्हारा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तुम अलग हो, तुम ओनर हो, मैनेजमेंट अलग है, ये तो रूल ही है कंपनी इस लॉ का, ठीक है। शेयरहोल्डर को चलेगा तो हाँ बोलेगा, नहीं बोलेगा तो ना बोलेगा, वोटिंग करेगा ना, उसको वोटिंग के राइट्स मिल रहे हैं ना। ये डिबेंचर की क्रेडिट रेटिंग गिरी तो एक्सेप्शन रूल है, हाँ ठीक है, फिर तो हम बेचेंगे यार, वो तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कंपनी की क्रेडिट रेटिंग गिर रही है तो रिस्क बढ़ रहा है ना, रिस्क बढ़ रहा है, ऑब्वियस ही बात है, तब तो हम बेचेंगे, पर मार्केट में इससे बेटर कुछ मिल सकता है उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ओके यहां तक के समझ में आया? तो आप में से कई लोगों ने बोला था यस, नहीं नहीं करेंगे, लॉजिक समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? मतलब हम इन्वेस्ट किए और हम भूल गए, हम इन्वेस्ट किए और हम भूल गए, जहां मुझे पता है कि मुझे कब कब कितना पैसा मिलने वाला है, हो सकता है कि मार्केट में बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, हो सकता है हमको जो मिल रहा है वो सबसे बेस्ट रेट है, इससे कम वाले मार्केट में मिल रहे हैं, पर हम फेयर वैल्यू पे ध्यान नहीं देंगे, हमको मिलने वाले कैश फ्लो से ही हमें मतलब है, यानी हमारी नज़र सिर्फ कैश फ्लो पे है, और हम हमारे शेयरहोल्डर्स को बता चुके हैं कि हमको यही कैश फ्लो में इंटरेस्ट है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग कॉस्ट पे करना गलत कहाँ है? सही है, इनको फेयर वैल्यू पे अकाउंट करना ही क्यों है? इनको फेयर वैल्यू पे अकाउंट करके कोई कंसेप्ट, कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं? बताइए क्लियर है? सुमित सर को फीस मिलेगी? अरे मुझे कोई फीस नहीं देता ऐसे कंसल्टेशन के लिए, ऐसे तो कितने सारे लोग रोज कॉल करते हैं कि हाँ सर ये वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यहाँ यहाँ पे फंस गए, क्या करने का है, बस जैसे ही आंसर मिला फोन कट कर देते हैं, कोई फीस ट्रांसफर नहीं करता है, फीस आप लोग ही देते हो, आप लोग ही सच्चे दोस्त हो। चलो
कंपनी इंटेंड्स टू होल्ड। हाँ क्लियर। तो यहां तक के ना हम लोग कॉस्ट के ऊपर ही अकाउंटिंग करेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का, इसीलिए अकाउंटिंग कॉस्ट पे होता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको बताएंगे कि ये चीजें हैं, बताओ एसीएम अकाउंटिंग होना चाहिए क्या। बिजनेस मॉडल टेस्ट लिखोगे, इंटेंट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट के अंदर की तीन कंडीशन लिखोगे, बोलोगे ऑल फोर कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट्स वाई ईसीएम। ठीक है, तो थियरी क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, वो थियरी क्वेश्चन होते नहीं है, कंसेप्ट क्वेश्चन होते हैं वो, और कुछ नहीं होते। ठीक है चलो। सर आर इन्वेस्टमेंट कंपनीज अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन दिस वे? नहीं जयशंकर जी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज की कहानी अलग है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है रुक जाइए। अब अगर ये परपेचुअल डिबेंचर है, परपेचुअल डिबेंचर है, तो प्रिंसिपल तो वापस मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं, प्रिंसिपल वापस मिलेगा ही नहीं। तो प्रिंसिपल अमाउंट नोन? नहीं, प्रिंसिपल तो वापस मिलेगा ही नहीं, यहां पे प्रिंसिपल का अमाउंट नोन नहीं है, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही है। देखा जाए तो एक तरह से होती भी है, वहां पे इंटरेस्ट के अमाउंट फिक्स्ड है, यानी हर साल मिलेगा इंटरेस्ट ही, तो देखा जाए तो एक तरह से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, प्रिंसिपल अमाउंट नोन है कि नहीं मिलेगा, बेसिक मतलब वो होता है। पर मैं आपको एक इन जनरल पार्लेंस बता रहा हूँ कि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, प्रिंसिपल नोन टू बी जीरो होता है परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट में, और इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल होता है हर साल एक फिक्स इंटरेस्ट लाइफ लॉन्ग हम लोगों को मिलता रहेगा, देखा जाए तो वो कहानी होती है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, प्रिंसिपल नोन है, इंटरेस्ट आप बोलोगे है ही नहीं, इसीलिए मैंने जीरो इंटरेस्ट की बात की थी, जीरो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, डेट फिक्स होती है जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर में, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट में प्रिंसिपल जीरो है, डेट्स फिक्स है किसकी, इंटरेस्ट की, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। ठीक है, यहां तक के समझ में आ रहा है? ओके, बिजनेस मॉडल होल्ड कंपनी में फोकस करना है बस, फिर कभी कमेंट नहीं किया सर। चलो अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, मैंने एक 5 साल के डिबेंचर को खरीद के रखा है, जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया था 5 साल, पर मेरा इंटेंट है मैं 3 साल बाद बेच दूंगा, मेरा इंटेंट है कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को 3 साल, मुझे पैसा एक का काम 3 साल बाद है, पर ये 5 साल वाला इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगा तो अपन ने मार्केट से खरीदा और अपन 3 साल बाद बेच देंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? चलिए अब कई सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों को, आपको बताना है एसीएम में आएगा या नहीं आएगा। 5 साल वाला इंस्ट्रूमेंट है, मैं 3 साल बाद बेच दूंगा, मैं 3 साल बाद बेच दूंगा क्योंकि मुझे 3 साल बाद मेरे बिजनेस के लिए काम है, ऐसा नहीं कि कोई और शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं, बिजनेस में काम मुझे 3 साल बाद है, मैंने इन्वेस्ट 5 साल वाले बॉन्ड में कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, यस और नो, ट्राई टू आंसर, सेटिस्फाई करेगा अभी जी का कहना है, बाकी लोग क्या बोलते, करो करो ट्राई करो बोलो। यस यस, क्या बात है क्या बात है, यस गजब, यस ओके, यस चलो ठीक है, आप में से कई लोगों का कहना है यस है ना, सेटिस्फाई हो रही है, क्यों सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मेरा इंटेंट तो मैच्योरिटी तक होल्ड करने का है, जहां पे मेरा मैच्योरिटी डेट फिक्स है 3 साल, और मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, देखा जाए तो 3 साल बाद अगर मेरे को पैसे की नहीं भी जरूरत पड़ी तो मैं पूरे 5 साल होल्ड कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया और मैं बिजनेस के लिए ही कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है प्रिंसिपल कब आ रहा है, मुझे पता है इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, सबकी डेट फिक्स है, मैं मेरे हिसाब से तो मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा, आज मेरा इंटेंट 3 साल बाद बेच देने का है, ठीक है, यूज मैं बिजनेस के लिए करने वाला हूँ पैसा, अभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमको ये नहीं देखना है कि आप एक्चुअल में उसकी आंख, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैच्योरिटी डेट तक क्या आप वेट करोगे या नहीं करोगे, ये मत सोचो, ये सोचो कि मैं ये पैसा कब तक होल्ड करता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, मैं इन पैसों को किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालूंगा, मैं इस इंस्ट्रूमेंट को इसलिए नहीं बेचूंगा क्योंकि मुझे इसमें ट्रेड करना है, मुझे इसमें मुनाफा दिख रहा है या मुझे इसमें नुकसान दिख रहा है, मुझे किसी और इंस्ट्रूमेंट में मुनाफा या नुकसान दिख रहा है, इन चीजों के लिए तो नहीं होल्ड करके इन नहीं बेचूंगा। ठीक है, हाँ मैं मेरे बिजनेस के लिए बेच देता हूँ, ये तो नॉर्मल साइकिल होता है, ये तो नॉर्मल होता है, नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि हाँ चलो अब मेरे को नहीं मिल रहा 3 साल का अच्छा बॉन्ड तो मैंने 5 साल में इन्वेस्ट कर दिया, तो भी मेरा इंटेंट तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही कलेक्ट करने का है ना, 3 साल के बाद में बस मैं ये इंस्ट्रूमेंट को बेच के प्रिंसिपल कलेक्ट कर लूंगा, अभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की सेटिस्फाई होता है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कंसेप्ट को, कि मैं इंटेंट को किस तरह से देख रहा हूं। ठीक है, हाँ इंसेप्शन वी नो द मेच्योरिटी, वर्स्ट केस सिनेरियो इज एक्सेप्शन होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो बाद में देखेंगे रियाज जी। ठीक
ठीक है, वो भी मुझे एक्सेप्शन भी बताना है आप लोगों को। चलो, डिमांड पे है, डिमांड डिबेंचर है, मैं जिस दिन डिमांड करूंगा मुझे सामने वाला पैसा दे देगा। 5 ईयर मेच्योरिटी का डिबेंचर नहीं है, डिमांड डिमांड डिबेंचर है, डिमांड डिबेंचर। आपने डिमांड किया, सामने वाला पैसे लौटा देगा। ठीक है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वाले ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड बोल सकता हूं मैं। ठीक है, क्या लगता है आपको, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, यस और नो? और आप लोगों के कोई भी सवाल होंगे, जिन लोगों ने नो बोला था कि एसीएम नहीं सेटिस्फाई हो रहा, फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा अभी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी ने 5 साल वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी का इंटेंट है, पास रिकॉर्ड बताते हैं कि कंपनी 3 साल में इसको बेच देती है, बताओ एसीएम सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, या 3 साल में कंपनी का इंटेंशन है बेच देने का, एसीएम अकाउंटिंग होगी या नहीं होगी, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, अभी जी का कहना है नहीं, कृणाल जी का कहना है नहीं, यस एसीएम, आशीष जी का कहना है। ये जो मैं अभी डिमांड की बात कर रहा हूँ ना, ये सबसे कॉमनली आस्क क्वेश्चन है। इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है कि हमने हमारी सब्सिडियरी को लोन दिया इंटरेस्ट फ्री, पर ये डिमांड लोन है, ऑन डिमांड लोन है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए? ठीक है, डिमांड लोन्स की भी अकाउंटिंग एसीएम होती है। सर कैसे, प्रिंसिपल फिक्स है? हाँ। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल है? हाँ। डेट फिक्स है? नहीं, डिमांड है तो डेट फिक्स क्यों नहीं है? मैं आज डिमांड करूंगा मुझे पैसा मिलेगा, मुझे पता है कि नहीं पता है, डेट फिक्स है कि नहीं है? हाँ सर, आप कल भी मांग सकते हैं, आप परसों भी मांग सकते हैं। अरे आपको डेट क्यों नहीं फिक्स है, आपको तो पता है ना, मैं जिस दिन मांगूंगा मुझे उस दिन पैसे मिल जाएंगे, डेट तो फिक्स है, डेट तो फिक्स है। डेट फिक्स मतलब ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर डेट ही होना चाहिए, 31 दिसंबर 2020। हाँ, डेट फिक्स मतलब मुझे पता है कि मुझे पैसा कब मिलने वाला है, इसको बोलते हैं डेट फिक्स। ठीक है, चलो अभी क्लियर। सब्सिडियरी को लोन दिया तो कभी वापस ही नहीं आता सर। हाँ, विजय जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर अगर 5 साल मेच्योरिटी की जगह 3 साल में सोल्ड आउट कर रहे हैं तो एसीएम कैसे? चलो ठीक है विजय जी, मैं आपका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में उठाता हूँ। नो, डेट इज नॉट फिक्स। हाँ, डेट फिक्स है ना शशांक जी, क्यों नहीं फिक्स है? डिमांड सब्सिडियरी को दिया, डिमांड डिबेंचर इंटेंशन टू होल्ड पे डिपेंड करता है। इंटेंशन टू होल्ड तो है ही ना, इंटेंशन टू होल्ड है ही, अपन होल्ड करेंगे, कब डिमांड करना है ये मुझे तो पता है। हाँ, आरटीपी वाला क्वेश्चन, करेक्ट वैभव जी। चलो ठीक है, विजय जी का क्वेश्चन था, सर 5 साल वाला है, 5 साल मेच्योरिटी है, मैं तो 3 साल में बेच दूंगा। आप ऑब्लिगेशन लेके बैठे हो क्या कि आप 3 साल में बेच दोगे? ऑब्लिगेशन है क्या कि 3 साल में बेच दोगे? आपका कहना है कि 3 साल बाद मुझे बिजनेस में पैसे लगेंगे, है ना? अब मैं 3 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता, देखा जाए तो मैं 3 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता, पर 3 साल वाला बॉन्ड ना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था, 5 साल वाला अच्छा रिटर्न दे रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है जो ज्यादा रिटर्न देगा मैं वहां इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मैं बेचूंगा कैसे, मैं तो ओपन मार्केट में बेचूंगा, कंपनी तो वापस लेगी नहीं, पर आप समझिए मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा था 5 साल वाले में, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना। मेरा इंटेंशन क्या है कि मुझे 3 साल तक कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना है, इंटेंशन तो यही है कि 3 साल तक कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना है। मेरा ये कहना है कि मेरा इंटेंशन है मुझे 3 साल बाद प्रिंसिपल चाहिए, तो मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मुझे 3 साल बाद प्रिंसिपल फिक्स अमाउंट मिल जाएगा वापस, कंपनी नहीं दे देगी, मैं ओपन मार्केट से ले लूंगा, पर मुझे तो मेरा प्रिंसिपल 3 साल के बाद मिल जाएगा, मैंने इन्वेस्ट 5 साल वाले में किया है, पर मेरा इंटेंट उस इंस्ट्रूमेंट का 3 ईयर बॉन्ड का है, मुझे 3 साल बाद पैसे कहां से मिल रहे हैं आप ये समझिए, फ्रॉम ओपन मार्केट, फ्रॉम ओपन मार्केट, मैं ओपन मार्केट में सेल करूंगा, कंपनी तो वापस मुझे पैसे देगी नहीं, और अगर आपको लगता है कंपनी पैसे वापस देगी तो प्रिंसिपल 3 साल बाद मिल जा रहा है, आप कुछ भी करो प्रिंसिपल मुझे 3 साल बाद मिल जा रहा है, मुझे तो पता है ना। मेरा जो इंटेंशन है, दो पॉइंट्स है, एक मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि 3 साल बाद कुछ भी हो, जो भी बाजार भाव हो मुझे बेचना पड़ेगा, कहानी ये तो नहीं है, मुझे मेरे बिजनेस के लिए पैसा लगेगा और मैं 3 साल बाद बेच दूंगा। मैं 3 साल वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता था, पर 5 साल वाला ज्यादा रिटर्न दे रहा था, इसलिए 5 साल वाले में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट से किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। आप समझिए एसीएम क्यों हो रहा है, एसीएम के पीछे का बैकग्राउंड समझिए, रूल वाइज चलेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, एसीएम के पीछे का बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कॉस्ट पे क्यों छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मेरा इंटेंट सिर्फ उसके कैश फ्लो से है, उस इंस्ट्रूमेंट से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है, उस इंस्ट्रूमेंट से मुझे कोई लॉस नहीं चाहिए, मुझे इस इंस्ट्रूमेंट से कैश फ्लो चाहिए, जो कैश फ्लो मुझे पता है कि मुझे कब कब कितना कितना मिलने वाला है, मैं इसीलिए उसकी अकाउंटिंग एसीएम कर रहा हूं। ये दिमाग में रखेंगे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट नॉट फिक्स्ड? जहां आनंद जी, डेट नॉट फिक्स मतलब जहां सामने वाला आपको बोल रहा है कि मैं बताऊंगा तुमको पैसे कब दूंगा, इक्विटी में आपको नहीं पता होता आपको पैसे कब मिलने वाले हैं,
इक्विटी में कहाँ पता होता है ना, इक्विटी में देर इज नो फिक्स मैच्योरिटी डेट। आप बोलोगे सर ऑन डिमांड मिलता है, वो तो आप सेकेंडरी मार्केट में बेचते हो इसीलिए ऑन डिमांड मिलता है, कंपनी तो आपसे वापस लेती नहीं है, कंपनी नहीं लेती, वो सेकेंडरी मार्केट डेवलप हो गया, बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो नहीं बिका, है ना। तो डेट फिक्स में जहां आपको पता है कि मुझे कब पैसा मिलने वाला है, डेट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जहां आपको नहीं पता, सामने वाला डिसाइड कर रहा है, वहां पे डेट इज नॉट फिक्स, या किसी तो भी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट है तो डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, फ्यूचर में मेरी शादी होगी तो पैसा, मेरी मतलब मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी तो हो गई शादी, शादी होगी तो पैसा मिलेगा, डेट इज नॉट फिक्स्ड, समझ रहे ना, डेट इज नॉट फिक्स्ड, क्लियर है, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं। हाँ, और क्या क्या सवाल है सर। दिस केस हाउ कैन वी एस्टिमेट द डेट ऑफ रिटर्न एज द रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व इन इट। रिस्क की बात बाद में करेंगे जयशंकर जी, वो एक्सेप्शन है, रिस्क अभी एक्सेप्शन में आ जाएगा। बस डाउट है कि पीरियड तो फिक्स नहीं होगा अगर हम पहले रिडीम कर लेते हैं, तो हमारे लिए पीरियड फिक्स है ना अनामिका जी। देन डेट नॉट फिक्स्ड मीन्स, ये क्लियर है अभी, टू होल्ड फ्यूचर मेच्योरिटी वाला कंडीशन। विजय जी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा। डेट वाला कंडीशन मोर लिंक्ड टू विथ इंटेंट। हाँ हर्षित जी बोल सकते हैं, इंटेंट से है। ACM मीनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, अरुणा जी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। सर दहेज नहीं लूंगा अरे नालायकों, मैंने कब दहेज को प्रमोट किया, हट गंदे बच्चे। चलो यहां तक ये समझ गए, ये ACM है। अब सर ACM से बाहर निकलो तो ACM और अच्छे से क्लियर होगा। जब ACM से बाहर निकलते हैं, मेरा इंटेंट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का नहीं है, मैं लालची आदमी हूं, मैं ध्यान रखूंगा मार्केट पे कब ज्यादा रेट में और रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, मैं मारवाड़ी हूं या सिंधी हूं, है ना, ये दो बड़े लालची लोग होते हैं, मैं मारवाड़ी हूं, ठीक है। तो जैसे ही 8% का 9% हुआ मार्केट में, ये इंस्ट्रूमेंट को बेचो, उसको खरीदो, जहां ज्यादा फायदा दिखेगा मैं वहां पर बेच दूंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, आप समझिए मैं री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूं, ठीक है ना, आप ये समझिए री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इससे ACM और थोड़ा क्लियर होगा, यानी कि मैं नजर रखता हूं मार्केट के ऊपर, बड़ा लालची प्रवृत्ति का इंसान हूं। यहां मेरा बिजनेस मॉडल हो गया टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और सेल द इंस्ट्रूमेंट। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ यही लिखा है, सेल द इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूट ने मतलब इंडिया में यही लिखा है, पर वो सेल द इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है फॉर री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर मेरा इंटेंट ये हो जाता है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन क्या है, टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जब तक मिल रहा है, और जहां ज्यादा फायदा दिखेगा शिफ्ट, सीधा वहां पे शिफ्ट मार दो, ठीक है। चलो तो ऐसे केस में अकाउंटिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने शेयरहोल्डर को क्या बोला, शेयरहोल्डर ने सवाल पूछा था 9% वाले डिबेंचर में इन्वेस्ट करोगे क्या सर अगर बेटर मिलेगा तो। हाँ हम ध्यान रखते हैं फेयर वैल्यू के ऊपर, तो अगर आप फेयर वैल्यू पे ध्यान रखते हो तो फेयर वैल्यू शेयरहोल्डर को बताओ, अगर आप फेयर वैल्यू पे ध्यान रखते हो तो फेयर वैल्यू शेयरहोल्डर को बताओ, सही है ना, जो शेयरहोल्डर को वादा किया वो शेयरहोल्डर को पता चलना चाहिए, हम इसीलिए तो बैठे हैं, ऑडिटर क्यों बैठा है, जो शेयरहोल्डर को बोला था अब वो करना पड़ेगा, शेयरहोल्डर को बोला था बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो चलो अब इस इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू बताते रहो शेयरहोल्डर को, पर यहां जब तक के री इन्वेस्ट नहीं कर रहे तब तक के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो वो जो फेयर वैल्यू चेंजेस है वो आपके एक्चुअल गेन या लॉसेस नहीं है, ये समझिए कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू पर ध्यान रख रहा हूं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, रीइन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, पर तब तक मैं चुपचाप कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट कर रहा हूं, मैं फेयर वैल्यू चेंज सिर्फ शेयरहोल्डर को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, वो फेयर वैल्यू चेंज मेरा गेन या लॉस नहीं है, वो फेयर वैल्यू चेंज मेरा गेन या लॉस कब होगा, जब मैं बेटर अपॉर्चुनिटी वाले इन्वेस्टमेंट में रीइन्वेस्ट कर दूंगा, तब तक ना मेरा एक्चुअल गेन है ना मेरा एक्चुअल लॉस है, तो फेयर वैल्यू पे सिर्फ इन्फॉर्म करना है शेयरहोल्डर को, इसीलिए फेयर वैल्यू चेंजेस PL में नहीं जाना चाहिए, लॉजिकल, समझ में आ रहा है। फेयर वैल्यू चेंजेस हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने शेयरहोल्डर को वादा किया था बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली तो हम इन्वेस्ट करेंगे, तो जो फेयर वैल्यू चेंजेस है वो मेरे एक्चुअल गेन या लॉसेस नहीं है, इसीलिए उनको आप PL में मत डालिए, उसको आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दीजिए, ठीक है। इसीलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। किसी को यहां तक के कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। अमोर्टाइज मीनिंग, हाँ अरुणा जी जब अकाउंटिंग करेंगे ना तब मैं अमोर्टाइज समझाऊंगा आपको, जब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे तब देखेंगे, ठीक है। टू होल्ड मेच्योरिटी वाली कंडीशन का क्या होगा, विजय जी कौन से केस में, वो 5 साल का 3 साल बोल रहे हैं आप, देखो टू होल्ड मेच्योरिटी को किस पॉइंट से देखा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट के नेचर से नहीं देखा जा रहा है, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, आपके इंटेंट से देखा जा रहा है, आपका इंटेंट है कि मेरे लिए मेच्योरिटी 3 साल है,
तो मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके इंटेंशन से बात कर रहा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट के इंटेंशन से बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। अमाउंट बिजनेस मॉडल टेस्ट के अंदर, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट के अंदर में मेच्योरिटी डेट्स वगैरह जो नेचर बात हो रहा है वो आपके इंटेंट से लिंक्ड है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अगर 3 साल में ट्रेड कर देते हैं, 3 साल में आप ट्रेड नहीं कर रहे विजय जी, आप सेल कर दे रहे हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, ट्रेडिंग एक अलग चीज़ होती है, ट्रेडिंग होता है मुनाफाखोरी करना, इंस्ट्रूमेंट के अंदर में मुनाफे पे ध्यान देना। मैं यही तो आपको वहां से समझा रहा हूँ FVOCI से। FVOCI में डिफरेंस क्या है, यहां से, यहां हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और यार ये इंस्ट्रूमेंट में जबरदस्त फायदा दिख रहा है, बेच दो। FVOCI, समझ रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट में नुकसान हो रहा है, बेच दो। FVOCI, जहां मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मुनाफे नुकसान से, मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट कर रहा हूं, मेरे बिजनेस को जरूरत पड़ेगी तो मैं बेच दूंगा। सीधी बात है यार, ये अपना बिजनेस नहीं है, आप समझो, सरप्लस फंड यहां इन्वेस्ट हो रहे हैं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये पैसे को मैं कभी भी, ऑब्वियसली बात है, मेरे बिजनेस को जरूरत रहेगी तो मैं बेच दूंगा। तो अगर मेरे बिजनेस को जरूरत रहेगी मैं बेच दूंगा, तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ही है ना, फर्क क्या है, प्लान्ड है कि हाँ 3 साल में बेच देंगे, मैं मेरे इंटेंट से बात कर रहा हूँ। हाँ, और क्या क्या डाउट है? नोशनल प्रॉफिट और लॉस है, करेक्ट आकाश जी, अच्छा भाव मिला तो OCI है, करेक्ट वैभव जी, 2 मिनट दीजिए समझने के लिए। हाँ अर्षित जी, बिल्कुल रुका हूँ मैं। सर, विल द शिफ्ट फ्रॉम वन टू अदर मेथड पॉसिबल इन सेम अकाउंटिंग ईयर और नॉट? देखिए जय शंकर जी, इंटेंट एक से दूसरा शिफ्ट हो सकता है क्या? वो रिक्लासिफिकेशन है, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले ना अपने क्लाइंट को एकदम फिक्स दिमाग में रखो, वो दो तरफा दिमाग वाला नहीं है, उसको पैसा यहीं डालना है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना है, ठीक। उसने इन्वेस्ट किया और आपको पता है बड़ा लालची आदमी है, सुमित सारडा है, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखता रहेगा, अरे 9% 9%, चलो चलो निकालो यहां से, वहां पे डालो वहां पे डालो वहां पे डालो। आपको नेचर पता है अपने क्लाइंट का, तो FVOCI है या FVTP है, यहाँ पे ACM। आप ये नहीं बोलोगे अरे सर एक ही साल में अपना बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, और रिक्लासिफिकेशन है, बाद में पढ़ेंगे, उसके ऊपर दिमाग मत लगाइए अभी, उसके ऊपर अभी दिमाग मत लगाइए, ठीक है। चलो हाँ हर्षित जी, देखो सिंपल कहानी है, मेरा इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो में मुझे पता है मुझे प्रिंसिपल कब मिलेगा, इंटरेस्ट कब मिलेगा, डेट्स मुझे पता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट सेटिस्फाइड, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। अरे इंस्ट्रूमेंट 5 साल का होगा, मैं तो 3 साल होल्ड करके बेच दूंगा, ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। मैं इंस्ट्रूमेंट के नेचर नहीं देख रहा, मैं मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ, मैं मेरा नेचर बता रहा हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट तो 10 साल का भी हो सकता है, उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट तो परपेचुअल बॉन्ड भी हो सकता है। मैं 3 साल, मुझे 3 साल कलेक्ट करना है, 3 साल बाद मेरे बिजनेस को जरूरत रहेगी, ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, जहां कैश फ्लो मुझे पता है, बस ये जरूरी है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट में ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो क्या है ये पता होना चाहिए। मेरा इंटेंट क्या है कि मेरा इंटेंट इतने समय तक के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना है, पर जहां मेरा इंटेंट हो जाता है नहीं यार मुनाफा दिखेगा तो बेचो, री इन्वेस्ट करो कहीं और, यानी जहां री इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन है, जहां री इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन है वहां FVOCI है, कहीं और मुनाफा दिख रहा है शिफ्ट, ठीक है, कहीं और मुनाफा दिख रहा है शिफ्ट, FVOCI है, बताइए। हाँ बेस्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है, दीपक जी सही बोल रहे हैं आप, शेयर से, शेयर की बात अभी नहीं हो रही प्रथमेश जी, शेयर मत लेके आइए। सर अगर 9-10% वाला मिला जिसमें वो पैसा लेगा देगा पहले से निकाल कर, तो FVOCI है। हाँ हर्षित जी, जहां मेरा इंटेंशन है, जब जहां आपको पहले दिन से पता है कि आपका क्लाइंट ये हरकत करेगा कि 9% वाला बॉन्ड मिलेगा ना, यहां से पैसा निकाल के वहां डाल देगा, तो OCI है। अच्छा, आप में से कई लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है कि इसी इंस्ट्रूमेंट में अगर मुनाफा दिख रहा है और मैंने बेच दिया तो FVOCI है, नहीं ये दिमाग में मत लाइए, तो FVOCI नहीं है। मैंने क्या कहा, कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो FVOCI है। मेरे इंस्ट्रूमेंट का मुनाफा लॉस वो थर्ड केस आएगा, अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर भी आने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखो मैं मेरे इंस्ट्रूमेंट में मुनाफे की बात कर रहा हूँ तो वो थर्ड केस है, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मुझे कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहां से ज्यादा फायदा हो जाएगा तो FVOCI है, ठीक है। पर ACM में मेरा ध्यान क्या है, मैं आपको ACM समझाने के लिए इंस्ट्रूमेंट के मुनाफे नुकसान की बात कर रहा था, जहां पे मेरा फिक्स है कि हाँ मेरे को ये कैश फ्लो मिल रहा है और मुझे सिर्फ कैश फ्लो से मतलब है, मुझे मुनाफे लॉस से कोई मतलब ही लेना देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कैश फ्लो से मतलब है, ACM अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है। और बोलिए और क्या क्या बोलना है, ACM में बहुत कम यूज होगा, हाँ ACM का यूज बहुत कम होता है, करेक्ट, हाँ चलो 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 चलो, क्लियर हो रहा है ना सब लोगों को, बड़े अपन आगे बढ़े। चलो तो ये यहां तक के फिक्स हुआ, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो मेरे को FVOCI के बाद ये क्वेश्चन पूछना था आप लोगों को कि एंटिटी ना 8% वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दी, सडनली लिक्विडिटी इशू आ गया, कोविड आ गया, पैसे खत्म, तो एंटिटी ने इस इंस्ट्रूमेंट को बेच दिया। ऐसे पांच इंस्ट्रूमेंट थे एंटिटी के पास, ऐसे पांच इंस्ट्रूमेंट्स थे, एंटिटी को पैसे की जरूरत थी, इसमें से एक इंस्ट्रूमेंट एंटिटी ने बेच दिया क्योंकि पैसे की जरूरत आ गई यार, कोविड आ गया। बचे हुए चार पे आपने डाउट करना चाहिए क्या? बचे हुए चार का क्लासिफिकेशन ACM नहीं करे क्या? एंटिटी के इंटेंशन पे डाउट करना चाहिए क्या कि नहीं एंटिटी तो इंस्ट्रूमेंट बेच देती है? क्या एंटिटी के इंटेंशन पे डाउट करना चाहिए क्या? यस और नो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए शेयर क्यों नहीं आएगा? अरे प्रथमेश जी मैंने यहां बॉन्ड्स लिखा ना ऊपर, बॉन्ड शेयर्स के लिए अलग चार्ट बनाऊंगा ना, इसीलिए पहले बोला था ना वो तो। FVOCI अकाउंटिंग इन बोथ केसेस, 1 ईयर में मेजरमेंट ऑफ एसेट इन मार्केट एंड टू ऑन एक्चुअल सेल ऑफ ओल्ड एसेट एंड शिफ्टेड टू न्यू एसेट। हाँ नहीं, अनंत जी आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। देखो एक तो मार्केट बेस्ड मेजरमेंट हो रहा है FVOCI, और दूसरा आपने कुछ तो भी लिखा एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल क्या हुआ? इस इंस्ट्रूमेंट को भी मैं एक्चुअली सेल करूंगा, अगर मैं इसको एक्चुअल सेल करके री इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप FVOCI की बात ही क्यों किए यहां पे? यानी आपका पहले से इंटेंशन बेच के बेटर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना था ना, आप पहले दिन इंटेंशन देख रहे हो, जब बेच रहे हो तब इंटेंशन नहीं देखा जा रहा है, पहले दिन इंटेंशन देख रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कई लोगों ने बोला नहीं, ठीक है नहीं क्लास टाइमिंग माई स्टडी जी, क्लास का टाइमिंग सुबह 7 से 9:30, ठीक है हाँ, तो आप में से कई लोगों ने बोला नहीं, जयशंकर जी ने बोला है हाँ, नहीं आपका इंटेंट थोड़ी चेंज हो गया, अरे बिजनेस को जरूरत पड़ेगी तो बेचूंगा नहीं क्या, वो तो ऑब्वियस ही बात है। पर अगर पास्ट रिकॉर्ड्स में ये कई बार होते हुए दिख रहा है, पास्ट में ये चीज कई बार होते हुए दिख रही है, यानी पास्ट रिकॉर्ड बोल रहा है कि आपका मिसमैनेजमेंट है, बार बार लिक्विडिटी क्रंच आता रहता है और आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बेचते रहते हो, मतलब अपना इंटेंशन का आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का, इंटेंशन है ही नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का। आप समझो जैसे ही आया लिक्विडिटी क्रंच फट से बेच दिया, पास रिकॉर्ड में बहुत बार हुआ है, एक आध बार होता है तो समझ में आता है ACM ही रखेंगे, जबरदस्ती इंटेंशन चेंज मत करो, ये होता है यार बिजनेस में नॉर्मल है, पर पास्ट में ऐसा दिख रहा है ये कई बार हुआ है, मतलब एंटिटी को बार बार लिक्विडिटी क्रंच आता रहता है, मतलब एंटिटी मिसमैनेजमेंट पे है एक तो, दूसरा एंटिटी का इंटेंशन कभी है ही नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का, जब लिक्विडिटी क्रंच आएगा बेच देंगे। तो भैया फिर तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट करो, फेयर वैल्यू बताओ शेयर होल्डर्स को, क्यों ऐसे केस में आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच कभी भी आ सकता है, तो इंस्ट्रूमेंट तो नुकसान में भी बिक सकता है, तो फिर आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन क्या होता है ये शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, इसीलिए। तो दो अलग अलग इंटेंशन है, दोनों इंटेंशन पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है कि एक तो ये इंस्ट्रूमेंट को बेच दिया, क्या बाकियों का रिक्लासिफिकेशन होना चाहिए, दो पास रिकॉर्ड में दिख रहा है कई बार बेचा गया है तो ACM अकाउंटिंग होना चाहिए क्या? बताइए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? नो बिकॉज वर्स्ट केस, करेक्ट दीपक जी, वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, गोइंग कंसर्न अफेक्टेड। अरे गोइंग कंसर्न अफेक्टेड पे चले गए आनंद जी, नहीं ना गोइंग कंसर्न अफेक्टेड नहीं, इतना एक्सट्रीम नहीं सोचना, गोइंग कंसर्न अफेक्टेड, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया तो कुछ ACM नहीं होता, सब कुछ फेयर वैल्यू होता है। चलो हाँ, पास रिकॉर्ड प्लस इंटेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, करेक्ट वैभव जी। तो अब अपन, मैं स्टार्टिंग में जब आप लोगों को बोला था ACM में, तो मैंने आपको क्या कहा था, आप ब्लाइंडली फेथ नहीं करेंगे, आप पास रिकॉर्ड्स देखेंगे, बस यही बातें हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। चलो यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर है, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्स्ट केस सिनेरियोस की बात करते हैं। कभी कभी अगर मैंने जहां इन्वेस्ट किया है उस एंटिटी का क्रेडिट रेटिंग गिर गया, क्रेडिट रेटिंग गिर गया, जैसे सपोज कीजिए कि सुमित सारडा को आपने पैसे देके रखे हैं 10 करोड़ रुपए, अरे बढ़िया आदमी है, बोले पैसे देते हैं टाइम वाइम पे, पैसे लौटा देता है, फिर आपको पता चला कि सुमित सारडा के बिजनेस की तो हालत खराब है, बिजनेस बिजनेस कुछ चल नहीं रहा, आजकल कोई इंडेस विंडेस इंप्लीमेंट नहीं करता, मतलब सुमित सारडा की क्रेडिट रेटिंग गिर गई, या जाने तो इंडेस इंप्लीमेंट नहीं करता, आपको पता चला बैंक में कुछ रिपेमेंट्स में डिफॉल्ट किया, क्या होगा, डर जाओगे ना, तो एक रिस्क एपेटाइट होता है, पैसे वापस मंगा लोगे, ऑब्वियस ही बात है कोई भी पैसे वापस मंगा लेगा। तो जहां क्रेडिट रेटिंग गिर गई और उसके कारण आपने इंस्ट्रूमेंट बेचा, तो क्या मैंने बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स को रिक्लासिफाई कर देना चाहिए कि यहां एंटिटी का इंटेंशन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का नहीं है, क्या मैंने डाउट करना चाहिए? जस्ट बिकॉज मैंने एक इंस्ट्रूमेंट क्यों बेचा, क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई थी तो मैंने बेच दिया, तो क्या मैंने डाउट करना चाहिए सामने वाले के इंटेंशन के ऊपर, बताइए यस और नो। तो आप लोग जो वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहे हैं, मले जी वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब क्या? अरे यार मेरे को पैसे की जरूरत थी, मेरे को बेचना पड़ा, क्रेडिट रेटिंग गिर गई, वर्स्ट केस सिनेरियो, इनको वर्स्ट केस सिनेरियोस बोलते हैं, ठीक है।
चलो, वर्स्ट केस सिनेरियो इज नॉट एनी वर्ड दैट इज यूज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में वर्स्ट केस सिनेरियो कोई वर्ड नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये वर्ड. ठीक है, हाँ इंसेप्शन पे डिसाइड होगा आकाश जी, यही तो बात है, इंसेप्शन पे ही तो डिसाइड करना है, वही तो कहानी चल रही है. क्लियर, इट मीन्स दैट इन पास्ट ट्रेंड एज पर इन, हाँ पास्ट ट्रेंड देखेंगे जयशंकर जी, करेक्ट, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस. एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि बिजनेस को जरूरत थी पैसे की, सडनली बेचना पड़ा, एसीएम रहने दो, क्रेडिट रेटिंग गिर गई, हाँ एसीएम रहने दो. एक और एक एक्सेप्शन है, पर वो एक्सेप्शन आपके काम का नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है. सामने वाले ने इंस्ट्रूमेंट में कॉल ऑप्शन डाल के रखा है कि अगर क्रेडिट रेटिंग गिर गई तो कॉल ऑप्शन एक्साइज हो जाएगा, एक कॉल ऑप्शन डाल के रखा है सामने वाले ने, डाल के रखा है कि अगर क्रेडिट रेटिंग गिर गई तो कॉल ऑप्शन एक्साइज हो जाएगा. वो इंस्टीट्यूट आपको पूछेगा नहीं, इसलिए उस एक्सेप्शन के ऊपर ध्यान मत दीजिए, उस पर हम अभी टाइम खराब करेंगे नहीं. तो यहाँ तक सब लोगों को समझ गया, एक अकाउंट मेथड के चक्कर में लॉस थोड़ी खाना है. सर तो बाद में क्लासिफिकेशन चेंज हो सकता है, हाँ रिक्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना वैभव जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, रिक्लासिफिकेशन आपके चैप्टर का पार्ट है. तीसरा, यहां पे भी नहीं आ रहा है, तो इंटेंशन क्या है, ट्रेडिंग यानी मुनाफाखोरी करना चाहते हैं आप इंस्ट्रूमेंट से, फायदा दिखेगा तो बेच दूंगा, नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान दिख रहा है बेच दूंगा, फायदा मतलब री इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहा मैं कहीं और फायदा नुकसान नहीं देख रहा, मेरे ही इंस्ट्रूमेंट में फायदा नुकसान देख रहा हूं, पहले मैं मुझे कहीं और फायदा नुकसान दिखता है, रीइन्वेस्टमेंट एफईओसी है, मुझे मेरे ही इंस्ट्रूमेंट में फायदा नुकसान दिख रहा है, ज्यादा फायदा हुआ बेच दूंगा. ऐसा कब हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक वेदांता का, मैंने खुद ने ये ट्रेडिंग की थी इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. वैसे केसेस की अकाउंटिंग को ट्रेडिंग बोलते हैं, वेदांता के 8% वाले, वेदांता नहीं सॉरी, वोडाफोन, वोडाफोन इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक के वोडाफोन वाले कुछ डिबेंचर्स थे उस समय, बीच में कोविड के समय बहुत खतरनाक सीनेरियो हुआ था, 8% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर्स थे इंडसइंड बैंक के, 8%, ठीक है, बॉन्ड्स थे, डिबेंचर्स नहीं बॉन्ड्स थे, मार्केट में 18.5% IRR तक जा चुके थे वो, मतलब इतना डिस्काउंट पे सेल हो रहे थे कि आपको IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18.5% मिल रहा था. सीधी बात है, कोविड के समय हुआ, लोग डर गए थे, वोडाफोन की हालत भी खराब थी, वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस वगैरह चल रहे थे, लोगों को लगा यार पैसे डूबेंगे, गवर्नमेंट ने भी इंडसइंड बैंक से सब जगहों से पैसे निकाल दिए थे, तो लोगों को लगा नहीं यार इंडसइंड बैंक की हालत खराब है, शेयर का प्राइस भी बहुत तेजी से गिरा था, तो लोगों ने, लोग डिस्काउंट पे भी बॉन्ड सेल कर रहे हैं और सिक्योर्ड आइटम है, डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं लोग, मैंने खरीद लिया 18.5% जबरदस्त डिस्काउंट है, एक साल के बाद करीब करीब वापस से वो 9-10% तक के आ गया था, यानी डिस्काउंट पे सेल हो रहा था पर वो 18.5% का IRR 9-10% पे आ गया था, फायदा समझ गया, मैंने बेच दिया, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग. मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग समझा रहा हूँ, ठीक है, जहां मेरा इंटेंशन खुद ट्रेड करने का है, मुनाफाखोरी करने का है, वहां पे अकाउंटिंग होगी फेयर वैल्यू थ्रू PNL, क्योंकि मैंने पहले ही शेयर होल्डर को बोला अरे मुनाफे के लिए कर रहे हैं अपन, मुनाफे नुकसान के लिए कर रहे हैं, तो भले ही मैं उसको बेचूं या नहीं बेचूं उसके फेयर वैल्यू चेंजेस हमेशा PL में जाएंगे, OCI को हिट नहीं करेंगे, ठीक है, बताइए यहां तक के क्लियर है. हाँ अनंत जी आप एक्सेप्शन की बात कर रहे थे, एक्सेप्शन एक क्रेडिट इंपेयर्ड, उसके लिए बेच रहा हूं चलेगा, दूसरा लिक्विडिटी इशू इन बिजनेस, ठीक है, पर ये अगर रिकरिंग है तो फिर नहीं चलेगा, ये एक्सेप्शन अगर रिकरिंग है तो नहीं चलेगा, ये रिकरिंग है तो नहीं चलेगा, ठीक है, चलो ध्यान रखो, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण जीवन है ACM, मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में फायदा नुकसान देखने की कोशिश करता रहता हूँ FVOCI, मैं इसी इंस्ट्रूमेंट में फायदा नुकसान देखने की कोशिश करता रहता हूँ FVTPL, ठीक है, अकाउंटिंग क्लियर है, शांतिपूर्ण जीवन सिर्फ कैश फ्लो कलेक्ट करना है ACM, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में फायदा नुकसान देखते रहता हूँ FVOCI, अपने इंस्ट्रूमेंट में फायदा नुकसान देखते रहता हूं FVTPL, ठीक है, बताइए यहां तक के क्लियर है. अरुणा जी अभी आप मेरे से एडवाइस ले रहे हो, इंडसइंड बैंक को उठा, अच्छा है ना, सब बढ़िया है, लिल कर सकते हैं. चल यहां तक के क्लियर है ना पूरा का पूरा, आगे बढ़ते हैं. क्या मैं ACM वाला इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ACM है पर मैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा, मेरा इंटेंशन है मैच्योरिटी तक होल्ड करने का, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल है, डेट फिक्स है, पर मेरी इच्छा है मैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, मैनेजमेंट का सवाल है,
हाँ, आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मुझे एफ ई ओ सी आई अकाउंटिंग करना है इंस्ट्रूमेंट की। ये स्टैंडर्ड का बेस ही यही है, फेयर वैल्यू। ठीक है, तो फेयर वैल्यू के ऊपर आप लोग कभी भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, मना ही नहीं है स्टैंडर्ड में, कभी फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग करने के लिए मना ही नहीं है। तो अगर आप एफ ई ओ सी आई इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करना चाहते हैं, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि मुझे एफ ई ओ सी आई अकाउंटिंग करना है, कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, करो बिंदास। क्लियर? चलिए, ट्रीट फॉर प्रॉफिट। अरे जयशंकर जी, मेरे जीवन का दर्द आपको बता दूंगा ना, तो फिर उसके बाद में तो आप रो पड़ोगे, आप मुझे उल्टा डोनेट करोगे। फीस तो लिया सर, ऊपर से और डोनेशन भी लेके जाओ मेरी तरफ से। खैर जाने दीजिए, यहां तक ये समझ में आया क्या मेरे को, पहले ये बताओ। हाँ यहां तक क्लियर है क्या? फटाफट सब लोग आंसर कीजिए, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मुझे इक्विटी पे जाना है, अभी हम लोग बॉन्ड्स पे, अब हम लोग इक्विटी पे जाएंगे। चलो, इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं की कर सकते, जिस जिसने फीस दिया उसे रिफंड, नालायक बच्चे। एक्सेप्शन एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए विजय जी, एक्सेप्शन क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट इंपेयर हो चुका है, मतलब सामने वाले की क्रेडिट रेटिंग गिर गई, जहां इन्वेस्ट किया था ना उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई। ऑब्वियस सी बात है, मैं बेच दूंगा, तो मैं बेच दूंगा, इसलिए बाकी के जो बचे हुए मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं उनको रिक्लासीफाई नहीं करेंगे एसीएम से। एक्सेप्शन एसीएम को है, एक्सेप्शन एसीएम को है। ठीक है, मेरे बिजनेस में मुझे पैसे की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इंस्ट्रूमेंट बेचूंगा, इसके लिए बाकी के इंस्ट्रूमेंट रिक्लासीफाई नहीं किए जाएंगे। पर हाँ, ये जो सेकंड वाला, ये बार बार हो रहा है रिपीटेड बेसिस पे, तो पास रिकॉर्ड बताता है आप कभी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करते ही नहीं हो, तो फिर आप एसीएम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। सेकेंड वाला कभी कभी होता है तो ठीक है, बार बार हो रहा है तो नहीं चलेगा। पहला तो क्रेडिट रेटिंग है, सामने वाले की क्रेडिट रेटिंग गिर गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे अब इक्विटी वाला इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मेच्योरिटी डेट फिक्स्ड, काहे की फिक्स्ड, इक्विटी शेयर की कोई मेच्योरिटी डेट ही नहीं होती है, तो इक्विटी शेयर एसीएम अकाउंट हो ही नहीं सकता। इक्विटी शेयर एसीएम अकाउंट हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला बिजनेस मॉडल आपका हो ही नहीं सकता, टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, टू होल्ड एंड कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, वो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप सेल फॉर रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला बिजनेस मॉडल हो सकता है, वो वाला बिजनेस मॉडल हो सकता है, तो आप इसकी अकाउंटिंग एफ वी ओ सी आई करते हैं। अब इसके लिए वो बिजनेस मॉडल में किस तरह से बोलता है ये नहीं लिखा है वहां पे, वहां क्या लिखा है, ट्रेडिंग करना चाहते हो क्या? ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एफ ई टी पी एल, अदरवाइज एफ ई ओ सी आई। ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एफ ई टी पी एल, अदरवाइज एफ ई ओ सी आई। समझ गए? यानी ऐसा नहीं लिखा है। इक्विटी के लिए क्या लिखा गया है, ट्रेडिंग करना चाहते हो क्या? हाँ, एफ ई टी पी एल, ना एफ ई ओ सी आई। ठीक है, चलो। हाँ, बिजनेस मॉडल में हमेशा बिजनेस मॉडल एंड नहीं होता है, बिजनेस मॉडल ही इंटेंशन होता है प्रथमेश जी, बिजनेस मॉडल ही इंटेंशन होता है। आपको हमेशा इंटेंशन चेक करना है, क्या इंटेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का है एसीएम, क्या इंटेंशन रीइन्वेस्ट करने का है एफ ई ओ सी आई, क्या इंटेंशन ट्रेडिंग करने का है एफ ई टी पी एल। समझ गए? क्या इंटेंशन ट्रेडिंग करने का है एफ ई टी पी एल, नहीं है एफ ई ओ सी आई। यहां आपको एक इरिवोकेबल ऑप्शन दिया गया है, क्या आप इसकी अकाउंटिंग एफ ई ओ सी आई करना चाहते हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर क्या आप इसकी अकाउंटिंग एफ ई ओ सी आई करना चाहते हैं? ये ऑप्शन आपके पास इरिवोकेबल अवेलेबल है, आप चाहें तो एफ ई ओ सी आई कर सकते हैं। मतलब ये लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हमको जबरदस्ती पी एल के ऊपर इंपैक्ट नहीं चाहिए, इट कुड बी एन हार्डशिप, क्योंकि शेयर्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं पर बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग नहीं करते कि उसके फेयर वैल्यू डिफरेंसेस पीएल में चले जाए, तो हम इस ऑप्शन को एक्साइज करना चाहते हैं। मतलब मैनेजमेंट के पास ऑप्शन होता है कि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और आप एक इरिवोकेबल ऑप्शन लेना चाहते हैं कि मैं एफईओसी अकाउंटिंग करना चाहता हूं, आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, यहां तक के क्लियर? फेयर वैल्यू हाउ, क्यों जयशंकर जी, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में? फेयर वैल्यू डिफरेंस ओसीआई में जाएगा बस। अरे मैं ट्रेड नहीं करना चाहता ना, बहुत लोग होते हैं ना, आपके ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, मेरा एक क्लाइंट था जब रिलायंस के शेयर 10-10 रुपए के थे तब के खरीदे हुए हैं, आज 2-2 हज़ार रुपए के हो गए, बेचना नहीं चाहते वो, तो उनका फेयर वैल्यू डिफरेंस पीएल में काहे डाल रहे हो ना, क्यों उन लोगों को परेशान करना, उसी है। ठीक है, उसी है, बस ये मतलब है और क्या। फाइनेंशियल लायबिलिटी पे ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल लायबिलिटीज के अंदर क्या होता है, मैंने लोन दिया, इस लोन को मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा। ठीक है, डेट,
फिक्स्ड है, यानी ये मैच्योरिटी फिक्स्ड यहाँ पे, ठीक है, मैच्योरिटी फिक्स्ड है, प्रिंसिपल का अमाउंट नोन है, प्रिंसिपल का अमाउंट नोन है, एक मिनट कुछ और था, सॉरी सर, इन केस ऑफ बॉन्ड री इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में कंफ्यूज हो रहा है। हाँ एक मिनट, देखिए अनंत जी मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको, देखो मैं सोचता हूँ सीए अपन बन गए, सीए बनने के बाद में अपने को दिखा, ए सीए कर रहे हैं अपन उसी दौरान अपने को दिखा, अरे यार अपने बहुत सारे दोस्त सीएस कर रहे हैं, बड़ा फायदा है यार सीए सीएस कॉम्बिनेशन को, 18-19 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, मिलता विलता कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, सीए सीएस अपने को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चलो अपन सीएस भी करेंगे, समझ रहे हैं, मुझे कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ, मैं शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एफ ई ओ सी आई, यानी जब तक के वो अपॉर्चुनिटी को मैं एनकैश नहीं कर लेता तब तक फेयर वैल्यू डिफरेंसेस ओसीआई में जाना चाहिए, जिस दिन एनकैश कर लेंगे उस दिन फेयर वैल्यू डिफरेंस को पीएल में डाल देंगे, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये मैं बेसिकली आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ एफईओसीआई का, कि जब तक उस अपॉर्चुनिटी को मैं पकड़ नहीं लेता तब तक सारे फेयर वैल्यू डिफरेंसेज ओसीआई, क्योंकि वो फेयर वैल्यू डिफरेंस मैंने अर्न किया है पर रियलाइज नहीं किया, पर जैसे ही मैं उसे पकड़ लेता हूँ तो फेयर वैल्यू डिफरेंस पीएल में चले जाना चाहिए, ये ओसीआई का मतलब होता है, ठीक है। और अगर मैं खुद ही अपने इसमें फायदा नुकसान देख रहा हूँ, कह रहे बोले यार ये सीए लोगों की आजकल कोई वैल्यू नहीं है यार, बीकॉम के जैसा हो गया है, बुरा नहीं मानना ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी, यानी मैं खुद के इसमें फायदा या नुकसान देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दिस इज एफईटीपीएल, समझ रहे हैं, कि मेरे को मेरे ही इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैंने जो शेयर खरीद के रखा है रिलायंस का शेयर 2000 रुपये 2200 रुपये हो गया, बेचो 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 बेचो, 1800 रुपये हो गया, अरे नुकसान हो गया, यानी जहां मैं खुद ही अपने इसमें फेयर वैल्यू डिफरेंसेस देख रहा हूँ और फायदा नुकसान खुद ही के इंस्ट्रूमेंट में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे एफईटीपीएल अकाउंटिंग होना चाहिए, क्लियर। चलिए रिक्लासिफिकेशन की बातें अभी मत कीजिए हर्षित जी, रिक्लासिफिकेशन अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देखा जाता है, जहाँ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वहां पे उसी है, करेक्ट सर, आई डोंट ऑडिट एनी लिस्टेड कंपनी सो नो इंडिया, अरे इंडिया से अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जयशंकर जी, नॉर्मल अपने कोई ना कोई एक क्लाइंट होता है ना, जो मतलब ऐसे तो कोई ना कोई बंदा अपने को मिलता ही है जिसने किसी तो भी जमाने में शेयर्स खरीदे थे, तब 10 रुपये के थे, अभी उसके बाद भयानक हो गए, आईटीसी, आईटीसी के शेयर्स कितने लोगों ने 10-10 रुपए में खरीदे एक जमाने में, अरे आज क्या भाव चल रहा है गजब, अरे वो शेयर स्प्लिट हो के 200-200 रुपए हो गया, मतलब आपके पास किसी जमाने में एक शेयर था वो 10 शेयर में स्प्लिट हो गया और उसका एक एक शेयर 200-200 रुपए का है, सोचिए देखो मैं वो बता रहा हूँ आपको, यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, वॉट इफ ऑप्ट ऑप्शन फॉर एफईओसी है इन केस ऑफ एफईटीपीएल एंड अगेन वी वॉन्ट टू रिक्लासीफाई, मैंने क्या कहा अभी जी, इरिवोकेबल ऑप्शन तो आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है अभी जी, ठीक है, इरिवोकेबल ऑप्शन है नहीं कर सकते आप वो, ठीक है, पहले तो मैं ये कंसेप्ट भी नहीं पढ़ाता था, इंस्टीट्यूट ने जब वो क्वेश्चन बताया तब से फिर मैंने इरिवोकेबल ऑप्शन बताना शुरू किया स्टूडेंट्स को, कि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, चलो यहाँ प्रिंसिपल नोन है, इंटरेस्ट है मतलब मुझे ही इंटरेस्ट देना है, मुझे ही प्रिंसिपल देना है, सब कुछ मुझे ही देना है, मैं लाइबिलिटी साइड पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ सब लोग, लाइबिलिटी साइड पे अपन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल है, जहाँ ये सारी की सारी बातें हैं वहां पे अकाउंटिंग एसीएम, फाइनेंशियल लाइबिलिटी जहां पे सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट देखो, कोई इंटेंशन नहीं कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट देखो, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एसीएम अकाउंटिंग, अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो एफवीटीपीएल, सिंपल, देयर इज नो ओसीआई कॉन्सेप्ट, लाइबिलिटीज में सब एक्चुअल होता है, लाइबिलिटीज में अर्नड और रियलाइज में कोई फर्क नहीं होता, लाइबिलिटी लाइबिलिटी होती है, पे करना है मतलब करना है, ठीक है, यानी यहां तो पूरा का पूरा ऑनर करोगे एसीएम, पूरा ऑनर नहीं करोगे बीच में ही फॉरक्लोज कर दोगे एफईटीपीएल, सिंपल है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कोई टेंशन नहीं रहता, एंड तक चलेगा एसीएम, एंड तक नहीं चलेगा एफईटीपीएल, चाइनीज प्रोडक्ट है एफईटीपीएल, ठीक है ना, समझ गए, एंड तक के नहीं रखने वाले हैं अपन, पहले ही प्री क्लोज कर देंगे एफईटीपीएल, बताओ समझ में आया क्या, बताओ बताओ, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है, इसके क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिंपली आइडेंटिफाई हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ मैं, तब तक के आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ इससे रिलेटेड, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, एंटिटी होल्ड्स इन्वेस्टमेंट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, एंटिटी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के ऊपर, फंडिंग नीड्स टू बी आर प्रेडिक्टेबल, एंटिटी को कब कब पैसे की जरूरत होती है वो प्रेडिक्टेबल है, मेच्योरिटी की डेट्स उन लोगों को पता है, पास्ट एक्सपीरियंस क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग क्रेडिट लॉसेज, तो आप क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट्स के क्रेडिट रिस्क के ऊपर ध्यान देते हैं टू मिनिमाइज क्रेडिट लॉस, कि बाय चांस कहीं क्रेडिट इंपेयरमेंट हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट को बेच देंगे, इन पास्ट
अब पास्ट का डेटा दिया है आपको, सेल हुआ है, इंक्रीज सच एसेट नो लॉन्गर मीट द क्रेडिट क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन एंटिटीज डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यानी आपकी पॉलिसी के हिसाब से जो क्रेडिट इंपेयर हो चुके हैं ना, आपका एक लेवल होता है ना कि लेट से मैं ट्रिपल ए क्रेडिट रेटेड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करूंगा, यानी जिसका रेटिंग ट्रिपल ए के नीचे चला गया हम उसको बेच देते हैं। पास्ट रिकॉर्ड्स बता रहा है कि जिसका भी क्रेडिट रेटिंग गिरा हमने उसको बेच दिया। इसके अलावा कभी कभी इनफ्रीक्वेंट सेल्स होते हैं फॉर अनएंटिसिपेटेड फंडिंग नीड्स, कभी कभी एकदम सडनली पैसे की जरूरत पड़ गई इसीलिए इनफ्रीक्वेंटली कभी कभी हम बेच देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। आपका इंटेंशन क्या है? एसीएम अकाउंटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एसीएम अकाउंटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फटाफट बताइए। चलिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखा दो, नोट करना है। चलिए हर्षित जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल कहानी है, आपने जो फाइनेंशियल एसेट से चार्ट बना के रखा है वही वाला चार्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वाला ही चार्ट है। चलो ये वाला फटाफट बताओ, क्या लगता है आप लोगों को, एसीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वाले इंस्ट्रूमेंट्स में हमने इन्वेस्ट करके रखा है, क्रेडिट रेटिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्रेडिट रेटिंग हमारा एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसके नीचे गिर गया तो इंस्ट्रूमेंट को बेच देते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी हमने इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा है जब भी हमको पैसे की जरूरत पड़ती है। एसीएम अकाउंटिंग होगी या नहीं होगी? अरुणा जी ने बोला है एसीएम, बाकी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं एसीएम? क्या बात, शाबाश शाबाश, एसीएम अकाउंटिंग होगी। ठीक है चलो देखो, एंटिटी का बिजनेस मॉडल है टू परचेज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में और मे नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल एसेट्स डेटा क्रेडिट इंपेयर्ड। इसमें कभी क्रेडिट इंपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है चलो, तो आप में से कई लोगों ने बोला है रिकरिंग लिक्विडिटी, नहीं नहीं रिकरिंग नहीं है अनंत जी, रिकरिंग नहीं है, इनफ्रीक्वेंट लिखा था, इनफ्रीक्वेंट लिखा था। ठीक है, पेमेंट ऑन लोन इज नॉट मेड ऑन टाइमली बेसिस, अगर पेमेंट टाइमली बेसिस पे नहीं हुआ, ठीक है ना, हमने इन्वेस्ट करके रखा है, इसमें कुछ क्रेडिट इंपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, अगर पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो हम रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को फोन करेंगे, लीगल नोटिस देंगे, जो भी होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। ठीक है, तो ये भी एसीएम अकाउंट होगा, इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है, ये आप लोगों को समझ गया होगा, ये भी एसीएम अकाउंट होगा। उसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन है, एंटिटी बी सेल्स गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, डेटर्स है वो अपने, अपन 60 डेज का क्रेडिट देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो उसके अकॉर्डिंगली कलेक्ट होगा। डेटर्स की बात हो रही है, डेटर्स एसीएम अकाउंट होंगे या नहीं होंगे? डेटर्स एसीएम अकाउंट होंगे या नहीं होंगे? नहीं विजय जी, एज सच कोई स्पेशल केस है नहीं फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब देख लेंगे हम लोग। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आपको स्पेशल ध्यान देने के लिए कुछ नहीं है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की सिर्फ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनेंशियल लाइबिलिटी के। ठीक है हाँ, डेटर्स को एसीएम अकाउंट करेंगे या नहीं करेंगे फटाफट बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां मेरे को लगेगा कि जरूरी है वहां वहां कराते रहूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अब एक सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल का क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो डेटर्स आर अकाउंटेड एज पर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, अभी जी ने बोला है नो, अरे करेंगे ना क्यों नहीं, 60 डेज दिया अपन ने उनको, 60 डेज में पेमेंट मिल जाएगा, हमको पता है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, क्या प्रॉब्लम है ना। ठीक है बोलो बोलो। चलो, एंटिटी हैज अ बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिजिनेटिंग लोन, ओरिजिनेटिंग लोन्स यानी हम लोन देते हैं, हम लोन देते हैं, बैंक है हम, बैंक है, और बाद में सब्सिक्वेंटली हम उसे सेल कर देते हैं टू अ सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल, एसपीवी। बैंक पहले लोन जेनरेट करती है और फिर एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच देते हैं। प्रथमेश जी, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक कब कवर होगा? कल कवर होगा प्रथमेश जी, कल कवर होगा। ठीक है, सी सी एफ इन डेटर्स, देर इज नो सी सी एफ, अरे क्या अनंत जी कैसे बोल सकते हो नो सी सी एफ, 60 दिन के अंदर पेमेंट देना है, पता है अपने को, अपने पास रिकॉर्ड्स अपने को ये भी बताते हैं। देखो आप में से कई लोग बोलेंगे सर 60 दिन में कभी भी पैसे दे सकता है, वो ऐसा नहीं होता, आप अपने पास रिकॉर्ड देखिए, हर धंधे वाला हर बिजनेसमैन को ये पता होता है कि उसका डेटर उसको कब पैसे देता है, कुछ लोग इमीडिएट दे देते हैं, कुछ लोग 30 दिन में, कुछ लोग 15 दिन में, कुछ लोग 2 महीने में, नहीं तो आप क्रेडिट देते नहीं हो, आपको पता होता है कौन सा कस्टमर कब पैसे देता है इसीलिए तो क्रेडिट देते हो। कुछ कस्टमर्स पूरे 60 दिन यूज़ करते हैं, अपने को पता होता है कि 60 दिन बाद ही पैसा आने वाला है, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आपको नहीं पता कि डेटर कब पैसे देगा, अगर आप ये बोल रहे होगी तो आप क्रेडिट ही नहीं दोगे। ठीक है ना, ये सवाल मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, अरे डेटर का अपने को पता होता है डेटर कब पैसे देता है। ठीक है चलो, तो सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को बेच देते हैं, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल इंस्ट्रूमेंट देता है इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर्स सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को, उसके बदले में पैसे देते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बैंक ने कैसे अकाउंट करना चाहिए, क्या एसीएम का अकाउंट करना चाहिए? बैंक क्या करता है, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को
अपने शेयर्स, ये जो भी लोन बांटा वो पूरे सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को बेच देता है और पैसे ले लेता है। यहाँ लोन दिया सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को बेच दिया, फिर लोन दिया सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को बेच दिया। तो ये जो लोन्स दे रहा है बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस है बैंक के लिए एसेट है, तो बैंक इसकी अकाउंटिंग ACM करेगा या नहीं करेगा, यस और नो बताइए, बोलो बोलो। आज मुझे लगा था कि मैं इम्पेयरमेंट तक के चले जाऊंगा, अभी तक के मैं सिर्फ थियरी के ऊपर ही हूं। तो अपने को एक्स्ट्रा क्लास लगने वाली है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तैयारी रखो, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। कल लूंगा मैं एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, चलो। हाँ, नो, सोली कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है, ACM होना चाहिए, अभिषेक जी का कहना है, आदर जी का कहना है होना चाहिए ACM। आप में से कई लोग बोल रहे हैं ACM, अरे क्यों ACM, काय का ACM, ACM है ही नहीं, क्यों ACM, बोलो। बैंक का इंटेंशन है क्या मैच्योरिटी तक के कैश फ्लो कलेक्ट करने का, है क्या बैंक का इंटेंशन? बैंक ने तो यहां लोन दिया वहां बेच दिया SPV को, यानी कि आप तो सीधा लेके बेच दे रहे हो, आप होल्ड ही नहीं कर रहे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने के लिए होल्ड कहां कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट को, आप लोग ACM बोल रहे हो, सोच के तो देखो ना ACM में क्या था, कैश फ्लो कलेक्ट करना है, यहां तो बेच दे रहे हो, यहां तो यहां लोन बांटा वहां बेच दिया, समझ रहे हो, नहीं है इंटेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का, ठीक है। यू हैव टू थिंक इन आर लेवल, हाँ मतलब सर जितनी मर्जी क्लास ले लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से करा दो। अरे हर्षित जी, मेरा भी टारगेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा फोकस करने का है ही, क्योंकि मुझे पता है ये सारे चैप्टर से लिंक्ड है, फिर आगे के चैप्टर्स में दिक्कत आएगी, इसलिए ये वाला चैप्टर तो अपने को स्ट्रांगली करना ही है। बैंक के लिए ACM, अरे पर क्यों ACM, आप लोग ACM बोल क्यों रहे हो? देखो ACM में क्या होता है, इंटेंशन होता है कैश फ्लो कलेक्ट करने का, यहाँ आप कौन सा कैश फ्लो कलेक्ट कर रहे हो? यहाँ आपका इंटेंशन सामने वाले का इंटरेस्ट कलेक्ट करने का है नहीं, उसका प्रिंसिपल कलेक्ट करने का है नहीं, यहाँ अपन ने लोन बांटा वहाँ अपन ने SPV को बेच दिया, तो आप लोग बोल क्यों रहे हो कि ACM, समझ रहे हो, ACM नहीं होता, ठीक है, बोलो बोलो विजय जी। हाँ अरे ले, आज ले लीजिए एक्स्ट्रा क्लास, आज एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए नहीं ले सकता क्योंकि आज मेरी 6 बजे की क्लास डिक्लेयर्ड है, वो 6 बजे की क्लास में मैं उन लोगों को बोल दूंगा कि कल से उन लोगों की क्लास 5 से 6 रहेगी, तो फिर आप लोगों की क्लास 6 बजे से रख लूंगा। हाँ आप लोगों को अगर आफ्टरनून क्लास चलती है तो मुझे बता दीजिएगा, तो आफ्टरनून क्लास अगर चलती है तो आफ्टरनून तो अपन खाली है, अपन वापस से आफ्टरनून को 3 घंटे की क्लास ले लेंगे। ये सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल इट इज ACM, ना 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 ना, अरे सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ दीपक जी, बैंक की बात कीजिए, ये क्वेश्चन समझा दो। देखो अर्षित जी क्या हुआ, मैं बैंक, आप सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल, मैंने लोन बांटा, अब मैं बोला अब मैं लोन का क्या करूँ, मुझे और पैसे चाहिए और लोन बांटने के लिए, तो मैंने लोन आपको बेच दिया, फैक्टरिंग याद आ रहा है, फैक्टरिंग पढ़े थे, फैक्टरिंग मैंने आपको लोन बेच दिया, आपने मेरे को पैसे दे दिए लोन के, फिर मैंने और लोन बांटा फिर आपको बेच दिया, आपने मेरे को पैसे दे दिए, फिर और लोन बांटा फिर मैंने आपको बेच दिया, मैं उस लोन का कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट कहाँ कर रहा हूँ, मैं उस लोन का कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही कलेक्ट नहीं कर रहा, समझ रहे हैं, FVTPL यानी ACM नहीं है, अब FVTPL या FVOCI है वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज सच हम ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे, देखा जाए तो ट्रेडिंग नहीं है ये, तो आप FVTPL करें या FVOCI करें मैटर नहीं करेगा उतना। चलो ठीक है, अच्छा अरे टाइमिंग की बात बाद में करेंगे, अभी मेरे को पढ़ाने दो थोड़ा सा, अभी 15 मिनट और है मेरे पास, पहले 15 मिनट पढ़ा देने दो, क्लास खत्म होने के बाद ये सारे के सारे सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों को टाइमिंग वाइमिंग के, ठीक है। SPV के लिए तो ACM अकाउंटिंग है, SPV तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करेगा, SPV का नहीं पूछा था मैंने, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग ACM नहीं होगी, ये समझ गया सब लोगों को। हाँ आप FVTPL भी बोल सकते हैं, आप FVOCI भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये है ना ये पूरा का पूरा आंसर, आंसर किस पॉइंट से दिया है एक्चुअली, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के है, इन्होंने बोला कि ये FVOCI नहीं है, बस उन्होंने यही बोला है, ओनली थ्रू सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल, अगर आप बोल रहे हो सर यहां का आंसर पढ़ो, वो कंसोलिडेशन का है, उस पर आ रहा हूं, वहां तक के मैं अभी आया ही नहीं हूं, अभी उस पर तो आने दो। अब देखो SPV कौन गवर्न करता है, SPV जनरली जो बैंक रहती है ना वही उसे कंट्रोल करती है, जनरली यही रूल रहता है कि जिस बैंक ने जिस SPV को बेचा वही SPV को कंट्रोल भी बैंक ही करती है, यानी SPV कंसोलिडेट होगी, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, सेपरेट में नहीं कर रहा, कंसोलिडेटेड में करेगा, क्योंकि एसपीवी और आप एक ही हो, अलग अलग नहीं हो, दो सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो कंसोलिडेशन के पॉइंट से ये एसीएम सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एसपीवी इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर यू इन कंसोलिडेशन, इन कंसोलिडेशन। पर सेपरेट में तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, यहां तक ठीक है। अरे हाँ अदिति जी, वही तो समझा रहा हूँ, आप पढ़ो तो सही वहां पे, इसीलिए मैंने मार्क कराया, वही मार्क कराया मैंने आपको, ठीक है। सी एफ एस एस एफ एस, हाँ दो अलग अलग आंसर्स आएंगे ना अरुणा जी, मैं पहले तो एस एफ एस के पॉइंट से ही पूछा था ना, बैंक का एफ ए टी पी एल होगा, ये सब क्लियर है। बट सर व्हेन वी रीड क्वेश्चन सीम्स ए सी एम मॉडल नहीं, क्यों जयशंकर जी? देखो ना, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सर हम लोगों को तो ए सी एम लग रहा है, अरे क्यों लगना चाहिए? ए सी एम क्या होता है? मैंने लोन दिया, उस लोन से इंटरेस्ट आएगा, मैं कलेक्ट करूंगा यार, उससे प्रिंसिपल आएगा, मैं कलेक्ट करूंगा। आपका इंटरेस्ट ना उस इंटरेस्ट में है को कलेक्ट करने में, ना उस लोन को प्रिंसिपल को कलेक्ट करने में, आप तो बस वो इंस्ट्रूमेंट को बेच दे रहे हो। आपका इंटेंशन पहले दिन से पिक्सा मैं एसपीवी को बेच दूंगा, तो आपको लगना ही क्यों चाहिए कि एसीएम है? सोच के देखो ना जयशंकर जी, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या आपको? एफईओसीआई कैसे होगा? हाँ विजय जी आपका पॉइंट है, एसपीवी एफईओसीआई कैसे होगा, तो वो जाने दो ना विजय जी, वो आपको कोई नहीं पूछेगा एफईओसीआई कैसे होगा। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी जाने दो उसको, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ। एफईओसीआई एफईटीपीएल दोनों भी हो सकता है, उन्होंने वो आपको पूछा ही नहीं, उन्होंने बस ये पूछा एसीएम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आप और एसपीवी दो अलग अलग एंटिटी नहीं हो, आप दो जिसे मैं एक जानो, है ना, ये वर्ड हमेशा याद रखना, अलग नहीं है वो अपने से, तो आप उन दोनों को एक ही मानते हो, तो इसीलिए एसीएम अकाउंटिंग, क्योंकि आप ही कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्ट्रेस केस सिनेरियो है, ये सिंपल कहानी है, ये आप लोगों को जम जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इलस्ट्रेशन 7 इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। अगर हम, मैंने क्या कहा था, जो इंटरेस्ट है वो या तो फिक्स होगा या फ्लोटिंग होगा, प्रिंसिपल है वो फिक्स्ड है, अगर ये सब डेरिवेटिव बन जाए, मतलब किसी और चीज से लिंक हो जाए, जैसे इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, गोल्ड, ठीक है ना, ETF, किसी भी चीज से लिंक कर दें तो डेरिवेटिव हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज अकाउंटेड एज पर FVTPL, ये एक रूल याद रखिए, डेरिवेटिव्स कुछ भी हो FVTPL ही अकाउंट होंगे, ये फिक्स है, डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज अकाउंटेड अंडर FVTPL। हाँ अगर वो हेजिंग के लिए यूज हुए हैं तो कहानी अलग है, वो एंड में देखेंगे, एकदम एंड में देखेंगे, उसके ऊपर अभी आना ही मत, ठीक है। अब ये वाली एक कहानी है जो हम लोगों को ध्यान देना है, इंस्ट्रूमेंट ए इज अ बॉन्ड विद स्टेटेड मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी डेट फिक्स है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों के दोनों लिंक हुए हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स से, ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक हुए हैं, मतलब प्रिंसिपल क्या मिलेगा, वो जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स पे फिक्स है, जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर 5% है तो प्रिंसिपल पे 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, इंटरेस्ट भी जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, अगर जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट का रेट भी हम बढ़ा देंगे, मतलब दोनों भी चीज़ें लिंक हो गई इन्फ्लेशन इंडेक्स से। आपको क्या लगता है डेरिवेटिव है या नहीं है? डेरिवेटिव है या नहीं है फटाफट बताइए, डेरिवेटिव है या नहीं है? धन्यवाद जयशंकर जी, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ज़रूरी है। बताइए, मैंने अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक कर दिया तो डेरिवेटिव है या नहीं है? देखिए आप लोगों की डेरिवेटिव्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ, पर एक बेसिक आइडिया आता है कोई भी चीज़ को पढ़ के कि यार ये डेरिवेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके बेसिस पे बताइए आप लोगों को जो ठीक लगे। यस इन्फ्लेशन इंडेक्स इज अंडरलाइन, बस आप लोग अगर इतना समझ गए कि अंडरलाइन है तो बस ये डेरिवेटिव है, तो ACM नहीं होना चाहिए ना अकाउंटिंग फिर। पर यहाँ एक एक्सेप्शन दिया गया है ACM अकाउंटिंग में, दिस इज थर्ड एक्सेप्शन, यानी ये वो वाला एक्सेप्शन नहीं है कि ACM अकाउंटिंग होगी, यानी ये एक तरह से एक डेरिवेटिव वाला एक्सेप्शन दिया गया है कि इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स को आप ACM ही अकाउंट कीजिए, क्योंकि ये सेफगार्ड करने के लिए बनाए गए हैं, ये इसके होल्डर को सेफगार्ड बनाने के लिए कहा गया है। जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना, है ना, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना, तो हम हमारे इन्वेस्टर को सेफगार्ड करना चाहते हैं कि अननेसेसरी उसका प्रिंसिपल का लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, इसलिए जनरल इन्फ्लेशन इंडेक्स जितने से बढ़ेगा उतना हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे, दिस इज टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर। इसीलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग भी ACM ही होगी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग आप FVTPL नहीं करेंगे। ये सब लोगों को समझ गया?
क्लियर है सब लोगों को? बताइए। तो ये वाला एक एक्सेप्शन रूल याद रखना। चलो, ये न्यूली एडेड क्वेश्चंस में थे, ये वाला करवाता हूं अब मैं आप लोगों को। एच इज अ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? परपेचुअल यानी मेच्योरिटी डेट नहीं है, बट इशूअर जो इशू कर रहा है उसके पास कॉल ऑप्शन है, ठीक है? एट एनी पॉइंट, जब चाहे तब, एंड पे द होल्डर द अमाउंट अक्रूड एंड इंटरेस्ट ड्यू, तो जो भी अमाउंट ड्यू है वो पूरा का पूरा पे कर देगा। एच पेज अ मार्क इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट यानी फ्लोटिंग इंटरेस्ट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करता है वो, बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेड अनलेस इशूअर इज एबल टू रिमेन सॉल्वेंट। भाई मैं मेरी सॉल्वेंसी देखूंगा, अगर मैं सॉल्वेंट हूं तो इंटरेस्ट दूंगा, नहीं तो मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, पहली बात, इशूअर के पास ऑप्शन है, इशूअर के पास, ठीक है? होल्डर के पास नहीं, इशूअर के पास। इच्छा हुई तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। इंटरेस्ट दूंगा अगर मैं सॉल्वेंट रहा तो, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं दूंगा। व्हाट डू यू थिंक? लाइबिलिटी, इक्विटी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लाइबिलिटी इक्विटी, बताइए लाइबिलिटी या इक्विटी? ये न्यूली एडेड क्वेश्चंस में है तो इसको मार्क कर दीजिएगा, ये पढ़ना है आप लोगों को। इक्विटी, चलिए अमित जी ने बोला इक्विटी, नो फिक्स डेट, करेक्ट आनंद जी। देखो प्रिंसिपल देने का तो मैं है ही नहीं, प्रिंसिपल देने का ऑब्लिगेशन नहीं है, डिस्क्रिशनरी ऑब्लिगेशन नहीं है, डिस्क्रिशनरी है प्रिंसिपल देना, ठीक है? तो प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट भी देखा जाए तो डिस्क्रिशनरी है, मैं सॉल्वेंट रहूंगा तो दूंगा। तो सॉल्वेंसी से मतलब क्या है आपका? सॉल्वेंसी से तो कुछ भी मतलब निकल सकता है। सॉल्वेंसी का क्या मतलब है? सॉल्वेंसी का मतलब तो कुछ भी निकल सकता है, हमको थोड़ी पता सॉल्वेंसी का क्या मतलब है। तो मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट भी डिस्क्रिशनरी हो गया, इक्विटी, इक्विटी हो जाएगा ये, समझ में आया? सॉल्वेंसी वर्ड इज नॉट क्लियर, पैसा देने के बाद मैं सॉल्वेंट रहना चाहिए, अरे मतलब इसका, ये लाइन का आप इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे? तो मैं तो डिस्क्रिशनरी बोल दूंगा, यानी इंटरेस्ट डेफर किया जा सकता है, ठीक है? तो उन्होंने बोला है कि इसको हम लोग एसीएम नहीं मानेंगे इन जनरल टर्म्स, ठीक है? चलो चलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलना। शशांक जी आपने लाइबिलिटी बोला था, क्लियर होगा तो बताइएगा। डी लोन विथ रिकोर्स, डी इज अ लोन विथ रिकोर्स एंड सिक्योर्ड बाय अ कोलैटरल, कोलैटरल सिक्योरिटी है, ठीक है? डज द कोलैटरल अफेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, अगर मैं कोलैटरल दे रहा हूँ तो उसके कारण कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कोई फर्क पड़ता है क्या? रिकोर्स पे दिमाग मत लगाइए, रिकोर्स इज अ वेरी सिंपल थिंग। लोन विथ रिकोर्स यानी लोन विथ, मतलब वो मैंने किसी को लोन दिया है विथ अ सिक्योर, मतलब काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, रिकोर्स यानी सामने वाला पैसा वापस करेगा, विथ रिकोर्स, एक तरह से इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए ये रिकोर्स पे, क्वेश्चन कोलैटरल पे है। कोलैटरल दिया तो उससे कैश फ्लो को कोई फर्क पड़ता है क्या? कोलैटरल यानी सिक्योरिटी, कैश फ्लो को कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर में कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसीलिए चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं 11 पे जा रहा हूँ। 10 का आंसर कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों का वेट नहीं कर रहा आंसर का, आप लोगों ने नो भी बोला है, करेक्ट। जी ने एक लोन दिया है जिसपे इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा इस लोन पे, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो? इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है इसके अंदर में, ठीक है? एनालाइज द नेचर ऑफ कैश फ्लो, क्या ये एसीएम अकाउंट कर सकते हैं इसको? इनवर्स इंटरेस्ट रेट है इसके अंदर में, इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है? क्या एसीएम अकाउंट कर सकते हैं? अच्छा, मैंने आपको पहले बोला था फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की अकाउंटिंग एसीएम हो सकती है, अगर फिक्स इंटरेस्ट रेट है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है दोनों एसीएम में आते हैं, मतलब जहां इंटरेस्ट का रेट फिक्स नहीं है, रेट कुछ भी हो सकता है, जो मिबोर का रेट रहेगा या जो लिबोर का रेट रहेगा वो एसीएम ही अकाउंट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, एसीएम अकाउंट होगा या नहीं होगा बताइए। नहीं, आप में से कई लोगों ने बोला है नहीं नहीं होगा, क्यों? डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, ठीक है? अच्छा, अब इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको इंस्टीट्यूट का आंसर बता रहा हूं, मतलब इंस्टीट्यूट ने यही बोला है नहीं है एसीएम अकाउंट नहीं होगा, पर उन्होंने आंसर अलग लिखा है, तो एग्जाम में भी आपको इंस्टीट्यूट का ही आंसर लिखना पड़ेगा ना, मैं इसलिए इंस्टीट्यूट का आंसर बता रहा हूँ। लॉजिकल कंसेप्ट बहुत सिंपल है यार, डेरिवेटिव है, मैं एफईटीपीएल अकाउंटिंग करूंगा, खत्म हो चुकी है कहानी भाई, इनवर्स फ्लोटिंग रेट अंडरलाइंग हो गया इंटरेस्ट,
वो बढ़ेगा तो मेरे को कम मिलेगा, वो घटेगा तो मेरे को ज्यादा मिलेगा। इंस्टीट्यूट ने, अरे यार मेरा ना रुको जरा, हाँ नो, किसी की तरफ से अगर कोई आंसर मेरा है, किसी का डाउट छूट गया होगा ना तो मुझे बताना। सो इक्विटी, नहीं, हर्षित जी ऐसा मत बोलिए कि इक्विटी है, इक्विटी नहीं है, इक्विटी नहीं है, पहले ये बात ध्यान में रखो। यहाँ पे क्या किया आपने, लोन दिया है तो एसेट है, पहले तो एसेट है ना, इक्विटी तो है ही नहीं, लाइबिलिटी साइड से बात ही नहीं हो रही है। इंस्ट्रूमेंट जी इज अ लोन दैट पेज इंटरेस्ट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट। अब जिसने दिया है उसके लिए भी लाइबिलिटी है क्योंकि उसको ऑब्लिगेशन है, उसको इंटरेस्ट पे तो करना है, कितना पे करना है ये फिक्स नहीं है, पर उसको पे तो करना है इंटरेस्ट, समझ रहे हैं, प्रिंसिपल भी पे करना है। ऑब्वियस ही बात है, लोन दिया आपने तो आप प्रिंसिपल भी पे करेंगे। आप इक्विटी मत बोलिए इसे, इक्विटी के साथ मिक्स मत कीजिए, देयर इज ऑब्लिगेशन टू पे। अब ऑब्लिगेशन कम पे करने का हो सकता है, ज्यादा पे करने का हो सकता है, ऑब्लिगेशन कुछ भी हो सकता है तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी, पर अकाउंटिंग ACM होना चाहिए कि नहीं, हमारा सवाल ये है, ठीक है। तो इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से या होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही केस में ACM नहीं है, क्यों नहीं है, डेरिवेटिव है। पर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आंसर में जो लिखा है आपको वो ध्यान में रखना जरूरी है, आप एग्जाम में वो लिख के रहेंगे। इंटरेस्ट दिया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंपेंसेट करने के लिए, ऑब्वियसली बात है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या होता है, वो चीज़ होती है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंपेंसेट करती है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंपेंसेट नहीं कर रहा, इसीलिए इसकी अकाउंटिंग ACM नहीं हो सकती, समझ रहे हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंपेंसेट नहीं कर रहा इसीलिए अकाउंटिंग ACM नहीं हो सकती। मैं जनरली यही बोलता हूँ कि ये डेरिवेटिव है इसीलिए इसकी अकाउंटिंग ACM नहीं हो सकती, है ना। इंस्टीट्यूट ने आंसर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ये लिख के आना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो, बस ये ध्यान में रखिए, ठीक है। चलो यहां तक ही क्लियर है। हाँ अनंत जी, आपने कहा कि फ्लोटिंग हो या फिक्स हो, इन्वर्स तो इन्वर्स होता है, पर फिर डेरिवेटिव का क्या, अंडरलाइंग आ गई ना यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आ गया कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, एक तो होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब मिबोर मिलेगा मेरे को, ठीक है, अच्छा मिबोर बढ़ेगा तो मेरे को कम मिलेगा, आपने डेरिवेटिव कर दिया, आप समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। ACM के अंदर में इंटरेस्ट फ्लोटिंग और इन्वर्स फ्लोटिंग दो अलग अलग चीजें होती है, फिक्स और फ्लोटिंग चलेगा, इन्वर्स फ्लोटिंग की बात कहाँ की गई, इन्वर्स फ्लोटिंग की बात नहीं की गई, इन्वर्स फ्लोटिंग डेरिवेटिव हो जाता है एक प्रकार से, ठीक है, तो इन्वर्स फ्लोटिंग कवर नहीं हो सकता। अंडरलाइंग आ गया ना अनंत जी, अंडरलाइंग आ गया, आप समझिए आप रिवर्स चल रहे हैं। देखिए अनंत जी, आप एक बात ध्यान में रखिए, आप ये बोल रहे हो कि सर इंटरेस्ट मिल रहा है ना तो ECM, ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, फ्लोटिंग मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है। अब मैं आपको बोलूंगा इंटरेस्ट इक्विटी से लिंक्ड है, इक्विटी इंडेक्स से लिंक्ड है, इक्विटी इंडेक्स बढ़ेगा तो इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा, इक्विटी इंडेक्स कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट कम दूंगा, आप बोलोगे फिर भी ACM है, ऐसा नहीं होता ना, आप डेरिवेटिव से लिंक कर दिया आपने, मैं ACM अकाउंटिंग नहीं कर सकता, आपको ये समझना पड़ेगा इस बात को, वहां डेरिवेटिव्स हो जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। बताओ अनंत जी क्लियर है क्या, बोलो बोलो। हाँ तो ओवरऑल अपना क्लासिफिकेशन की कहानी खत्म हो गई, ये चार्ट के अंदर में वही बातें समझाई गई है, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको समझना है, जो मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज की क्लास का टाइम हमारा हो गया, ठीक है। हाँ तो अपने को अकाउंटिंग सीखना है, अब अगर आज की क्लास लेना है तो आफ्टरनून के लिए कितने लोग तैयार है मेरे को बता दो, अब इसके आगे से क्लासेस यूट्यूब के ऊपर फ्री नहीं रहेगी, इसके आगे अपने पेड वाले चलेंगे, मैं आप लोगों को प्राइवेट लिंक्स भेजूंगा, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए कितने लोगों को आफ्टरनून क्लास चलती है, तो आज आफ्टरनून को क्लास रख लेंगे, आज इवनिंग को नहीं हो सकती, पर इसके बाद से जितनी भी क्लासेस होगी वो इवनिंग को होगी, यानी कल भी कल से अगर मैं जो भी क्लासेस लूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे शाम का जो GFRS का क्लास है उसका टाइम 6 to 7 की जगह 5 to 6 कर दूंगा, तो आप लोगों की क्लास 6 बजे से शुरू हो जाएगी शाम को, ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास 6 बजे से हो जाएगी। आज आफ्टरनून के लिए कितने लोग ओके हैं मुझे ये बताइए, 1 2 3, अब तक के 3 ओके, हाँ इवनिंग, कल से तो इवनिंग ही रहेगी, अमित जी प्रथमेश जी कल से इवनिंग रहेगी, आज आफ्टरनून के लिए कितने लोग तैयार है, आज सिर्फ आज का पूछ रहा हूँ, कल से तो इवनिंग रहेगी 6 बजे से, कल से, ठीक है, कभी भी ले लो, चलो ठीक है, आफ्टरनून के लिए कई लोग तैयार हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं, एक एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रुकिए 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 रुकिए, एक काम करते हैं आज आफ्टरनून नहीं लेते हैं, एक रीज़न समझिए, मुझे आज सब लोगों को लिंक्स भेजना है, तो आज मेरा बहुत सारा टाइम उसके अंदर में चला जाएगा, मैं भूल गया था वो बात को, आज मेरे को आप सब लोगों को लिंक्स भेजना है आगे के लेक्चर्स के पूरे आज नहीं लेते, कल का क्लास एक्स्ट्रा रहेगा, कल एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, इवनिंग सेशन ले लेंगे, ठीक है, कल से इवनिंग सेशन रहेगा, यानी मॉर्निंग और इवनिंग, कल 2 सेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खत्म करने के लिए हम लोग इवनिंग सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। पर अच्छा एक मिनट रुकिए यार, ये मेरे को पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेना, हाँ आज क्लास नहीं रखेंगे, आज क्लास नहीं, आज मैं आप लोगों को सब लोगों को लिंक्स भेज दूंगा, कल से फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह शुरू करेंगे, तो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, पेशेंटली आप सब लोगों ने सुना,
और आज आप सब लोगों को लिंक आ जाएगी आज शाम तक। अगर किसी को भी लिंक नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना कि सर लिंक नहीं आई है, मैं सब लोगों को मेल कर दूंगा। आप लोग जिस आईडी से यूट्यूब पे वीडियो देखने वाले हैं उस आईडी पे आप सब लोगों को मेल आएगा। जो आईडी आप लोगों ने मुझे दिखाया कि सर हम यूट्यूब पे ये वाले आईडी से वीडियो देखने वाले हैं, वो वाले आईडी पे सब लोगों को मेल आएगा, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों ने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि बैकअप क्लासेस आप किस में देखने वाले हैं, तो वो मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास का ड्यूरेशन 2 से 2.5 घंटे ही रहेगा, दो एक्स्ट्रा क्लास भी 2 से 2.5 घंटे ही लेना पड़ेगा हम लोगों को, जहां कम पड़ेगा वहां पे। आपकी जीएफआरएस की क्लास देखकर जीएफआरएस की तैयारी हो जाएगी? अरे बिल्कुल हो जाएगी अर्षित जी, उसमें क्या है, कल से स्टार्ट करेंगे। डिप आईएफआरएस का सेम सिलेबस है क्या? हाँ सेम सिलेबस है जयशंकर जी, ठीक है। आपके क्लास के बाद कितना और फाइनेंशियल कितना और टाइम एफआर पे दूं सेल्फ स्टडी के लिए? ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैभव जी, मेरे हिसाब से अपनी क्लास के साथ पूरा हो जाएगा, सिर्फ एग्ज़ाम के पहले 5 दिन वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सर न्यू मॉड्यूल ज़रूरी है क्या? नहीं अभिषेक जी, मैंने न्यूली एडेड क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनाई थी, 6 वीडियोज़ है, 6 या 7 वीडियोज़ है, उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी है। उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक्सेल शीट शेयर की है जिसमें न्यूली एडेड क्वेश्चन के पेज नंबर्स है, बस वो शीट डाउनलोड कर लीजिए, उससे देख लीजिएगा, ठीक है अभिषेक जी, उससे आपका काम हो जाएगा। चलो कंसेप्ट और एग्जाम क्वेश्चन दोनों ही है। आज का लेक्चर तो कंसेप्ट ही था आशुतोष जी, वो आप कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी अगली क्लास से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अरे हर्षित जी, जीएफआरएस की पता है क्या, क्लास की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपने एफआर एक बार अच्छे से पढ़ लिया और जीएफआरएस की केस स्टडीज देख लिए तो जरूरत ही नहीं है एफआर की, क्या मतलब जीएफआरएस की अलग से क्लास की। मैं पहले तो भी लेता था, अब मैंने बंद ही कर दिया जीएफआरएस लेना, वो रीजन से नहीं, आज कोई जरूरत नहीं है अभी जी, आज नहीं। मैं आप लोगों को बताऊंगा जब क्वेश्चन रेफर करने पड़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, आज तो जरूरत नहीं है। चलो और कोई कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। और आज शाम तक अगर आप लोगों को लिंक्स मेल नहीं आई, 5 बजे तक के आप लोगों को लिंक्स मेल नहीं आए तो मुझे बोल देना कि सर मेल नहीं आया है। व्हाट टू डू टू वॉच पेड लेक्चर्स? पे कर दीजिए दीपक जी, बस और कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां पे कर सकते हैं। चलिए कार्विन कार्व आउट्स बाद में देखेंगे अर्षित जी, देखो कार्विन कार्वआउट का वेटेज बहुत कम है और अब तक के तो एग्जाम में नहीं आए हैं, तो अभी कार्विन कार्वआउट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अर्षित जी, उसको जाने दो अभी। हाँ जयशंकर जी बिल्कुल, मेरे वेबसाइट से पे कर सकते हैं। कल का टाइमिंग सुबह ही रहेगा 7 बजे। कुछ कल हम लोग बाकी एक बार सारे पेड स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लेंगे कि 7 बजे का टाइम 6:30 करना है क्या। अभी डिस्कस मत करो, अभी मैं आप लोगों के मैसेज भी नहीं देखूंगा वो 7 बजे के, वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। टाइमिंग रिलेटेड अब जो भी कंसर्न है वो आगे से कल ही डिसाइड करेंगे, आज का टाइम तो 7, अभी तो नॉर्मल टाइम, कल भी 7 बजे ही रहेगा, यही ध्यान रखिए। हो गया, किसी का और कोई डाउट नहीं है, एंड कर दूं सेशन। सर कैसे बाय कर सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अनामिका जी। हो गए, चलो अब एंड कर रहा हूँ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।